हेलो साथियों कैसे आप सभी मैं विवेक एक बार फिर से साथ, आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति तो स्टार्ट करते हैं आज का स्टेटिक जीके का जगराता और जैसे कि जागरण के नियम है कि जब भी तुम्हें कुछ समझ में आए तो हाथ नहीं उठाना आहू 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 ये हमारा जयकारा होगा हाथ उठा के ऊपर ऐसे सिर्फ हाथ नहीं उठाना हाथ उठा के साथ में बोलना है आहु आहू आहू हर एक चीज को मस्ती से समझना है क्योंकि कुछ लिखना नहीं है पेन कॉपी रख दो साइड में आज पूरी मस्ती में रहो जागरण में कभी पेन कॉपी लेकर आते हो बिल्कुल नहीं आज बस तुम पोल मार के बैठ जाओ और बस माता रानी को एक बार याद कर लेते हैं और जोर से जयकर लगाते बोलो सरस्वती मैया शारदे की जय और अपने फेवरेट सिंबल से स्टार्ट करते हैं और तुम साथ में बोलोगे क्योंकि भजन साथ में गाए जाते हैं जय का जागरण में कि हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए हो गई है पीर सी पिघलनी चाहिए इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए मेरे सीने में ने सही तेरे सीने में सही मेरे सीने में सही तेरे सीने में सही लगी हो आग कहीं भी यह आग लगनी चाहिए हम सब की मिलकर कोशिश है यह सूरत बदलनी चाहिए आहू 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 चलिए तो सबसे पहले करेंगे वैज्ञानिक अर्थात साइंटिस्ट वे उनके अविष्कार वैज्ञानिक वे वै उनके अविष्कार और अविष्कार भी ऐसे ऐसे कि तुम सोचोगे कैसे कैसे तो सबसे पहले स्टार्ट करते बच्चा वैज्ञानिक तथा उनके आविष्कार और याद रखिएगा सब कुछ ट्रिक्स से होगा बच्चा सब कुछ किससे होगा ट्रिक्स से होगा ओके ट्रिक्स से तो स्टार्ट करते सबसे पहले टेलीस्कोप सबसे पहले किससे स्टार्ट करती टेलीस्कोप से तो देखिए टेलीस्कोप का मतलब होता है टेली का मतलब होता है दूर दूरदर्शी जो दूर का दर्शन करने के काम आए उसे कहते हैं टेलीस्कोप क्या कहते हैं टेलीस्कोप पहला भजन स्टार्ट हो चुका है टेलीस्कोप के आविष्कारक टेलीस्कोप के आविष्कारक बिल्कुल सही हंस लिपर शे हंस लिपर शे मगर आप लोग भूल जाओगे आप लोग भूल जाओगे तो यहां पे आ जाती है ट्रिक यहां पे आ जाती है ट्रिक देखो मान लो तुम किसी से प्रेम करते हो और प्रेम ने प्रेम भगवान ने भी किया था तो कोई बुरा ना माने मानो तुम किसी से प्रेम करते हो तो प्रेम मानो वो दूर रहता है कहां रहता है दूर टैली माने दूर और तुम्हें करने उसके दर्शन उसके लिप्स उसके होठों को हंसते हुए देखना है तुम सबकी चाहत होगी कि तुम अपने बेबी बाबू के होटो को हंसता हुआ देखो तो हंसता हुआ लिप्स वो कुछ कहे वो कहे बाबू तुम दूर से देखकर पहचान लो दूरदर्शी दूर से हंसते हुए लिप्स को से माने जब वो कुछ कहे जब वो लिप्स से ऐसे कहे तुम खटाक से पहचान लो दूरदर्शी टेलीस्कोप हंस लिप्स से हंसते हुए तुम लिप्स से कुछ कहना मैं तुम्हें दूरदर्शी से पहचान लूंगा शाबाश पहली धांसू पहली धांसू बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार चलिए बच्चा आगे आ जाता है आगे आ जाता है बैरोमीटर क्या जाता है मेरे दोस्त बैरोमीटर अब कभी नहीं भूलोगे हंसते हुए लिप्स से देखूंगा टेलीस्कोप से जो आप वो दूरबीन लेते हो ना दूरबीन वो भी टेलीस्कोप जैसी होती है दूरदर्शी अब आ जाता है मेरे दोस्त बैरोमीटर 1643 में बैरोमीटर फटावट से बता दीजिए बैरोमीटर बैरोमीटर का आविष्कार किया था बैरोमीटर का इवाजेलिस्टा टोरी सेली जे लिस्टा लिस्टा टोरी सैली किसने किया था एवांजे लिस्टा टोरी सैरी ने एवांजे लिस्टा टोरी सेली अब कैसे याद रखोगे तो याद रखिए बैर 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 बैरोमीटर अर्थात जब हमारी किसी से दुश्मनी होती है जब हमारा किसी से बैर होता है तो हमारी लिस्ट में वो आ जाता है हमारी दुश्मनों की लिस्ट में कैसे याद रखोगे इवेंज इवेंज से रिवेंज भी याद कर सकते हो क्या याद कर सकते हो रिवेंज रिवेंज माने होता है बदला हमें बदला लेना है जिनसे हमें बदला लेना है उनका हमने लिस्ट बना ली क्या बना ली लिस्ट तो जो गांव देहात से होंगे वो जानते होंगे बैर का मतलब होता है दुश्मनी और दुश्मनों की होती है लिस्ट दुश्मनों की क्या होती है लिस्ट और दुश्मनों को तोड़ना है दुश्मनों को क्या करना है तोड़ देना है दुश्मनों को तोड़ देना है टोरी सैली दुश्मनों को तोड़ देना है वायु दाब मापने के काम आता है किसके काम आता है दाब या एटमोस्फेरिक प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर मापने के काम आता है कभी ना भूलने वाली ट्रिक्स पेन छोड़ दो और देखो तो इवेंट लिस्ट लिस्ट बना ली है और तोड़ दूंगा दुश्मनों को ऐसे याद कर लो बहुत शानदार आगे आ जाता है मेरे दोस्त वैक्यूम पंप वैक्यूम पंप निर्वात पंप अक्सर आपने सुना होगा वैक्यूम पंप के बारे में क्या आप जानते हैं वैक्यूम पंप का किसने किया था ओटो वोन ग्यूरिक ओटो वोन ग्यूरिक ऑटो वोन ग्यूरिक ऑटो वोन ग्यूरिक कैसे याद किया आपने ऑटो वोन ग्यूरिक आप जानते हो कि जो वैक्यूम पंप होता है आप यहां से याद रखना ऑटो से कहां से याद रखना ऑटो से तो ऑटो ऑटो मतलब ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आपने घर में वैक्यूम पंप चला दिया आपने टीवी में देखा होगा आपने टीवी में देखा होगा कि वैक्यूम पंप तुमने हाथ में ले लिया वैक्यूम पंप लेकर आओ मैं इन्हें दिखाऊंगा वैक्यूम पंप तुमने हाथ में ले लिया और तुमने रेत पे रख दिया रेत पे तो वो धूल को अपनी आप ऑटोमेटिक धूल धूल को अपने आप खींच लेगा और तुम कहोगे कहां गई धूल कहां गई धूल कहां गई री धूल कहां गई री ग्यूरी धूल कहां गई वो ऑटोमेटिक धूल को खींच लेगा वैक्यूम पंप अब इतना तो तुम्हें याद रखना होगा कि कार नहीं खींचती धूल को धूल को वैक्यूम पंप खींचता है कौन खींचता है धूल को वैक्यूम पंप खींचता है तो नाम क्या हो जाएगा ओटो वोन ग्यूरिक क्या नाम हो जाएगा ओटो वोन ग्यूरिक बहुत शानदार चलिए बच्चा आगे आ जाता है पेंडुलम क्लॉक क्या आ जाता है पेंडुलम क्लॉक पेंडुलम क्लॉक पेंडुलम वो ऐसे नहीं लटकता ऐसी वाली जो घड़ी होती है जो पूरी ठमकती है ऐसे ऐसे पूरी ठुमके लगाती है वो जागरण है जागरण में नाच भी होता है पेंडुलम पेंडुलम घड़ी पेंडुलम घड़ी फटाफट बता दीजिए क्रिस्चियन हाइजेंस क्रिश्चियन हाइजेंस बिल्कुल क्रिश्चियन हाइजेंस और देखो बच्चा याद भी हो गया याद भी हो गया ट्रिक भी बिल्कुल क्रिश्चियन हाइजेंस ट्रिक में बिल्कुल धस हुआ है कैसी जो पेंडुलम आपने चर्च देखे चर्च चर्च देखे होंगे आपने चर्च में यहां पे घड़ी लगी रहती है चर्च में घड़ी लगी रहती है जो ऐसे ऐसे घूमती रहती है आपने कितनों ने चर्च देखे चर्च में आपको ऐसी घूमती हुई घड़ी दिखेगी क्रिश्चियन चर्च किसके मंदिर होते हैं चर्च क्रिश्चियंस के मंदिर होते हैं और वहां बहुत ज्यादा जने जाते हैं जेंट्स 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 जाते हैं वो देख लेते हैं अच्छा घड़ी में बज गए हमें अब कहां जाना है पेंडुलम घड़ी में समय देखकर वो चर्च जाते हैं कहां जाते हैं चर्च से आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं ऐसे याद रख लेना तो पेंडुलम घड़ी क्रिश्चियन हाई जन्स क्रिस्टियन हाई बहुत ही शानदार आगे आ गया जाता है मेरे दोस्त आगे आ जाते हैं आगे आ जाते हैं बहुत अच्छे शाबाश बहुत अच्छे आगे आ जाते हैं मेरे दोस्त बहुत ही धांसू धांसू से क्वेश्चन है तुम्हारे भाई के पास फर्स्ट रेफ्रिजरेशन मशीन फर्स्ट रेफ्रिजरेशन मशीन फर्स्ट रेफ्रिजरेशन मशीन फर्स्ट रेफ्रिजरेशन मशीन रेफ्रिजरेशन मशीन आप जो रेफ्रिजरेटर जिसे आप कह सकते हो रेफ्रिजरेटर जिसे आप कह सकते हो तो फटाफट से बताइए यह किसने किया था बहुत अच्छे उसके बाद में आ जाता है स्टीम इंजन क्या जाता है स्टीम इंजन स्टीम इंजन भाप वाला इंजन स्टीम इंजन भाप वाला इंजन इसे भाप इंजन भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं भाप इंजन बहुत अच्छे रेफ्रिजरेटर को अभी देखेंगे इसके आपके बहुत ज्यादा इसमें गलत आते हैं ओलिवर बिल्कुल सही बता रहे हो ओलिवर इवांस, बिल्कुल सही परंतु अभी देखेंगे अभी रुक जाना अभी बताओ भाप वाला इंजन भाप वाला इंजन उसके बराबर आ जाता है कार्बोनेटेड वॉटर आप जो पेप्सी वेप्सी पीते हो कार्बोनेटेड वॉटर आप पेप्सी नहीं पीते हो भाई आप पेप्सी पीते हो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है कार्बोनेटेड वॉटर कार्बोनेटेड पानी ये सब पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर में तो आप देखो भाप में क्या होती है शक्ति होती है भाप में क्या होती है शक्ति और यदि तुम्हारे हाथ पे लग गई भाप तो तुम्हारी लग जाएगी वाट तुम्हारी क्या लग जाएगी वाट लग जाएगी तो जेम्स के हाथ पे लग गई थी भाप और उसके हाथ की लग गई थी वाट तो भाप से बच के रहना चाहिए वरना क्या लग जाती है वाट लग जाती है क्या लग जाती है वाट लग जाती है सभी को बुला लो जितने भी दोस्त हैं और पंद्रह हजार पहुंचा दो और दिखा दो कि एग्जामपुर का जागरण जा अखंड कार्बोनेटेड वॉटर कार्बोनेटेड वॉटर बिल्कुल अच्छे से जोसफ प्रिस्टले जोसफ प्रिस्टले जोसफ प्रिस्टले अब देखो कैसे याद करा रहा हूं जोसफ प्रिस्टले कैसे याद करा रहा हूं देखो बच्चा आपने अक्सर देखा होगा गांव देहात में जब किसी पर भूत आ जाते हैं क्या जाते हैं भूत आ जाते हैं तो हुक्के का पानी पिलाया जाता है आपके गांव देहात में जब किसी पर भूत आ जाते हैं तो किसका पानी पिलाया जाता है हुक्के का पानी पिलाया जाता है हुक्के में लोग हुक्का जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि हुक्के में तंबाकू जलता है गोबर जलता है गोबर के जो कंडे होते हैं जिन्हें गांव में गोसे बोलते हैं गोसे जलते हैं जब गो से जलेंगे तो क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड और हुक्के का पानी लेने कहा जाते थे के पास जाते थे माने मुस्लिम मुल्ला बोल देते हिंदू पुजारी बोल देते क्रिश्चियन पादरी बोल देते हैं लेकिन इंग्लिश में उसे पृष्ठ बोलते हैं क्या बोलते हैं पृष्ठ आपने पिक्चर में भी देखा होगा कि वो जो पादरी साहब होते हैं जो पुजारी जी होते हैं वो झाड़ होते हैं और हुक्के का पानी मुंह पर डालते हैं तो बच्चा क्या हो जाता है सेफ हो जाता है जोसेफ सेफ पृष्ठ अर्थात जिस पानी से पुजारी लोग हमें ठीक करते हैं हालांकि वो अंधविश्वास होता है कार्बोनेटेड वाटर तो तुरंत याद कर लेना जोसेफ पृष्ठ ले जोसेफ पृष्ठ ले।, जो ले कभी नहीं भूलोगे एक एक ट्रिक तुम्हारी जीवन से जुड़ी हुई है एक एक ट्रिक तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है बहुत अच्छे एक एक ट्रिक तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है प्रथम फर्स्ट हॉट एयर बैलून गर्म हवा का गुब्बारा गर्म हवा का गुब्बारा जिसमें आदमी को बैठाया गया था आपने देखा होगा पिक्चरों में एक गुब्बारा होता है उसके नीचे बैठने की जगह होती है उसमें कई सारे आदमी बैठे रहते हैं हॉलीवुड की पिक्चरों में तुमने देखा होगा तो प्रथम फर्स्ट हॉट एयर बैलून हॉट एयर बैलून प्रथम गर्म हवा का गुब्बारा प्रथम गर्म हवा का गुब्बारा नाम बता दो जोसफ राल्फ और जैक्स इटिया ने मोन्ट गोल्फियर राल्फ एंड गोल्फियर राल्फ एंड गोल फायर, राल्फ एंड गोलफियर तुरंत याद हो गया बच्चा तुरंत याद हो गया गोल फायर लिख लो इसे गोल फायर गोल फायर अब कैसे याद हो गए बच्चा जो गोला होता है गोला होता है गोला कैसा होता है गोल अरे बैलून जो होता है वो गोल होता है और यहां गर्म हवा की बात हो रही है तो गर्म हवा कहां से आएगी गर्म हवा आग से आएगी फायर गर्म हवा आग से आएगी और गुब्बारा कैसे भगेगा गुब्बारा राफेल की तरह भगेगा गुब्बारा राफेल की तरह भगेगा अरे राफेल राफेल भी तो हवा में उड़ता है जो हमारा राफेल कल परसों ही आया है फ्रांस से तो गुब्बारा आग से कहां उड़ेगा रा राफेल हॉट गुब्बारे की तरह हवा में उड़ेगा हमेशा के लिए याद हो गया अब कभी नहीं भूलोगे अब कभी नहीं भूलोगे आगे आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्निक इलेक्ट्रोलाइसिस आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस कहां इस्तेमाल होता है एग्जामपुर के बच्चों बता दो इलेक्ट्रोलाइसिस कहां पे इस्तेमाल होता है तो आप जानते हो कि जैसे पानी में एनएसीएल को घोल दिया पानी में एनएसीएल को घोल दिया पानी में एन घोल दिया आपने पानी में और इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी निकाल दी इसके अंदर से क्या निकाल दी इलेक्ट्रिसिटी तो आपको क्या क्या मिलती है आपको क्लोरीन गैस मिलती है आपको हाइड्रोजन मिलती है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलती है ये तीन चीज मिलती है इसका मतलब किसी वस्तु को अपने आयंस में तोड़ देने की टेक्निक जिसकी वजह से आप जो साइकिल चलाते हो साइकिल का हैंडल देखा है आपने साइकिल के हैंडल पे कितनी ज्यादा चमक होती है कभी सोचा है क्यों चमक होती है साइकिल के हैंडल पर क्योंकि लोहे के ऊपर लोहे के ऊपर क्रोमियम की क्रोमियम की क्या की जाती है प्लेटिंग की जाती है लोहे के ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग वो भी किस टेक्निक से की जाती है इलेक्ट्रोलाइसिस आप अपने घर में घड़ी के सेल इस्तेमाल करते हो टॉर्च के सेल इस्तेमाल करते हो जो टॉर्च के सेल होते हैं उनके अंदर भी कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बिजली उत्पन्न होती है मेरे साथी यही प्रक्रिया होती है अब बताओ क्या ये चीज तुम्हें मालूम थी क्या ये थी चीज तुम्हें मालूम थी तो इसके वैज्ञानिक का नाम है मारूम यह चीज तुम्हें मालूम थी कहोगे हाँ हमें मालूम थी या हमें मालूम थी चीज हमें मालूम थी तो इसके वैज्ञानिक का नाम हो गया मार्टिनस 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 मारूम मार्टिनस मारूम इसके वैज्ञानिक का नाम हो गया यहां पे मालूम की जगह मारूम तो कैसे याद रखोगे हमें याद था हमें याद था मार मार दो बार मार इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिसिटी लगा के इसके अंदर से इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो ये बात हमें मालूम थी तो इसके वैज्ञानिक का भी क्या नाम हो गया मार्टिमस मारूम क्या नाम हो गया मार्टिमस मारूम आगे आ गया जाता है बच्चा थ्रेसिंग मशीन आपके सबके घर में अभी गांव में गेहूं लग रहे होंगे गेहूं से क्या निकालते हो जब गेहूं को उसकी बाल से अलग करते हो तो उसे क्या कहते हैं थ्रेशिंग कहते हैं क्या कहते हैं बच्चा थ्रेशिंग बताओ थ्रेशिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था तो आ जाती है, तो है एंड्रयू मेकले एंड्रयू मेकले क्या नाम याद रखोगे एंड्रयू मेकले एंड्रयू मेकले तो कैसे याद रखोगे थ्रेशिंग थ्रेशिंग माने गेहूं को अलग करना गेहूं को अलग करना कैसे याद करोगे तो आप ऐसे याद करो कि जो ये मैं किले यहां से याद रखो कि मे मैं अकेले पहले क्या करते थे लोग अकेले अकेले गेहूं को पीटते थे ऐसे गेहूं को मारकर गेहूं को अलग किया जाता था अब मशीन के द्वारा तो कैसे याद रखोगे कि एंड्रयू मैकेले कि मैं अकेले पहले करता था गेहूं की सफाई पर अब आजकल किसके साथ करता हूं थ्रेशिंग मशीन के साथ थ्रेशिंग मशीन में व्यक्ति चाहे तो अकेले अकेले भी गेहूं निकाल सकता है अकेले मशीन को स्टार्ट करे ट्रैक्टर से लगाकर और पीछे उसमें वो लगाता रहे गेहूं की जो बंडल होते हैं तो आंसर क्या जाएगा एंड्रयू में अकेले मैं अकेले ही कर दूंगा मैं अकेले ही कर दूंगा आगे आ जाते हैं बच्चा आगे आ जाती है स्विंग मशीन क्या जाती है स्विंग मशीन स्विंग मशीन का मतलब होता है कपड़ा सिलने वाली मशीन कपड़ा सिलने वाली मशीन कपड़ा सिलने वाली मशीन इसके आविष्कारक का नाम है थॉमस सेंट इसके आविष्कारक का नाम क्या है थॉमस सेंट इसके आविष्कारक का नाम क्या है बच्चा थॉमस सेंट इसके आविष्कारक का नाम है किसका नाम है थॉमस सेंट इसके अविष्कारक का और अभी हटना मत अभी आपने जो अभी बीस मिनट में किया है उसे देखना पूरा का पूरा आपको याद होगा कैसे याद करोगे संत महात्मा संत महात्मा संत महात्मा अपने आप कपड़े सिलते हैं संत महात्मा जो होते हैं बाबू वो अपने आप कपड़े सिलते हैं जो संत महात्मा होते हैं जैसे गांधी जी वो अपने आप चरखा चलाते थे तो अपने आप कपड़े सिलते थे ना तो वहीं से याद रख लेना जो संत महात्मा होते हैं वो अपने आप कपड़े सिलते हैं स्विंग मशीन थॉमस संत अब देखो किसी को लग रहा हो कि बेकार ट्रिक्स है तो अभी आपको बता रहा हूं कि आपको सब कुछ याद हो गया और आपको पता भी नहीं है देख लो खुद कुछ अपने हाथ से मैं आपको इधर तो लिखूंगा वैज्ञानिक नाम इधर क्या लिखूंगा वैज्ञानिक नाम मतलब वैज्ञानिकों के नाम और इधर में क्या लिखूंगा कुछ आविष्कार मुझे एक सेकंड देना ऊपर नीचे करके लिखूंगा तो मुझे एक सेकंड देना और आप क्या करना उनको मिलाना आप क्या करना उनको मिलाना आप उनको मिलाना ठीक है बच्चा आपका काम है कि सिर्फ आप उन्हें मिलाना ओके बच्चे चलिए आ जाता है आपका आ जाता है बस एक सेकंड रुक जाइए ओ, ओ, वोन, ग्यूरिक। ओ वोन ग्यूरिक मैं कई सारे वैज्ञानिकों का नाम लिख दूं जो मैंने अभी आपको याद कराए क्रिश्चियन हाइजेंस, क्रिश्चियन हाइजेंस, क्रिश्चियन हाइजेंस, उसके बाद में आ जाता है आपका एवांजेलिस्टा टॉरी सैली, एवांजेलिस्टा टॉरी सैली, अब तुरंत याद बताइए कि आपने अभी कुछ ट्रिक याद की थी, कुछ ट्रिक याद की थी एवांजेलिस्टा टॉरी सैली, अब आप खुद देख लेना कि ये जो ट्रिक्स हैं कैसे काम करेंगी, ये ट्रिक्स कैसे काम करेंगी, डेली ये क्लास सुबह नौ बजे होती है। डेली ये क्लास सुबह नौ बजे होती है मेरे दोस्त और डेली यदि आपने क्लास ली तो आपको मजा आ जाएगा क्या जाएगा मजा मजा आ जाएगा आपको देखो तो जो सेफ हमें सेफ रखने के लिए जो पादरी होते हैं वो हुक्का का पानी देते हैं अर्थात कार्बोनेटेड वॉटर याद आया कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सड वाटर जो अगर तुम्हारे हाथ पर क्या लग गई भाप तो तुम्हारे हाथ की लग जाएगी वॉट भाप इंजन ऑटो तो अपने आप धूल खींच ले और धूल खींच गई तो मम्मी क्या कहेंगी कहां गई री ये धूल कहाँ गई गई री ओ चोरी ये धूल कहाँ गई तो धूल किसने ले ली धूल वैक्यूम पंप ने ले ली यदि किसी गांव में ले जाकर आपने वैक्यूम पंप लिख दिया या रख दिया वहां पर और उसने अपने आप धूल साफ कर दी तो मम्मी क्या पूछेंगी कहा गईरी छोरी कहां को गई गोयरी गई गईरी तो ऑटोमेटिक धूल खींच लेगा ग्यूरिक। क्रिस्चियन तो जो क्रिश्चियन लोग होते हैं चर्च में क्या देखने जाते हैं घड़ी घड़ी देखकर चर्च जाते हैं पेंडुलम क्लॉक पेंडुलम क्लॉक तुरंत याद हो गया हमारी लिस्ट में जो जो दुश्मन है उन्हें तोड़ देंगे और बैरोमीटर तो बच्चा ये ट्रिक्स लाजवाब सदा हैं यहां तो ऑप्शन भी नहीं है पेपर में आपके पास चार चार ऑप्शन होंगे कभी जीवन में नहीं फंस सकते लेकिन सबको बुला लो जितने भी तुम्हारे साथी हैं सबको बुला लो सबको एक भी साथी तुम्हारा छुटना नहीं चाहिए डेली ये क्लास नौ बजे होती है इस बात को और याद रखिएगा चलिए आगे आ जाते हैं इसका मतलब यहां से तो काम चल रहा है मतलब यहां से आपको फायदा हो रहा है तो अब जाना मत यहीं पर रखे रहना यहीं पर रुके रखना आगे आ जाते हैं आगे आ जाते हैं बच्चा हाइड्रोलिक प्रेस हाइड्रोलिक प्रेस हाइड्रोलिक प्रेस ये जो आपने कभी देखा होगा कि ब्रेक लग जाते हैं तुरंत बहुत जल्दी जिसे आप कौन से ब्रेक बोलते हो आप बोलते हो उसे अरे जो हाथ से तुरंत लग जाते हैं क्या बोलते हो उस ब्रेक को अरे गाड़ी बाइकों में आते हैं आजकल डिस्क ब्रेक तो हाइड्रोलिक पर ही डिपेंड करते हैं हाइड्रोलिक प्रेस हाइड्रोलिक प्रेस का मतलब है कि यदि एक जगह आपने लिक्विड में ज्यादा प्रेशर दिया तो वो प्रेशर ज्यादा दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है पास्कल के नियम के अनुसार किसके नियम के अनुसार बच्चा पास कल के नियम के, के, के अनुसार पास कल के नियम के अनुसार पास कल के नियम के अनुसार पास कल के नियम के अनुसार डेली वाले बच्चों के लिए भी नया है पास कल के नियम के अनुसार तो हाइड्रोलिक प्रेस हाइड्रोलिक प्रेस का आविष्कार किसने किया डेली तुरंत बताइए बच्चा तुरंत बताइए आगे आ जाते सत्रह सो अठानवे वर्ल्ड की पहली वैक्सीन वर्ल्ड की प्रथम वैक्सीन वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन वर्ल्ड की प्रथम वैक्सीन तो देखो बच्चा आप सभी जानते हो कि हमारे घर पर हमारे घर पर हमारे घर वालों का क्या रहता है प्रेशर रहता है क्या रहता है प्रेशर, है. रहता, है? प्रेशर रहता है क्या रहता है हमारे घर वालों का प्रेशर रहता है किस बात का प्रेशर रहता है कि भैया हम लोग नौकरी लगाए घर वालों का प्रेशर रहता है ना चलिए इसी तरह जो भगवान है भगवान कौन से ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी का प्रेशर रहता है कि हम लोग अच्छे काम करें तो प्रेस का माने दाब प्रेस का माने क्या होता है किसी चीज को दबाना और प्रेशर का मतलब प्रेश से क्या रखना प्रेशर अरे जो ब्रह्मा जी हैं ब्रह्मा जी का क्या रहता है हमारे ऊपर प्रेशर रहता है कि हम लोग अच्छे काम करें कभी भी रास्ते से ना भटके और हमारे लिए तो माँ बाप ही ब्रह्मा हैं माता पिता का क्या होता है प्रेशर होता है दूसरी तरीके से गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मे श्री गुरु वे नमा हमारे गुरु जी का भी प्रेशर रहता है कि हम लोग एन टी पी सी ग्रुप डी सी जी एल सी पी ओ यूपीएसआई या किसी और में नौकरी ले ले तो प्रेशर ब्रह्मा हे ब्रह्मा हे गुरुवर गुरु का भी प्रेशर रहता है किसी भी तरीके से याद रख लीजिएगा आगे आ जाते एडवर्ड जेनर क्या याद रखेगा एडवर्ड जेनर जेनर तो कैसे याद रखोगे एडवर्ड जेनर को सत्रह सो में, में प्रथम वैक्सीन का आविष्कार किया किसने किया एडवर्ड जेनर ने किया कैसे किया कैसे तो वार्ड मतलब क्या होता है बच्चा वार्ड मतलब क्या होता है और इस वैक्सीन का नाम क्या था चेचक की वैक्सीन थी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी इस बीमारी की तो देखो बच्चा वार्ड का मतलब होता है बच्चा वार्ड का मतलब क्या होता है बच्चा छोटा बच्चा जो होता है जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम अपने वार्ड को कहां भर्ती करा के आओगे कहां भर्ती कराओगे छोटे से वार्ड को छोटे छोटे लंच बॉक्स देके एजुकेशन के लिए स्कूल में भर्ती कराओगे एजुकेशन के लिए स्कूल में भर्ती कराओगे लेकिन तुम्हारी नौकरी लगेगी तब नहीं तो भाई साहब तुम्हें बच्चे चाचा नमस्ते तब नमस्ते करते हुए निकल जाएंगे इसलिए कहता हूं क्लास लेनी है जाना नहीं है एड वार्ड तो अपने छोटे से बच्चे को अपने वार्ड को वो तुम्हारा बच्चा होगा तो शैतान होगा शैतान होगा एक नंबर का तो मैडम तुम्हें डेली फोन करा करेगी सुन सर सर तो आपका वार्ड तो बहुत ही शैतान है तो तुम्हें बड़ी खुशी मिला करेगी गया तो मुझ पे ही है तो चलिए एडवर्ड जेनर एडवर्ड जेनर और भाई साहब इतना खतरनाक तुम्हारा बच्चा होगा पूरा स्कूल जानेगा उसे पूरा स्कूल जान लेगा कि ये उसका विक्की धारीवाल का बच्चा है सुन लेना तुम लोग तो कुछ काम करो ऐसा कि भाई साहब आनंद आए जीवन में तो वर्ल्ड की पहली वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के लिए छोटा छोटा बॉक्स अपने वार्ड को देकर एजुकेशन भेजोगे और उसके कारनामों से पूरा स्कूल जान लेगा कि वो तुम्हारा ही है पूरा स्कूल जान लेगा इस बात को चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे शाबाश, मजा रहे ना बिल्कुल सही बहुत अच्छे बच्चा ऐसे ही बताते रहना मुझे ऐसे ही मुझे बताते रहना चलिए आगे आ जाता है बच्चा आगे आ जाता है मोरफीन मोरफीन तो देखो जब बहुत ज्यादा चोट लग जाती है क्या लग जाती है बहुत ज्यादा चोट तो आपने अक्सर देखा होगा कि लोग मोरफीन का इंजेक्शन लेते हैं दर्द कम करने के लिए दर्द कम करने के लिए मोरफीन का इंजेक्शन लेते हैं यह सिपाहियों को जो युद्ध में सैनिक जाते हैं उन्हें बहुत मिलता है यह दर्द निवारक दवा है यह कैसी दवा है दर्द निवारक दवा। भांग के पौधे से बनती है किसके पौधे से भांग के पौधे से तो मोरफीन तुरंत बताइए मोरफीन का आविष्कार किसने किया था मोरफीन का आविष्कार किसने किया था तो आ जाता है फ्रेडरिक सर टर्नर फ्रेडरिक फ्रेडरिक सर टर्नर फ्रेडरिक सर टर्नर फ्रेड रिक सर टर्नर अब देखना याद कैसे करोगे बहुत ही धासु ट्रिक है फ्रेडरिक सर टर्नर आपका कोई रिच फ्रेंड है आपका कोई रिच फ्रेंड है फ्रेंड माने आपका कोई भी रिच अमीर फ्रेंड हो सकता है अब मॉर्फिन में क्या होता है नशा होता है मॉर्फिन में क्या होता है नशा अब जब उसने कर लिया नशा तो वो कैसे कैसे नाचेगा वो कभी गर्दन को ऐसे करेगा कभी गर्दन को वैसे करेगा क्योंकि उसने नशा कर लिया तो सर को टर्न कर करके नाचेगा मोरफीन दूसरे तरीके से याद कर लो माँ के हाथ में मोरफिन ऐसे याद कर लो मां के हाथ में मोरटीन मोर्टिन का नशा जब किसी मच्छर को हो जाता है तो मच्छर कैसे करता है मच्छर पूरे लहरे लेता है और लहरे लेकर गिर जाता है और गिरकर भी पूरा कांपता है आपने कभी नशे में गिरा हुआ मच्छर देखा है मैंने देखा है माँ के हाथ में मोर्टिन का जो नशा होता है मच्छर पूरा गिर के नागिन डांसा करता है तुरंत याद कर लेना मां के हाथ में मोटीन तो सर सर क्या हो जाएगा सर और टर्न कर करके नाचेगा ऐसे याद कर लेना नशे में या तुम्हारा कोई रिच फ्रेंड होगा वो नशा करेगा फ्रेंड रिक रिच भी कह सकते हो इसे और सर घूम घूम के नाचेगा चलिए बहुत अच्छे मोटिन कभी नहीं भूल सकते विवेक की ट्रिक्स को बस एक बार तुम क्लास में आया करो अगला आ जाता है बच्चा अगला आ जाता है जनरल अनेस्थेटिक जनरल अनेस्थेटिक ऑपरेशन के समय बेहोश करने वाली दवा ऑपरेशन के समय सामान्य बेहोशी की दवा सामान्य बेहोशी की दवा आपने अक्सर देखा होगा जब किसी को ऑपरेशन होता है तो उसे क्या दिया जाता है जनरल अनेस्थेटिक दिया जाता है क्या दिया जाता है एक जनरल अनेस्थेटिक दिया जाता है एक डॉक्टर बुलाया जाता है डॉक्टर यहां वहां सुई लगाता है ऐसे लगती है चिंटी सी चली हो मेरे हाथ का ऑपरेशन हुआ था मुझे याद है मेरे बच्चा पंद्रह हजार ले जाओ और अभी भी पंद्रह हजार न लेके जाओ तो लेके जाओ सब जगह शेयर करके आओ एक बार इतने में इसकी बहुत ही धांसू से ट्रिक बना रहा हूं एक बार शेयर कर दो जिसने नहीं किया हो और आग सी लगा दो दिखा दो यूट्यूब को कि लगा कर आग दौलत में हमने शौक पाले हैं और लिख के ले लो दुनिया वालों इस बार एन टी पी सी एस एस सी या ग्रुप डी यूपीएसआई में नंबर लाने वाले हैं बता दो दुनिया को चलिए बहुत शानदार आगे आ जाता है बच्चा आपका आगे आ जाता है बहुत शानदार कैनिंग फूड कैनिंग फूड कैनिंग फूड कैनिंग फूड कैनिंग का मतलब है कि जो जो खाना होता है आपने देखा होगा खाने को कैन में पैक करते हैं खाने को कहां पैक करते हैं? खान को कैन में पैक करते हैं। उसका बताइए देखिए बहुत ही शानदार से ट्रिक आ रही है हाना ओके शिशु देखिए जब किसी बच्चे का जब किसी बच्चे का उसमें जन्म होता है कहां पर अस्पताल में तो डॉक्टर क्या कहता है तुम्हारे शिशु का जन्म हुआ है तुम्हारे शिशु का जन्म हुआ है भाई साहब नौकरी लगने पर सोचना ये सब पहले नहीं तो तुम क्या कहते हो है ना ओके मेरा बच्चा है ना ओके तो देखो भाई यदि किसी बच्चे का क्या होगा ऑपरेशन होगा तो बेहोशी की दवा बेहोशी की दवा दिली जाएगी जैसे किसी शिशु का ऑपरेशन हुआ तो क्या होगा कि बेहोशी की दवा दी जाएगी जब बेहोशी की दवा करके डॉक्टर ऑपरेशन करके आएगा तो आप क्या पूछ पूछोगे है ना ओके मेरा शिशु ओके है ना है ना ओके मेरा बच्चा ओके है ना बिल्कुल सही है ना ओके तो जनरल अनेस्थेटिक, है ना ओके क्या हो गया शिशु बहुत शानदार है ना ओके चलिए फूड कैनिंग फूड कैनिंग फूड कैनिंग फूड कैनिंग बहुत बेहतरीन मेरे दोस्त जो खाना कैनिंग बिल्कुल सही फूड कैनिंग आ गया निकोलास निकोलास एपर्ट निकोलास निकोलस निकोलस एपर्ट एपर्ट चलो कैसे याद करोगे आपने किसी ने एप्पल का मुरब्बा खाया है आपने किसी ने सेब का मुरब्बा खाया है सेब का मुरब्बा या एप्पल या एप्पल का मुरब्बा खाया हो एप्पल का मुरब्बा तुरंत बताओ सेब का मुरब्बा या एप्पल का मुरब्बा तो एप्पल का मुरब्बा किस में आता है केन में आता है ना केन वो जो टीन का डब्बा होता है और आप क्या कहते हो अरे थोड़ा सा एप्पल का मुरब्बा निकाल के देना निकालो ना एप्पल का मुरब्बा क्या कहोगे निकालो ना एप्पल का मुरब्बा तो आपको एप्पट को एप्पल मान लेना है ट्रिक ऐसी ही होती है छोटी छोटी ट्रिक का मतलब है कैसे कोई हमारे दिमाग में चीज रुके निकालोस एप्पल बिल्कुल जब तुम्हारे घर में उसका एप्पल का मुरब्बा का डब्बा आएगा तो तुम क्या कहोगे निकालो ना थोड़ा सा एप्पल का मुरब्बा और एप्पल का मुरब्बा जिस डिब्बे में से निकलेगा वो क्या हो जाएगा केन वो क्या हो जाएगी बच्चा केन बहुत अच्छे वो क्या हो जाएगी केन बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार आगे आ चाहते हैं मेरे दोस्त आगे आ चाहते हैं बहुत ही अच्छा पहला फोटो फर्स्ट फोटो फर्स्ट फोटो वर्ल्ड में फर्स्ट फोटोग्राफ किसने निकाला था प्रथम फोटो प्रथम फोटो फटाफट फ़ड़ बताइए वर्ल्ड का प्रथम फोटोग्राफ किसने निकाला था वर्ल्ड का प्रथम फोटोग्राफ और लिखूंगा बच्चा क्या अमेर लिखूंगा आविष्कार का नाम और आप बताओगे आविष्कारक का नाम आप किसका नाम बताओगे आविष्कारक का नाम कंप्यूटर का आविष्कारक आप बताओगे फर्स्ट लाइटर होता है ना लाइटर फर्स्ट लाइटर अरे जिससे गैस चूल्हा जलाते हैं जिससे गैस चूल्हा जलाते हैं उसके का नाम, तो देखिए बच्चा, पहला फोटो, जब भी तुम्हारी शादी का पहला फोटो निकलेगा तो तुम अपने फोटो को देखकर क्या करोगे नाइस क्या कहोगे नाइस फोटो है क्या कहोगे नाइस फोटो है तो नाइस फोरे नियप से क्या कहोगे आप लोग आप कहोगे नाइस फोरेप फोरे से अर्थात भाई फोटो तो बहुत ही नाइस है नाईस छोरे नाईस. क्या फोटो है? अरे जब तुम्हारा पहला फोटो निकलेगा तो तुम्हारे दोस्त क्या कहेंगे नाइस फोटो है छोरे नाइस अरे मजा आ रहा है नहीं आ रहा पहले ये बताइए मजा आ रहा है नहीं आ रहा तुरंत बताइए ट्रिक्स काम की है या नहीं है ईमानदारी से बताना बाबू कि ट्रिक्स काम की है या नहीं है तुरंत बताइए नाइस फोरे नियप से बहुत बेहतरीन कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज चार्ल्स बेबेज अब देखो कैसे याद रखोगे चार्ल्स बेबेज आजकल आपने देखा होगा यह फोन है इस फोन में आप बहुत कहते बाबू बेबे बेबी बाबू अरे बाबा बेबू बाबी ये जो सब तुम बोलते हो इस फुनवा से कंप्यूटर है क्या है एक कंप्यूटर तो वर्ल्ड के पहले कंप्यूटर या कह सकते हो पहले मैकेनिकल कंप्यूटर पहले यांत्रिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था चार्ल्स बेबेज ने किया था आज जो दिन में तुम चार बार बेबी बाबू करते हो ना बाबा बेबू तो ये सब किसकी वजह से करते हो कंप्यूटर की वजह से किसकी वजह से करते हो कंप्यूटर की वजह से तुरंत याद हो गया किसकी वजह से करते हो कंप्यूटर की वजह से तो वर्ल्ड का पहला फोटोग्राफ नाइस फोरे नियम से पहला कंप्यूटर चार्ल्स बाबा चार बार बाबा करते हो दिन में बाबू बाबा पढ़ भी लिया करो इतनी बार चलिए लाइटर बच्चा आपने अक्सर लाइटर जलाया होगा जैसे लाइटर है मान लेता हूं अरे खुल जा ये लाइटर है तो जब भी तुम चूल्हे के पास लेकर गए होगे जब भी तुम लाइटर को चूल्हे के पास लेकर गए होगे तो कभी भी लाइटर एक बार में नहीं जला होगा तुमने दो बार ढक दो बार करते हो ना ऐसे करा होगा तुमने दो बार खट खट और जब तुमने दो बार करा होगा और कहा ले जाकर उसके नियर ले जाकर नियर का हिंदी में मतलब होता है पास ले जाकर जब तुमने दो बार लाइटर को पास ले जाकर किया होगा तो कितनी बार लेके जाना पड़ेगा दो बार कितनी बार दो बार और कहा ले जाना पड़ेगा लाइटर को चूल्हे के पास ले जाना पड़ेगा उसके पास ले जाना पड़ेगा उसके नियर ले जाना पड़ेगा तो आंसर क्या हो जाएगा डोबर नियर डोबर नियर क्या हो जाएगा डोबर नियर दो बार नियर लेके जाओ लाइटर में आग लग जाएगी दो बार नियर लेके जाओ आग लग जाएगी अपने आप दो बार पास लेकर जाओ आज की क्लास में आने से इस जागरण में आपको निराश नहीं होना पड़ेगा आज बाबा की झोली खाली करके जा कर जाएगा बाबा बाबा खाली करके जाएगा चलिए आ गया जाता है बोल्ट एक्शन राइफल बोल्ट एक्शन राइफल बच्चा राइफल की बात आ गई बंदूक की बात आ गई कट्टा गोली की बात आ गई बोल्ट एक्शन राइफल बोल्ट एक्शन राइफल तो अक्सर आपने देखा होगा ऐसे पीछे खींच के नहीं जाती थी वो गोली ऐसे उसे खींचते थे फिर उसमें बोल्ट सा देते थे तो बोल्ट एक्शन राइफल तो एक से सोचो अब कभी कोई तुम्हारे सामने एक बंदूक निकाल ले तुम्हारे सामने कोई बंदूक निकाल ले और एक बार ऐसे कर दे तो तुम्हें क्या लगेगा डर सा लगेगा तुम्हें क्या लगेगा डर सा लगेगा क्या लगेगा तुम्हें डर सा लगेगा डर सा तुम्हें क्या लगेगा डर सा लगेगा लेकिन कब निकाल लगेगा जब तुम जानोगे कि सामने वाले ने क्या निकाल है जब सामने वाले ने बंदूक निकाल ली है तो नाम क्या हो जाएगा उसका नाम क्या हो जाएगा जब तुम जान लोगे कि सामने वाले ने निकाल ली बंदूक और अब लाश बना देगा निकोलास अब लाश बना देगा लाश तो तुम्हें डर से जाओगे डर से जाओगे तो बोल्ट एक्शन राइफल जैसे उसने राइफल निकाल के एक्शन लिया तभी जान से निकल जाएगी डर से जान निकल जाएगी डर से ऐसे याद कर लेना जान निकल जाएगी डर से बोलो निकलेगी नहीं निकलेगी अरे बच्चा निकल जाएगी अच्छे अच्छा अच्छे की निकल जाएगी जान निकालो अरे तुम मेरी जान निकालोगे क्या डर से इस राइफल को बाहर निकाल रहे हो मेरी डर से जान निकल जाएगी ऐसा तुमने सुना होगा सौ परसेंट तुरंत काम करके ट्रिक सारी ट्रिक तुम्हारे जीवन की है तुम्हारे सारी ट्रिक तुम्हारे जीवन की है अब बता दीजिए मॉडर्न मैचिस्टिक आज की माचिस मॉडर्न मैचिस्टिक अर्थात आज की माचिस तुरंत बता दीजिए आज की माचिस और इसके बाद में वैज्ञानिक नाम फिर आविष्कार धुआं उड़ा दोगे वैज्ञानिक नाम में तो वैज्ञानिक नाम में तो धुआं उड़ा दोगे आगे आ गया जाता है रीपिंग मसीन। रीपिंग मशीन मशीन जो पकी फसल को काटती है हमने थ्रेशिंग में क्या देखा हमने थ्रेसिंग में देखा कि हम अकेले ही मैं अकेले ही निकाल लूंगा मैं कले हमने थ्रेशिंग में देखा था ना अरे इस मशीन से तो मैं गेहूं अकेले निकाल दूंगा मैं कले मैं अकेले निकाल दूंगा इससे गेहूं मैं अकेले थ्रेशिंग थ्रेशिंग था गेहूं की बाल निकालना गेहूं अलग करना यहां पर खड़ी फसल काटना पकी फसल काटने वाली मशीन पकी फसल काटने वाली मशीन पकी फसल काटने वाली मशीन रीपिंग मशीन रीपिंग मशीन तो माचिस का कर देते हैं जॉन वॉकर माचिस का क्या हो जाता है बच्चा जॉन वॉकर अब देखो कैसे याद करोगे कैसे याद करोगे जब तुम्हारी होगी शादी तुम्हारी क्या होगी शादी तो शादी में माचिस से चढ़ेगा मंडप फेरे के लिए आग जलेगी अब जब तुम ये जान लोगे ना आग जल गई तो हम उसके चारों तरफ क्या करोगे वॉक करोगे वॉक वॉक का मतलब होगा फेरे 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 तो बच्चा आग 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 के के चारों चारों तरफ तरफ क्या क्या लेते लेते हैं हैं और किससे लगाते हैं आग लगाते हैं माचिस से आग किससे लगाते हैं माचिस से और माचिस की तरफ माचिस के आग लगा के चारों तरफ क्या लेते हैं फेरे लेते हैं और याद कर लो यदि किसी ने जॉनी वॉकर की विश्की की बोतल लगा दी जॉनी वॉकर की विश्की की बोतल तो वो भी आग लगा के पूरी तरफ नाचता है किसी के घर में माचिस से आग लगा के कोई आराम से वॉक करके चला जाता है जितनी ट्रिक्स से चाहो उतनी ट्रिक्स से सीख सकते हो जॉन वॉकर जॉन वॉकर जॉन वॉकर बहुत अच्छे अब आ जाता है रीपिंग मशीन तो इसके वैज्ञानिक का नाम हो जाता है पैट्रिक बेल आपको याद होगा कि पहले फसल बोने के फसल को काटकर घर लाते थे तो बैल और गांव में हो कटरा और भैंसा कटरा जो भैंसे का छोटा भाई होता है और भैंसा होता है जब वो जवान हो जाता है जब कटरा क्या हो जाता है भैंसा हो जाता है तो बैल और बैल कैसे होते हैं पालतू होते हैं पेट होते हैं क्या होते हैं पेट? बच्चा पेट का मतलब होता है इंग्लिश में घरेलू क्या होता है घरेलू यार तू तो मेरा पेट यार है अपने दोस्त से दोस्त तू मेरा पेट दोस्त है पेट यार है यार पेट माने तू मेरा घरेलू यार है तू मेरी मेरी और तेरी जोड़ी बैल जैसी है तुमने वो हीरा और मोती दो बैल की कहानी सुनी थी तो यार तू मेरा पेट यार है पेट यार है हमारी दोनों की जोड़ी हीरा मोती बैल जैसी है तो पेट होता है घरेलू और बैल भी आ गया जैसे तुम्हारे समझ जाओ घरेलू बैल तुरंत समझ जाना पकी फसल काटकर किस पर लेकर आओगे बैल पर लेकर आओगे किस पर लेकर आओगे बैल पर लेकर आओगे किस पर लेकर आओगे बैल बैल होता है ना बताओ यदि बैलगाड़ी को तुम्हें लेफ्ट करना हो तो कौन सा अपनाते हो राइट करना हो तो कौन सा अपनाते हो और जितने भी गांव वाले देख रहे हो तुमसे करूंगा तुमने बैलगाड़ी देखी ना बैलगाड़ी बैलगाड़ी को लेफ्ट में ले जाने के लिए कौन सा कोड देते हो और राइट में ले जाने के लिए बैल को कौन सा कोड देते हो तुमने बता दिया तो तुम्हारा जिंदाबाद यदि तुमने आंसर बता दिया कि बैलगाड़ी को यदि लेफ्ट में ले जाना हो या राइट में ले जाना हो तो कौन सा कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है अर्थात बेल के सामने क्या कहा जाता है तो वो लेफ्ट में हो जाता है तुमने दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया तो वो राइट में हो जाता है फिर मैं बताऊंगा तुम्हें बहुत अच्छे बहुत अच्छे शानदार आगे आ गया जाते हैं बच्चा रीपिंग मशीन हो गया रीपिंग मशीन हो गया उसके बाद में आ जाता है उसके बाद में आ जाता है फर्स्ट प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक मोटर फर्स्ट प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक मोटर फर्स्ट प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक मोटर फर्स्ट प्लेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक मोटर भाई जाना मत फर्स्ट प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक मोटर फर्स्ट प्लेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक मोटर और ये डीसी मोटर थी ये कैसी मोटर थी डायरेक्ट कलन से चलने वाली अरे ऐसे नहीं कहा जाता मैं बताऊंगा हमारा बचपन में फेवरेट कार हुआ करती थी बैलगाड़ी आहा टिक आहा, टिक आहा, आहा, याद कर लो कभी बैलगाड़ी चलाओ तो इन कोड वर्ड का इस्तेमाल करना बैल सीधी गाड़ी में जाएगा आहा आहा टिक टिक चलिए पहले वर्ल्ड की पहली इलेक्ट्रिक मोटर प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक मोटर प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक मोटर आगे आ गया जाता है उसके बाद में उसके बाद में आ जाता है पहला टेलीग्राफ वर्ल्ड का फर्स्ट टेलीग्राफ फर्स्ट टेलीग्राफ अर्थात आप जब दूर से दूर से बैठे हुए और कुछ कोड के माध्यम से कुछ कोड के माध्यम से आपस में लोग वार्तालाप करते थे तुमने देखा होगा कौन सी पिक्चर में अभी कुछ दिनों पहले एक पिक्चर आई थी केसरी तो केसरी पिक्चर में एक किले से दूसरे किले तक कुछ कोड भेजता है ना वो ऐसा ही कोड होता था टेलीग्राफ और इसमें जो कोड इस्तेमाल किए जाते थे इन्हें मोर्स कोड कहते थे क्या कहा जाता था मोर्स कोड कहा जाता था फटाफट से बताइए बहुत अच्छे बहुत अच्छे शाबाश तो बच्चा फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर का आता है मोरिड्स वॉन जैकोबी मोरिड्स वॉन जैकोबी मोरिड्स वॉन जैकोबी मोरिड्स वॉन जैकोबी मॉरिड्स वॉन जैकोबी जैकोबी अब देखो कैसे याद करोगे तुमने जाका भी पंखा देखा होगा जाको भी पंखा तुमने घूमता हुआ देखा होगा तो जाको भी गांव में क्या कहते हैं जाको पंखा भी घूमता हुआ देखे, वाई को पंखा में मोटर है मोटर का काम क्या होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में बदल देना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में बदल देना जो मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है किसमें बदल देती है यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है तो विद्युत से यांत्रिक जाकी भी मोटर देखो घूमती हुई जाकी भी जैको भी समझ लेना उसके पंखे में मोटर लगी हुई है उसके पंखे में मोटर लगी हुई है जाको भी मोटर जाको भी पंखा घूमते हो देखो वहां के पंखा में मोटर लगी हुई है पान सिंह तोमर में जैसे कहता है वैसे याद कर लेना उस लैंग्वेज में एटा वाली में हाथरस वाली में आगे आ जाता है चंबल वाली लैंग्वेज में टेलीग्राफ तो इसका किया सेमुअल सेमुअल मोर्स सेमुअल मोर्स क्या दो जाएगा सेमुअल मोर्स तो देखो बच्चा यदि तुम्हें टेलीग्राफ का करना है कोर्स तो याद रखना उसका आविष्कार किसने किया था सेमुअल मोर्स सेमुअल मोर्स टेलीग्राफ एक यंत्र है हर एक यंत्र को चलाने का एक मेनुअल आता है क्या आता हर एक यंत्र को चलाने का एक मेनुअल आता है हर एक यंत्र को चलाने का एक मेनुअल आता है तो मेनुअल इसका भी क्या था मेनुअल मोर्स हर एक कोर्स का एक मेनुअल आता है कि कितने दिन में कोर्स खत्म होगा तो वहीं से याद रख लेना मोर्स कोड मोर्स कोड तो टेलीग्राफ सेमुअल मोर्स टेलीग्राफ सेमुअल मोर्स टेलीग्राफ सेमुअल मोर्स से याद कर लेना कभी नहीं भूलोगे कभी नहीं भूलोगे चलिए वर्ल्ड का पहला सोलर सेल वर्ल्ड का फर्स्ट सोलर सेल वर्ल्ड का पहला सोलर सेल सोलर सेल जो फोटोवोल्टेक इफेक्ट पे काम करता है किस प्रभाव पे काम करता है फोटोवोल्टेक प्रभाव पे काम करता है किस पे काम करता है फोटोवोल्टेक प्रभाव पे काम करता है वर्ल्ड का प्रथम सोलर सेल अरे जा रहे हो तुम मुझे छोड़ के हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं बच्चा ये तुम्हारे काम की चीजें इसी बार हर एक पेपर में ये वैज्ञानिक ना दिखा दूं और यकीन ना हो तो इस बार सीपीओ सीजीएल और पिछली बार एनटीपीसी का पेपर उठा लो वैज्ञानिक आविष्कार आएंगे आपके पेपर में ग्रुप डी में ना है तो तुम बता देना चलिए कोई बात नहीं बता दो फटाफट पहला सोलर सेल वर्ल्ड का पहला फ्यूल सेल वर्ल्ड का पहला फ्यूल सेल वर्ल्ड का पहला ईंधन सेल ईधन सेल ईंधन सेल बताइए वर्ल्ड का वर्ल्ड का पहला ईंधन सेल वर्ल्ड का पहला सोलर सेल तो चलिए एडमंड एडमंड एडमंडरल कैसे याद रखोगे एडमंड, एडमंडरल तो देखिए आपको पता है कि जो सोलर सेल होता है उसमें किसकी ऊर्जा का इस्तेमाल होता है सूर्य की ऊर्जा का सोलर एनर्जी का और सूर्य की ऊर्जा सबसे कम किसमें सोखी जाती है सफेद कपड़े में सफेद कपड़ा सूरज की ऊर्जा का परावर्तन कर देता है रिफ्लेक्शन कर देता है ना कि उसको सोखता है तो सोलर एनर्जी और सफेद कपड़े किस कंपनी के आते हैं रेमंड कंपनी के आते हैं किस कंपनी के आते हैं रेमंड कंपनी के आते हैं रेमंड डायमंड किसी से भी याद कर लेना बेकुरल, एडमंड, डायमंड किसी के भी याद कर लेना और यदि तुम सफेद कपड़े रेमंड के सफेद कपड़े पहनकर ऐसे सूरज की तरफ पीठ करके खड़े हो जाते हो तो आपको कम गर्मी लगती है क्योंकि सूरज का जो सफेद कपड़ा होता है वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है वो क्या कर देता है सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट तो रेमंड से याद कर लेना एडमंड क्या याद कर लेना एडमंड एडमंड और बेकुरल और बेकुरल वहां से याद कर लेना फर्स्ट सोलर सेल आगे आ गया जाता है फर्स्ट फ्यूल सेल विलियम रोबर्ट ग्रुव विलियम रोबर्ट ग्रुव विलियम रोबर्ट ग्रुव विलियम रोबोट और गुरुव तुरंत याद कीजिए विलियम रॉबर्ट गुरुव कैसे याद करोगे तो देखिए बच्चा आपने रोबोट देखे होंगे रोबोट देखे होंगे रोबोट किसके वजह से चलते हैं रोबोट फ्यूल सेल की वजह से चलते हैं रोबोट किसकी वजह से चलते हैं फ्यूल सेल की वजह से चलते हैं ये जो फ्यूल सेल होते हैं एक बार चार्ज हो जाते हैं फिर ये चलने लगते हैं इलेक्ट्रिक कार आदि जो होंगी वो इन्हीं फ्यूल सेल की मदद से चलती हैं। अभी आपको याद होगा कि अभी हमारे विज्ञान मंत्रालय ने, ने पांच किलो का एक फ्यूल सेल जारी किया है कुछ ही दिन पहले तो फ्यूल सेल इसका विष्कार किसने किया था विलियम रॉबर्ट ग्रुव तो यहां से याद रख लेना रॉबर्ट। रोबोट जो मूव करते हैं ग्रुव को कैसे याद करोगे मूव कि रोबोट जो मूव करते हैं रोबोट होते हैं ना रोबोट कि रोबोट जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं ईंधन के सेल की वजह से करते हैं फ्यूल सेल की वजह से करते हैं रोबोट क्या करते हैं मूव करते हैं तो रोबोट ग्रूव बच्चा याद रखिएगा कि वहां पर आपके लिए चार ऑप्शन आएंगे और चारों ऑप्शन में से आपको एक ठीक करना होगा और इन ट्रिक से आप लोग आग लगा दोगे आग क्योंकि कुछ तो आपको याद रहेगा कुछ तो आपको याद रहेगा चलिए वर्ल्ड का प्रथम कृत्रिम खाद खेत में लगाया जाने वाला वर्ल्ड का पहला कृत्रिम खाद फर्स्ट आर्टिफिशियल फर्स्ट आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर जिसे सुपर फॉस्फेट कहा जाता है जिसे क्या कहा जाता है बच्चा सुपर फॉस्फेट कहा जाता है संसार का पहला फर्टिलाइजर जिसे क्या कहा जाता है सुपर फॉस्फेट कहा जाता है क्या कहा जाता है सुपर फॉस्फेट तुरंत बता दीजिए जिसे वर्ल्ड का पहला फर्टिलाइजर कहा जाता है सी ए एच टू पीओ फोर सी एच टू पीओ फोर का होल्डवाइस इसका विष्कार किसने किया था तो जॉन बेनेट लॉस जॉन बेनेट लॉस मैंने क्या कहा था कि आजकल किसान आजकल किसान अपने खेत में खाद ना डाले यदि किसान अपने खेत में फर्टिलाइजर ना लगाए तो उसका क्या हो जाएगा उसकी जान पे बनाती है जान बनेट लॉस उसे क्या हो जाता है लॉस हो जाता है एल ए डब्ल्यू ई एस यदि कोई किसान यदि खेत में खाद ना डाले तो उसे क्या हो जाता है उसे लॉस तो हो जाता है क्या हो जाता है उसे लॉस हो जाता है लॉस यदि कोई किसान खेत में खाद ना डाले तो उसे क्या हो जाता है बच्चा उसे लॉस हो जाता है जॉन पे बन जाती है लॉस हो जाता है एल ए डब्ल्यू ई एस एल ए डब्ल्यू ई एस जॉन बने लॉस लॉस हो जाता है आगे आ गया जाता है पोर्टलैंड सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट का बताइए फटाफट पोर्टलैंड सीमेंट आ गया आ जाता है एलिवेटर का बताइए एलिवेटर का आविष्कार किसने किया था एलिवेटर का आविष्कार एलिवेटर माने लिफ्ट का आविष्कार आगे जाता है रीन कंक्रीट का आविष्कार किसने किया था आर सी सी का आविष्कार ये सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आप जाओगे अपना नुकसान करोगे क्योंकि यहां से जाने के बाद या तो आप फालतू की चीज देखोगे आप कहते रहो रुके रहो ये आपके पेपर में बहुत हेल्प करेगी और बीच में शेयर करते रहो और यदि आपको यकीन ना होता हो कि ये आपको हेल्प करेगी नहीं करेगी तो देखो मैं नाम लिख रहा हूं राल्फ और मॉन्ट गोल्फ फायर राल्फ और मॉन्ट फायर मॉन्ट गोल फायर मोंट गोल फायर और इधर लिख रहा हूं मैं राफ राल्फ तुरंत बताइए कि इन्होंने किसका अविष्कार किया था मेरी ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए और बताइए इन्होंने किसका आविष्कार किया था इन्होंने किसका आविष्कार किया था इन्होंने किसका आविष्कार किया था बच्चा तुम्हें सब कुछ याद करा दूंगा यदि मैं बता दूं बताओ कि निकोलास निकोलास और इधर आ जाता है आपका डरिए सी डर सी डर्ये सी और निकोलास निकोलास इसने किसका आविष्कार किया था तुरंत बता दोगे तो, तो राफेल विमान कहां उड़ता है हवा में एयर में उड़ता है और किसकी वजह से गोल गोल फायर की वजह से गोल गोल क्या होता है बैलून होता है गोल गोल क्या होता है बैलून और फायर की वजह से क्या होता है हॉट होता है गर्म होता है हॉट एयर बैलून गर्म हवा का गुब्बारा तुरंत याद यदि कोई बता दे निकालो यदि उससे निकाला और डर से क्या चलेगी जान तो बोल्ट एक्शन राइफल राइफल से क्या चली जाती है जान चली जाती है बहुत ही हेल्प करेगा आपको बाकी आपकी इच्छाएं बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा पोर्टलैंड सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है बिल्कुल सही तो सीमेंट के आविष्कारक कौन थे जोसेफ एस्पडीन जोसेफ एस्पडीन जोसेफ एस्पडीन जो एस्प कैसे याद करोगे अच्छे दिन कहां से याद कर लो अच्छे दिन सेफ दिन सेफ दिन डी आई एन जैसे अलादीन होता है ऐसे ही सैफुद्दीन कर लो सैफ दिन तो सेफ दिन कब आएंगे जब सबकी छत पक्की होंगी जब सबके घरों की छत सीमेंट से पक्की होंगी तो दिन कैसे आ जाएंगे सुरक्षित दिन सुरक्षित जीवन तो आपके सेफ दिन कब आएंगे आपके सेफ दिन जब आएंगे जब आपके घर पर सीमेंट की छत होगी सीमेंट की छत होगी तब आपके अच्छे दिन आएंगे सेफ दिन आएंगे अच्छे दिन एलिवेटर तो एलिवेटर आपको कहां लेके जाता है ऊपर लेकर जाता है लिफ्ट होती है ना लिफ्ट प्लीज एलिवेटर में बैठ जाओ या आपको ऊपर पहुंचा देगी ऊपर कौन होते हैं ईशा भगवान ऊपर कौन होते हैं ईशा भगवान एलिशा ओटिस क्या नाम हो जाएगा यदि तुम्हें ईसा भगवान के पास जाना हो तो तुम किस में टिकट कटा लो एलिवेटर में टिकट कटा लो एलिवेटर तुम्हें कहा लेके जाएगा ऊपर लेकर जाएगा ऊपर क्या होंगे एलिशा ओटिस एलिशा ओटिस ऊपर कौन होंगे एलिशा ओटिस बहुत शानदार बच्चे यदि अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना अच्छी लग रही हो ट्रिक्स तो लाइक करना मत भूलना आपका एक एक लाइक ऐसे घूमता है जैसे कि एन प्लस और के प्लस पोटेशियम और सोडियम के आयंस एलिवेटर ओटिस एलिवेटर ओटिस आगे आ जाता है RCC, आगे क्या जाता है RCC, RCC के RCC के वैज्ञानिक का नाम है फ्रेंकस कॉइगनेट फ्रेंक कोइस कॉइगनेट तो देखो कैसे याद करोगे याद हो गया एलिसा ओटिस एलिसा एलिवेटर एली एली तुरंत याद हो जाएगा एलिसा और कोइगनेट तो कैसे याद रखोगे नेट से याद रखो किससे याद रखो नेट से याद रखो कि आरसीसी से आरसीसी से आप क्या बनाते हो आप एक जाल बुनते हो नेट माने क्या होता है जाल सरिया का जाल सरिया होती है ना रोड का जाल बुनते हो और रोड का जाल बुनकर बीच में क्या भर देते हो बीच में आरसीसी भर देते हो रोड का जाल बुनकर बीच में क्या भर देते हो बीच में आरसीसी भर देते हो तो इस आरसीसी को भर देते हो जाल में आप क्या भर देते हो इस आईसीसी को भर देते हो तो नेट से याद रखना किससे याद रखना छोटे नेट से याद रखना आर सी सी को भर देते हो और यह क्लास सुबह डेली नौ बजे होती है ट्रिक्स की अगर शानदार क्लास ना हो तो आप बता देना चलिए फ्रेंकोइस कोइग्नेट कभी नहीं भूलोगे इसके बाद में फ्रेंकोइस कोइग्नेट आगे आ जाता है नाइट्रोग्लिसरीन, आगे आ जाता है नाइट्रोग्लिसरीन क्या जाता है नाइट्रोग्लिसरीन क्या जाता है बच्चा नाइट्रोग्लिसरीन तो याद रखिएगा नाइट्रोग्लिसरीन ये एक विस्फोटक होता, 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 होता है क्या होता है एक विस्फोटक होता है एक एक्सप्लोसिव होता है क्या होता है एक एक्सप्लोसिव होता है आपको पता है एक्सप्लोसिव क्या करते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि एक्सप्लोसिव क्या करते हैं आग लगा देते हैं धमाका कर देते हैं और जब धमाका हो जाता है तो सब क्या करते हैं सब रोते हैं सोब रेरो रेरो का मतलब कि सब के सब क्या करते हैं रोते हैं सब के सब क्या करते हैं रोते हैं तो सोब रेरो और एस केनियो एस केनियो ऐसे एस कैनियो एस कैनियो सोब रोरे कि जब विस्फोट हो गया धमाका हो गया तो सबके सब क्या करते है? हैं रोते सबके सब क्या करते हैं छोटे रोते हैं सब रो रो कि सबके सब, सब रोते हैं जब धमाका हो जाता है जब धमाका हो जाता है बहुत अच्छे आगे आ जाता है बच्चा ये याद हो गया अच्छे से ये याद हो गया बहुत अच्छे आगे आ जाता है वर्ल्ड का पहला कृत्रिम रंग वर्ल्ड का प्रथम कृत्रिम रंग वर्ल्ड का पहला कृत्रिम रंग वर्ल्ड का पहला कृत्रिम रंग फर्स्ट सिंथेटिक डाई फर्स्ट सिंथेटिक डाई वर्ल्ड का पहला कृत्रिम रंग फर्स्ट सिंथेटिक डाई तो इसका नाम होता है मोवीन ये पर्पल रंग का कलर होता था किस रंग का कलर होता था पर्पल जो पर्पल रंग होता है ना तो ये मोवीन नाम की जो डाई थी मोवीन नाम का जो रंग था इसका रंग था पर्पल क्या रंग था मेरे दोस्त पर्पल रंग था और इसके आविष्कारक कौन थे विलियम हेनरी परकिन विलियम हेनरी परकिन विलियम हेनरी परकिन विलियम हेनरी किम तो कैसे याद करोगे कृतिम डाई कृतिम डाई तो परकिंग से कैसे याद रख लेना परकिंग से याद रख लेना पार्किंग कैसे याद रख लेना पार्किंग तो जो पार्किंग होती है वो एक कृत्रिम रंग लगे होते हैं पार्किंग की जगह वो एक कृत्रिम पर्पल रंग का रंग जहां पर भी पर्पल रंग का क्या हो रंग वहां पे समझ लेना पार्किंग की जगह है किसकी जगह पर्किंग की जगह जहां भी फर्स्ट सिंथेटिक डाई की बात आ जाए वही याद रख लेना वहां किसकी जगह वहां पर्किंग की जगह है पर्किंग माने जहां पर आपकी पर्पल कलर की गाड़ी खड़ी होगी जहां पर आपकी पर्पल कलर की गाड़ी खड़ी होगी ज्विलियम हैनरी पर्किन दूसरी तरीके से याद कर सकते हो पर्पल परपल पर किन यहां से भी आप याद कर सकते हो यहां से भी चाहो तो आप लोग याद कर सकते हो उसके बाद में आ जाता है बच्चा वर्ल्ड की फर्स्ट रिचार्जेबल बैटरी वर्ल्ड की प्रथम रिचार्जेबल बैटरी अर्थात जो रिचार्ज हो जाती थी वर्ल्ड की प्रथम रिचार्जेबल बैटरी वर्ल्ड की फर्स्ट रिचार्जेबल बैटरी रिचार्जेबल बैटरी वर्ल्ड की फर्स्ट रिचार्जेबल बैटरी जिसे लेड एसिड बैटरी भी कहते हैं शीशा शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है मगर ये रिचार्ज हो जाती थी ये रिचार्ज हो जाती थी शीशा लेड एसिड बैटरी वर्ल्ड की पहली लेड एसिड बैटरी बहुत अच्छे आगे आ जाते हैं मेरे दोस्त आगे आ जाता है पास्चुरराइजेशन पास्चुरराइजेशन पास्चुराइजेशन पास चुराइजेशन टी ई यू आर आई यू आर आई जेड ए टी आई ओ एन आप जब अमूल की थैली लेकर आते हो तो उसके ऊपर क्या लिखा रहता है पास मिल्क पास मिल्क तो ये जो प्रोसेस था इससे बैक्टीरिया मर जाते हैं क्या मर जाते हैं बच्चा बैक्टीरिया मर जाते हैं लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके दूध को और तुरंत ठंडा करके किसमें पैकेट में बंद कर देते हैं तो बैक्टीरिया मार देता है क्या मार देता बैक्टीरिया साथ में बताओगे रेबीज की वैक्सीन रेबीज की वैक्सीन जो रेबीज नाम की बीमारी होती है जो कुत्ते काटने से होती है रेबीज की वैक्सीन रेबीज की वैक्सीन किसने बनाई रेबीज की वैक्सीन तो लिख लीजिए वर्ल्ड की पहली रिचार्जेबल बैटरी गैस्टन प्लांट गैस्टन प्लांट पी ए एल ए पी एल ए एन टी ई गैस्टन प्लांट तो देखो बच्चा जे जहां पर प्लांट होते हैं गैस का प्लांट तो गैस के प्लांट में जब सिलेंडर में से गैस खत्म हो जाती है तो वहां दोबार से रिचार्ज हो जाती है भाई गैस के प्लांट का मतलब क्या होता है जहां सिलेंडर में दोबारा गैस भरी जाए तो वहीं से याद रख लेना यहां पर रिचार्जेबल बैटरी की बात हो रही है किसकी बात हो रही है वर्ल्ड की प्रथम रिचार्जेबल बैटरी वर्ल्ड की पहली रिचार्जेबल बैटरी तो याद कर लेना गैस टन टन माने हजार किलो की प्लांट गैस टन गैस टन वहां से याद कर लेना कि प्लांट में रिचार्ज होता है तो बैटरी से याद कर लेना किससे याद कर लेना बैटरी से आगे आ जाता है तो बच्चा चाहे दूध का पॉस्चराइजेशन हो चाहे रेबीज की वैक्सीन हो ये दोनों एक ही वैज्ञानिक ने बनाई जिसका नाम था लुइस पास्चर क्या नाम था लुइस पास्टर फ्रांस के थे लुइस पास्चर लुइस पास्चर इनका नाम क्या था लुइस पास्चर इनका नाम क्या था लुइस पास्चर नाम था मेरे दोस्त याद रखिए अपने जीवन में एग्जामपुर में आप दो क्लास जीके के लिए हाल में लीजिए बाकी आपको सारी क्लास एक से एक धुआं धुआं धुआ मिलेंगी इंडिया में सबसे ज्यादा क्लास देने वाला हर एक एग्जाम एक के अलग से एक से एक के टीचर के द्वारा सारे के सारे टीचर किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब को मतलब जॉब में नंबर आया हुआ या जॉब करने के बाद में छोड़े हुए टॉपर भी हैं और कहते हुए गर्व हो रहा है कि आज नंबर वन है बाय व्यूज ले लो या बाय डेली के कंटेंट ले लो बाय क्लासेस ले लो एग्जाम इस समय नंबर वन है सिर्फ नाम से नंबर वन नहीं हुआ जाता काम से नंबर वन हुआ जाता है भगवान गौतम बुद्ध ने भी कहा था भगवान महावीर स्वामी ने भी कहा था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है तो एक तो सुबह को साढ़े करंट अफेयर आती है और बजे एक से एक के दोनों क्लास स्टेटिक जीके हो या करंट अफेयर आपको मजा आ जाएगा ऐसी ही ट्रिक से डेली कराई जाती है सारी राजधानी मुद्रा वर्ल्ड में कौन पहले कहा वर्ल्ड में कौन इंडिया में पहले कौन सारे वैज्ञानिक नाम सारे वैज्ञानिक आविष्कार सारे राज्यों के डांस त्योहार सारे राज्यों की प्रमुख जगह सब करा देंगे बरसात क्लास लेने आओ और बाय ये नंबर वन बन चुका है एग्जाम्पुर कर्म से नंबर वन बाकी तो भीड़ मक्खी जो होती है ना मक्खी मक्खी को भिनगाने के लिए मक्खी तो आप जानते हो गुड़ पर भी बैठ जाती है चीनी पर तुमने कब मैठी देखी होगी लेकिन मक्खी तो गोबर पे भी बैठ जाती है तो वही है अब मक्खी कहीं भी बैठ जाओ लेकिन भाई साहब एक दिन कंटेंट देख लो सात दिन सात दिन इंडिया के किसी चैनल से कंपेयर कर दो किसी ऑनलाइन ऑफलाइन से कंपैरिजन करके आ जाओ सात दिन में जो एग्जाम्पल देगा वो कहते हैं ना बहुत ही धासु याद करोगे हमेशा चलिए और यह सोच लीजिए कि अब हर जगह कॉपी होने लगी है एक्सप्रेस की कॉपी स्ट्रेटिंग जीके की कॉपी अब कहीं तुम्हें रामायण मिलेगी कहीं भागवत कहीं तुम्हें अखंड कथा भी मिल सकती है क्लासों में तो अपने आप देखा करो कि कौन नंबर वन है कौन नहीं थोड़ा सा बड़े हो जाओ चलिए आगे आ जाता है डायनामाइट और बस अब थोड़े से रह गए उसके बाद में स्टार्ट कर रहे हैं वैज्ञानिक नाम वैज्ञानिक नाम डायनामाइट का बता दीजिए डायनामाइट का बता दीजिए मेटल डिटेक्टर आप अक्सर उसमें जाते होंगे क्या नाम है ये क्या बोलते हैं उसे मेटल डिटेक्टर मेटल डिटेक्टर मेटल डिटेक्टर टेलीफोन डिक। टेलीफोन और अभी तो तुम्हें एक और बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा लेकिन क्लास के एंड में क्लास के एंड में आज दिल्ली में जितनी भी एजुकेशन की स्टार्टअप है एक फंक्शन हुआ है दिल्ली में हमें कोई नहीं जानता लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए बता दूं एग्जामपुर को फर्स्ट अवार्ड मिला है एग्जामपुर को फर्स्ट अवार्ड एजुकेशन कैटेगरी में स्टार्टअप्स का आज एक सम्मेलन हुआ था फर्स्ट अवार्ड फर्स्ट अवार्ड अपने दम पर पहला अवार्ड पाने वाली आपका एग्जाम्पुर आपका अपना एग्जामपुर ये मैंने अभी दे दिया सरप्राइज मुझ पर रुकाना जाता मेरा पेट कहते लड़की हो जैसा है कोई बात छुपाई नहीं जाती सब बता देता हूं तुम्हें चलिए डायनामाइट तो डायनामाइट डायन डायन जो डायन होती है उसके आगे कोई भी बल नहीं चलता नो बल नोबल यदि तुम्हारे सामने डायन आ गई क्या गई तुम्हारे सामने डायन तो क्या तुम डायन के सामने कोई बल लगा पाओगे खुद बताओ क्या तुम डायन के सामने कोई बल लगा पाओगे क्या तुम डायन के सामने कोई बल लगा पाओगे बिल्कुल नहीं लगा पाओगे कोई बल नहीं लगा पाओगे अल्फ्रेड नोबल तुम्हारा फ्रेंड कोई बल नहीं लगा पाएगा यदि उसके आगे क्या गई डायन आ गई डायनामाइट मेटल डिटेक्टर अब आप आप पे गए आप गए मेट्रो मेट्रो में में और में में आपके पास कोई ऐसा सामान मिल गया जो आपको जब वो ऐसे चेक नहीं करता जब आप कहीं पेपर देने जाते हो तो पेपर देने जाने में भी क्या करता है वो मेटल डिटेक्टर तो ट्यू 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 ऐसी आवाज आने लगती है तो वो तुमसे क्या कहेगा गुस्ताख गुस्ताखी तेरी यह गुस्ताखी कि तू ये सामान लेकर आया तो गुस्ताब ट्रू वे टी आर ओ यू ई तो देखिए यदि आप यदि आप कुछ सामान लेकर जाते हो तो अगर सामान नहीं लेकर जाते तो जो मेटल डिटेक्ट ओ, यार जब भावनाओं में आ जाता हूं ना मेरे साथ ही होने लगता है मेटल डिटेक्टर जो मेटल को डिटेक्ट कर लेता है और यदि तुम लेकर आए तो वो एकदम गुस्से में आ जाएगा पुलिस वाला एकदम क्या जाएगा गुस्से में कमांडो गुस ताव, ताव में आ जाएगा तुम्हें तो पकड़ लेगा तुम्हारी जेब में क्या है और यदि तुम कुछ नहीं लेके गए तो तुम्हें रास्ता दे देगा ट्रू सही रास्ता वरना क्या बता देगा फॉल्स तुम जाने वाले नहीं हो मेटल डिटेक्टर अगर आपकी जेब में कुछ नहीं हुआ तो फॉल्स और आपकी जेब में हुआ तो ट्रू क्या कहेगा ट्रू तू टू बे टू बे टू मतलब तू बे तू तू समझ लेने से गुस्ताख अपने सामान लेकर आता है कुछ भी ऐसे कहेगा टेलीफोन की क्या बस्ती है बैल बस्ती है याद रखिएगा वहां पर पैट बैल था पेट पैट्रिक बैल जहां पर फसल काटने वाली मशीन की बात थी यहां पर टेलीफोन है तो टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल कैसे याद करोगे कि जब पहले गांव में क्या आता था टेलीफोन आता था तो पूरे गांव के लिए एक ही टेलीफोन हुआ करता था याद है ना उन जमाने में कि जब फोन करते थे तो आधे घंटे बाद उस गांव के छोर से उस व्यक्ति को बुला के लाते थे फिर पूरे गांव की अब बात होती थी तो पहले जब एक आध फोन हुआ करता था गांव में तो ग्रहम बेल पूरा गांव बैल बजाता रहता था ग्राहम बैल ग्राहम बैल ग्राउ में बैल ऐसे याद रख लेना ग्राहम बैल ग्राहम बैल तुरंत याद हो जाएगा बच्चा ग्राहम बैल तुरंत याद हो जाएगा कभी नहीं भूलोगे ग्राहम बैल आग आगे आ जाता है आगे आ जाता है बच्चा आगे आ जाता है बल्ब क्या जाता है बल्ब ये जो बल्ब होता है लाइट बल्ब क्या हो जाता है लाइट बल्ब तो आगे आ जाता है लाइट बल्ब लाइट बल्ब का दो लोग थे एक तो था जॉन स्वान एक का नाम क्या था जोसेफ जोसेफ ज्यादातर लोगों का नाम रहता है कहां पर अमेरिका में इसलिए मैंने ट्रिक में कुछ ना कुछ अलग कहा है जोसेफ स्वान एंड थॉमस एल्वा एडिसन थॉमस एल्वा एडिसन थोमस एल्वा एडिसन और जोसेफ स्वान अब कैसे याद रखोगे? इन दोनों ने एक साथ पेटेंट कराया था लेकिन ज्यादातर ज्यादातर श्रेय किसको दिया जाता है एडिसन को दिया जाता है किसको दिया जाता है एडिसन तो जब आप अपने सन को क्या दोगे शिक्षा दोगे जब आप, आप बेटे को क्या दोगे शिक्षा दोगे एडी एडी माने एजुकेशन दोगे अपने बच्चे को एजुकेशन दोगे तो उसके लिए क्या लगाओगे बल्ब लगा के दोगे जिससे कि वो रात में भी पढ़ सके क्या लगा के दोगे बल्ब जिससे कि वो लाइट में भी रात में भी पढ़ सके जिससे कि वो रात में भी पढ़ सके अपने बच्चे के लिए यही तो ला के दोगे जिससे कि वो रात में भी पढ़ सके जिससे कि वो रात में भी बच्चा पढ़ सके करके दोगे नहीं दोगे मुझे बताओ आगे आ जाता है विंड टर्बाइन विंड टर्बाइन विंड माने होता है हवा से चलने वाली वायु से चलने वाली टर्बाइन वायु से चलने वाली टर्बाइन वायु से चलने वाली टर्बाइन पवन चक्की भी कह सकते हो इसे क्या कह सकते हो पवन चक्री जो होती है पवन चक्री पवन चक चरखी सी नहीं होती ऐसे ऐसे जो घूमती रहती है तो बच्चा बल्ब का स्वान और एडिसन स्वान और एडिसन देखो यहां भी ऐसी आवाज सी आ रही है स्वान ओ सन ओ स्वान ओ, स्वान, ओ सन और यहां पे भी क्या आ रही है सन थॉमस एल्वा एडिसन तो अपने बच्चे अपने सन के लिए एड एडिकसन उसे एडुकेट करने के लिए उसे क्या लगा के दोगे बल्ब लगा के दोगे पवन चक्की चलिए आगे आ गया जाता है जिपर आप सबकी पेंट में होती होगी या बैग में जिप होती होगी या कपड़ों में जिप होती होगी हम इसे चेन कह देते हैं क्या कह देते हैं चैन जिप थ्री इडियट में जो खुलती बंद होती है उसे क्या कहते हैं बच्चा जिप कहते हैं क्या कहते हैं जिप बहुत अच्छे तो जिप का बताइए और सिनेमेटोग्राफ सिनेमेटोग्राफ जिससे पिक्चर विक्चर बनती है सिने सिनेमेटोग्राफ सिने का विस्कार किसने किया था सिनेमेटोग्राफ का आविष्कार किसने किया था सिने तो का आविष्कार किसने किया, किस किया था बहुत अच्छे बच्चा सिने बहुत अच्छे वेरी गुड आगे आ गया जाता है आगे आ गया जाता है रेडियो 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 द्वारा वायरलेस कम्युनिकेशन रेडियो तरंगे तरंगों के द्वारा वायरलेस कम्युनिकेशन तो चलिए सबसे पहले अच्छा वो 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 हटा दिए लिखेंगे जिप जिप का लिख लीजिए जिप का किसने किया था तो जिप देखो जब तुम्हारे जब तुम बिल्कुल सफेद कपड़े पहन लेते हो वाइट माने क्या होता है सफेद और तुम बिल्कुल क्या कर लेते हो एकदम कंघा कर लेते हो और एकदम जज से बन जाते हो क्या बन जाते हो जैसे जज के बेटे हो जज सन जज सन तो कैसे आद करोगे विट विट माने क्या होता है सफेद सफेद कपड़े पहन लिए कंघा भी कर लिया कोम्ब कंघा भी कर लिया सफेद कपड़े भी पहन लिए तुमने बालों में कंघा भी कर लिया और बिल्कुल जज के बेटे की तरह तैयार हो गए लेकिन एक काम करना भूल गए कि सुल्तान तो तुम बन गए मगर जिप लगानी भूल गए चैन लगानी भूल गए कैसे याद करोगे विट कॉम्ब तुमने सफेद कपड़े पहने तुमने बालों में कंघा किया और तुम जज के बेटे जैसे हो गए मगर जिप लगानी भूल गए जिप लगानी भूल गए चेन लगानी भूल गए जिपर अब कभी नहीं भूलोगे सिनेमा तो सिनेमा से याद आ गई तुम्हें कौन याद आ गई सिनेमा में क्या देखते हो सनी देखते हो सिनेमा में क्या देखते हो सनी और सनी भी कौन सी देवल नहीं सनी लियोन सनी लियोनी देखते हो बॉली बॉलीवुड की तो सनी लियोनी बॉलीवुड सनी लियोनी बॉलीवुड तो बॉलीवुड देखो मैं कोई गलत तो कह नहीं रहा सिनेमेटोग्राफ का आविष्कारक कौन है सिनेमेटोग्राफ का विषकार कौन है लियोन बॉली भाई सिनेमा कहां होता है सिनेमा कहां होता है बॉलीवुड में होता है और बॉलीवुड में सिनेमा में कौन होती है सनी लियोनी वैसे याद ना हो सिनेमा को मैं सी सनी भी लिख सकता हूं सनी लिख दू तो सनी लियोनी बॉलीवुड कभी नहीं भूलोगे जीवन में मर जाओगे नहीं भगवान ना करे जो बूढ़े हो जाओगे 150 साल के और जब भी तुम्हें दांत भी नहीं होंगे बिल्कुल ऐसे कर रहे होगे ऐसे कर रहे होगे सब कुछ भूल चुके होगे और किसी ने कह दी सिनेमेटोग्राफ का अभिश्कार किस किसने किया था तो जैसे तुम्हारे दिमाग में सनी जाएगी तुरंत तुम्हें लियोनी की याद आएगी और तुरंत उठ के बता दोगे कब्र में पैर लटक रहे होंगे तब भी कि सिनेमेटोग्राफ सनी लियोन बॉलीवुड वाली ने किया था तो सनी सिनेमा लियोन बॉली लियोन बॉली ने सिनेमेटोग्राफ का क्या किया है आविष्कार किया है एक एक ट्रिक बिल्कुल तुम्हें मार देगी मार कोनी रेडियो मार कोनी।, मार कोनी रेडियो पे तुमने मार सुन लेता हूं कि रेडियो पे सनी लियोनी की आवाज सुन ली जो सिनेमा में दिखाई देती थी उसकी आवाज तुमने रेडियो पे सुन ली या रेडियो पे कभी कभी तुम गाने सुनते हो रेडियो पे कभी कभी तुम क्या सुनते हो गाने सुनते हो तो गाने में कभी कभी तुम ये सुन लेते हो कि मैं क्यों कर दिल ने डाटू झोली मारे तेरी चोटी तो कभी कभी जब तुम इस तरीके से गाने सुन लेते हो और जब तुम्हारा पूरा तुम एकदम भावनाओं में डूब जाते हो और इमेजिन करने लगते हो रंग बिरंगी दुनिया सतरंगी दुनिया तो तुम फिर क्या सोच क्या कहते हो अरे मार क्यों नहीं देती एक बार में ये आवाज मार क्यों नहीं देती एक बार में मैं तुम्हें अच्छे से समझता हूं गुरु तुम्हारा तुम्हारे अंदर कैसी भावना आती है एक बार में क्यों नहीं मार देती मार कोनी देती कोनी कहते हरियाणा में कोनी को न्या? इस तरीके से तो वो लोग क्या कहते जैसे सपना चौधरी का डांस होता है एक बार में क्यों नहीं मार कोनी अरे मार कोनी देती तो रेडियो पे जब भी तुम आवाज सुनते हो तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आता है मार कोनी देती क्यों बार बार आवाज सुना के मार रही है यदि तुमने किसी अच्छे सिंगर की आवाज सुन ली तो तुम्हारे दिमाग में यही आएगा एक बार में क्यों नहीं मार कोनी देती ऐसे तो रेडियो का आविष्कार मार रेडियो का आविष्कार मार भाई साहब तुम्हारे भाई के पास ट्रिक्स का पिटारा है पिटारा ट्रिक्स का पिटारा मार कोनी देती चलिए वर्ल्ड का पहला सी, सी। वर्ल्ड का पहला सी, सी। इंसान के स्वार्थ की कहानी वर्ल्ड का पहला क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिससे ओजोन को खतरा होता है जिससे ओजोन को खतरा होता है जिससे ओजोन नष्ट होती है सी से क्या होता है ओजोन नष्ट होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन तुरंत बताइए क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्लोरो कार्बन आ गया जाता है पॉलीथीन तुरंत बताइए पॉलीथीन पॉलीथीन में तुम सामान पैक करवाते हो ना और विंड टर्बाइन रह गया तो उसे भी कर लो विंड टरबाइन विंड टर्बाइन पवन चक्री रह गया था क्या रह गया था पवन चक्री तुरंत बता दीजिए बच्चा जाना नहीं है यह जिंदगी की जंग है जो तुम में से जाए सोचना कि तुम्हारे सुबह चार बजे उठ के माता पिताजी खड़े हो जाते हैं तुम्हारे लिए कमाने के लिए और तुम पढ़ नहीं रहे हो और यदि यहीं पर तुम्हें पिक्चर दिखा दी जाती तो तुम 24 घंटे पिक्चर देखते रहते तो तुम 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 पर पर धिक्कार धिक्कार है है यदि क्लास को छोड़कर जाओ समझ में ना रही हो तब बेशक चले जाना परंतु मैं तुम्हें, तुम्हें वैज्ञानिक और उनके आविष्कार याद करा रहा हूं हिंदी इंग्लिश दोनों में जाने की जरूरत नहीं है मां बाप के सपने को साकार करना है तुम्हारे लिए कोई खेत में खड़े होकर पानी लगा रहा होगा तो कोई कहीं लद्दाख या कश्मीर में तुम्हारे लिए ड्यूटी दे रहा होगा कोई रोड पे खड़े होकर ड्यूटी दे रहा होगा और किसी के पिताजी मजदूर होंगे तो दिन में उन्होंने जो मजदूरी की होगी उस उस मजदूरी मजदूरी से से जो जो सर में, उस से जो शरीर में शरीर दर्द हो रहा होगा ना उस दर्द को बर्दाश्त करते हुए उस दर्द को सहते हुए वो लेटे होंगे और उन्हें अभी आवाज जारी होगी तो सोच रहे होंगे मेरा बेटा बेटी कामयाब हो जाए तो मुझे दर्द ना सहना पड़े जो मैं मेहनत मजदूरी करके जाता हूँ किसी के पिताजी किसान होंगे ना तो दिन भर की थकान खेत में उनसे थोड़ा कभी पूछो कि बूढ़े मां बाप को कितनी थकान होती है जब तुम नक्कारों के ऊपर वो दिन रात मेहनत करते हैं और तुम गाने पिक्चर और तुम फालतू की वीडियो देखने में अपने जवानी के अपने उस कीमती समय को नष्ट कर देते हो जिस समय में तुम्हें उनका मर्रम बन के सर शरीर पे लगना था यदि धिक्कार तुम्हारे पैदा होने पर यदि तुम क्लास छोड़कर जाओगे यदि तुम पढ़ोगे नहीं तो उनके शरीर का ख्याल कर लो उन्हें किस समय कितना कष्ट होता होगा जब वो तुम्हारे लिए कमा के लाते होंगे मुझे पता है आप पे से बहुत मुखर्जी नगर इलाहाबाद और जिन्हें कहां कहां पढ़े होंगे जो तुम आराम ले रहे हो ना वो अपने शरीर पर दुख ले लेके आराम ले रहे कभी एक बोरी अनाज की कंधे पर रख देना कंधा उतर जाएगा तुम्हारा कभी आठ घंटे की खड़े होकर ड्यूटी दे देना कभी मजदूरी करके देखना पंद्रह पंद्रह ईंट तो छोड़ो पांच ईंट तुम पर फर्स्ट फ्लोर तक ले जाके ले जाई जाएं नहीं जाएंगी तो उस मेहनत की सौगंध है तुम्हें यदि तुम क्लास छोड़कर जाओ तो उस मेहनत की सौगंध जो तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता दिन रात कर रहे हैं अगर तुम कोई फालतू की वीडियो देखो तो सौगंध को याद रखना कि तुम्हें उनके खून और पसीने की सौगंध है तुम्हें उनके शरीर के एक एक दर्द की सौगंध है और यदि आने वाले चार महीनों में तुम उनके दर्द से छुटकारा ना दे पाओ अक्टूबर तो चला गया आधे पे नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक सीजीएल वीजीएल एनटीपीसी ग्रुप डी यूपीएसआई सब खत्म हो जाने सीएचएसएल तक तो तुम्हें धिका है यदि तुम उस दर्द का मरहम ना बन पाओ तो अरे तुम्हें कैसे शर्म नहीं आती तुम्हारे हाथ कैसे कांपते नहीं है जब तुम पढ़ने के अलावा कुछ और काम करते हो तुम्हें कैसे उनका दर्द महसूस नहीं होता मुझे तो यहां पे खड़े होकर उनका दर्द महसूस होता है कि कितनी मेहनत से वो तुम्हारे लिए कमा कर लाते और तुम तुम यहां गुल में देखता हूं मुखर्जी नगर की रोडों पर तुम यहां मस्ती करते हो है? उस मेहनत के पसीने से तुम यहां मस्ती करते हो पढ़ने आते हो और बैग उठा के वापस ऐसे ही चले जाते हो धिकार है तुम्हारे जाने पर धिकार है फर्स्ट सीएफसी फर्स्ट सीएफसी फ्रेडरिक फ्रेडरिक स्वाट इंसान इतना स्मार्ट सोचता अपने आप को लेकिन जानता नहीं है वो स्वार्थी है स्मार्ट आप… स्वार्थ मैंने स्वार्थ को क्या लिख दिया स्वार्थ लिख दिया आजकल इंसान इतना रिच हो गया इतना स्वार्थी हो गया कि उसने ओजोनी नष्ट करनी शुरू कर दी जो धरती की रक्षा करती है जो धरती की रक्षा करती है फ्रेडरिक स्वार्थ फ्रेडरिक स्वार्थ दुनिया की फर्स्ट सीएफसी किसने बनाई थी जो रिच लोग होते हैं स्वार्थी होते हैं फ्रेडरिक स्वार्थ वहां से याद कर लेना एस डब्ल्यू ए आर टी और कैसे याद रखोगे कि यदि ओजोन खत्म हो गई तो बहुत ही गर्मी हो जाएगी अल्ट्रा वायोलेट किरण सीधी आया करेंगी परा बैंगनी किरणें सीधी आया करेंगी हम स्वार्ट भी नहीं पहन पाया करेंगे यदि शर्ट भी पहन लेंगे तो भी कैंसर हो जाएगा स्किन कैंसर पॉलीथाइलीन जिसे आप पॉलीथीन भी कहते हैं तो पॉलीथीन में आप क्या करवाते हो अपने मन से सामान पैक करवाते हो पैक मेन क्या कह दे तो कि मैन सामान को इसमें पैक कर दीजिए तो पैक मेन पूरा नाम है हंसकर अपना सामान पैक करवा देते हो हंस वन एक पैक देना हंसकर कहते हो भैया जी एक पैक करने के लिए पॉलीथीन देना हंसकर नहीं कहते क्या तुम यदि सामान लेने जाते हो दुकान पर तो हंसकर क्या कहते हो भैया जी वन पॉलीथीन देना पैक करने के लिए मैं पैकेट लाना भूल गया पॉलीथीन का कम से कम इस्तेमाल करो आगे आ जाती है पवन चक्की जेम्स ब्लाइथ बी एल वाई टी एच जेम्स ब्लाइथ जेम्स ब्लाइथ कैसे याद करोगे विंड टर्बाइन ज्यादा सोच लिया विंड टर्बाइन पवन चक्री जेम्स ब्लाइथ तो जो हवा बिलो होती है विंड क्या होती है बिलो होती है कहते ना हवा बिलो करो फूक मारते हो तो बिलो बिला बिलो ब्लाइथ वहां से याद कर लेना जेम्स ब्लाइथ जेम्स ब्लाइथ दूसरी तरीके से याद करो दूसरी तरीके से याद करो एक और सरप्राइज है मेरे पास और खुश हो जाओगे खुश हो जाओगे दुनिया मतलब बहुत ही बड़ा सरप्राइज है जेम्स ब्लाइथ अभी याद आया मुझे जेम्स ब्लाइथ इधर लिख लेता हूं एक सरप्राइज और देखना है एक सरप्राइज और देना है चलिए जेम्स ब्लाइथ जो ब्लाइंड लोग होते हैं ब्लाइथ ब्लाइंड जो ब्लाइंड लोग होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता वो आंखें बंद कर लेते और देखते हैं, विंड को महसूस करते हैं, हवा किधर से चल रही है वो हवा की पहचान कर लेते इधर से चल रही है इधर से चल रही है या इधर से चल रही है या इधर से चल रही है जेम्स ब्लाइथ जेम्स ब्लाइथ जेम्स ब्लाइथ जेम्स ब्लाइट बहुत शानदार आगे आ जाता है मेरे दोस्त आगे आ जाता है वैक्यूम क्लीनर यह तो पहले हो गया था वैक्यूम पंप वैक्यूम पंप तो पहले हो गया था बहुत अच्छे दोस्त वैक्यूम पंप तो पहले हो गया था बेके लाइट क्या हो जाता है बेके लाइट बेके लाइट बेकेलाइट लाइट एक प्लास्टिक होती है वो प्लास्टिक होती है जिससे विद्युत के स्विच बनाए जाते हैं जिससे विद्युत के स्विच बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिक स्विच बनाए जाते हैं जिससे विद्युत के स्विच बनाए जाते हैं या मेरे साथी इलेक्ट्रिक स्विच बनाए जाते हैं क्या बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिक स्विच बनाए जाते हैं क्या बनाए जाते हैं मेरे दोस्त इलेक्ट्रिक स्विच बनाए जाते हैं क्या बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिक स्विच तुरंत बताइए बाबू क्या बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिक स्विच बनाए जाते हैं तुरंत बता दीजिए बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार आगे आ गया जाता है आपका आगे आ गया जाता है बहुत अच्छे अब आते हैं अब बताइए फ्रिज फ्रिज का आविष्कार जिसे आप रेफ्रिजरेटर कहते हो जिसे आप रेफ्रिजरेटर कैसे हो हमारे गांव में से फ्रिज बोले रेफ्रिजरेटर क्या बोलते हैं फ्रिज रेफ्रिजरेटर का विस्कार आगे आ जाते हैं। चिपकाने वाली ग्लू का विस्कार चिपकाने वाली ग्लू का विस्कार एडहेसिव ग्लू ये सब तुम्हारे पेपर में आ चुके हैं ये सब तुम्हारे पेपर में आ चुके हैं तो बेकेलाइट का विष्कार किया था बच्चा लॉर्ड बैके लैंड लॉर्ड लियो बैके लिख लीजिए फटाफट लियो बैके लैंड चलिए तो बैके लाइट में बैके यहां पे भी आ रहा है यहां पे भी आ रहा है तुरंत याद हो गई ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती हैं कैसी प्लास्टिक होती हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बच्चा जब भी तुम्हें लगे ये ट्रिक्स तुम्हें इतनी कामयाब रहेंगी कि तुम याद करोगे कब्र से उठते हुए भी आंसर दे दोगे नहीं तो एक बार पूरी करा दूं फिर रिवाइज़ कराऊंगा इतने शानदार जब किसी का लीवर खराब हो जाता है क्या हो जाता है लिवर खराब तो उसका लीवर बदला जाता है उसका लीवर बदला जाता है और लीवर बदलने से पहले उसको कहां पे रखते हैं जो किसी व्यक्ति में से निकालकर किसी का लिवर बदलते हैं तो लीवर को रखते कहां पर हैं लिवर को रखते हैं फ्रिज में लिवर को कहां पे रखते हैं लिवर को फ्रिज में रखते हैं अहू समझ में आ रही हो तो सब लिख के बताओ फ्रिज कहां लिखते हैं लिवर में रखते हैं बच्चा लीवर में रखते हैं लिवर को फ्रिज में रखते हैं डालने से पहले जिससे कि सड़े ना और उसमें से बांस ना आए जिससे कि लिवर सड़े ना और उसमें से बांस ना ओलिवर इवांस चलिए लॉर्ड बेकेलैंड ने किसका आविष्कार किया बेके लाइट का आविष्कार किया जो कि एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जलने पर पिघलेगी नहीं जलने पर पिघल पिघल के दूसरा आकार नहीं ले सकती चलिए दूसरा आकार नहीं ले सकती रेफ्रिजरेटर हो गया उसके बाद में आ जाता है बच्चा उसके बाद में आ जाता है इलेक्ट्रिक एसी इलेक्ट्रिक एसी इलेक्ट्रिक एयर कंडीशनर इलेक्ट्रिक एयर कंडीशनर एयर कंडीशनर फ्रिज का क्या हो गया ओलिवर इवांस, ओलिवर इवांस, बहुत अच्छे आगे आ जाता है बच्चा एडहेसिव टेप अब मैं वैज्ञानिक का नाम लिखूंगा और तुम बताओगे इसने किसका आविष्कार किया इसने किसका आविष्कार किया मैं वैज्ञानिक का नाम लिखूंगा तुम बताओगे इसने किसका आविष्कार किया तो लिखो रिचर्ड जी ड्रू रिचर्ड जी ड्रू यह वैज्ञानिक का नाम है चिपकाने वाली ग्लू का बताइए तो जब आपके कवर फट जाता है जब आपकी कॉपी का कवर फट जाता है कवर फट जाता है कूबर जब आपकी कॉपी का कवर फट जाता है तो आप किसका इस्तेमाल करते हो ग्लू का इस्तेमाल करते हो उसको कवर करने के लिए कवर को चिपकाने के लिए जैसे आपके किसी बच्चे ने कवर फाड़ दिया तो आप क्या कहोगे हैरी हैरी तेने कवर फाड़ दिया हैरी नाम का आपका बेटा है या हैरी नाम के आपके यहाँ पे कोई डॉग है हैरी तुमने कवर फाड़ दिया ओ तो हैरी क्या कहेगा ग्लू चुपकाने वाली ग्लू लेकर आओ ग्लू से कवर को चुपका लो ग्लू से कवर को चिपका लो इलेक्ट्रिक एसी तो आपको पता है कि कैरियर कंपनी के क्या आते हैं कैरियर कंपनी के एसी आते हैं तो आंसर क्या हो जाता है विलिस कैरियर क्या हो जाता है कैरियर क्या हो जाता है बच्चा विलिस कैरियर इलेक्ट्रिक एसी विलिस कैरियर ड्यू आपने ड्यू की बोटल देखी होगी तो ड्यू की बोटल किससे चिपकाई जो ड्यू की बोटल पे ड्यू लिखा जाता है वो ऐसे होता है ना जैसे चिपकने वाला टेप हो जैसे किसी टेप से चिपकाई गई हो तो रिच जी ड्रू ड्यू द्यू माने ड्यू की बोतल ड्रू माने ड्यू की बोतल वो किससे चुपकाई जाती है एडहेसिव टेप से चुपकाई जाती है किससे चुपकाई जाती है चिपकने वाले टेप से चुपकाई जाती है चिपकने वाले टेप से चुपकाई जाती है देखो ग्लू ग्लू कभी भी जो कवर होता है यदि कवर फट जाए तो उसे दोबारा बुक के साथ लगाओगे ग्लू से लगाओगे कभी भी टेप से नहीं लगा सकते आप ग्लू से लगाओगे जिससे कि वो मजबूती से चिपका रहे एसी कैरियर कंपनी के एसी आते हैं कैरियर कंपनी के एसी और यदि तुमने आज मेहनत करके अपना कैरियर बना लिया तो कल एसी में बैठकर नौकरी करोगे कल किस में बैठकर नौकरी करोगे एसी में बैठकर नौकरी करोगे रिचर्ड जी ड्रू ड्रू एडहेसिव टेप से चुपका होता है रिचर्ड ड्रू चलिए आगे आ जाते हैं वैज्ञानिक का नाम लिख रहा हूं अर्ल डिक्सन अर्ल डिक्सन अर्ली डिक्सन इसे ऐसे भी याद कर सकते हो अर्ली डिक्सन अर्ली डिक्सन पेपर उठा के देख लेना पुराने सब में ये आए अर्ल डिक्सन का बताइए बच्चा अर्ल डिक्सन का बताइए बहुत सही अर्ल डिक्सन का बताइए मेरे दोस्त अर्ल डिक्सन का बहुत ही शानदार उसके बाद में आगे आ गया जाता है राल्फ बेयर राल्फ बेयर का बताइए राल्फ बेयर यहां पर बेयर शब्द लग गया है वहां पे राल्फ के साथ माउंट गोल फायर था राल्फ और फायर दोनों था यहां पे सिर्फ राल्फ और बियर भी साथ है यहां पे बियर भी साथ है अर्ल डिक्सन राल्फ बियर लुइस एंड जकास वेरी गुड लुइस एंड बेरी गुड लुइस एंड ब्री गुड ब्री गुड लुइस एंड जकास ब्री गुड लुई एंड जकास ब्री गुड ब्री गुड दोनों ब्रुदर दोनों ब्रिदर है दोनों क्या है ब्रिदर बताइए माने, <coughs> <coughs> अर्ल माने जल्दी अर्ल माने क्या होता है बच्छे? जल्दी अर्ली टू राइज अर्ली टू स्लीप अर्ली टू राइज मेक्स मैन स्ट्रॉग एंड वाइज तुमने सुना होगा अर्ली उठो अर्ली मॉर्निंग कि सुबह जल्दी तैयार हो जाना तो इसी तरह यदि तुम्हें अपनी चोट जल्दी ठीक करनी है अपने सन अपने बेटे को लगी चोट जल्दी ठीक करनी है तो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में एक काम करते थे व्यक्ति उनकी पत्नी को बहुत चोट लगती थी तो उन्होंने अपनी पत्नी की चोट जल्दी ठीक करने के लिए उन्होंने किसका विस्कार किया बैंडेड का विष्कार किया किसका विष्कार किया बैंडेज का विष्कार किया आप करते हो ना बेंड एड अरे वो बेंडेज नहीं लगाते जब आपको छोटी मोटी चोट लग जाती है तो आपकी छोटी मोटी चोट जल्दी ठीक हो जाए अर्ली ठीक हो जाए तो किसका इस्तेमाल करोगे बेंड एड का इस्तेमाल करोगे चलिए राल्फ बेयर राफेल विमान होता है ना राफेल विमान बीआरपी और वीडियो गेम में वीडियो गेम में बीआरपी के क्या उड़ाते हैं राफेल विमान उड़ाते हैं अरे जब बियर वियर पी के मैंने कई देखे अमेरिका वगैरह में वो लोग क्या करते हैं टीवी में देखे कि बियर पीते रहते हैं और वीडियो गेम में हवाई जहाज उड़ाते रहते हैं हवाई जहाज में कहीं यहीं कभी यहीं कभी, कभी हवाई जहाज को ऊपर कभी हवाई जहाज को नीचे राल्फ बियर तो क्या हो जाएगा वीडियो गेम के फादर कहे जाते हैं वीडियो गेम्स के फादर वीडियो गेम्स के फादर, फादर पबजी के फादर हैं पबजी के फादर मतलब वीडियो गेम्स के फादर है राल्फ बियर, लुईस एंड जक्कास, फ्रांस के दो भाई थे लुइस एंड जक्कास, फ्रांस के दो भाई थे उन दोनों ने हेलीकॉप्टर बना दिया क्या बना दिया हेलीकॉप्टर तो लुइस ने भाई से क्या कहा भाई जान जक्कास लुइस ने अपने बड़े भाई से क्या कहा भाई जान जक्कास जक्कास बात कर दी तुमने वेरी गुड जब हम कोई महान काम करते तो वेरी गुड नहीं करते जब तुम्हारे अच्छे नंबर आते तो मैं क्या कहता हूं वेरी गुड लुइस भाई जान जग वेरी गुड तो इन्होंने वर्ल्ड के पहले हेलीकॉप्टर का निर्माण किया था जिसमें इंसान बैठकर उड़ा था बेशक ये थोड़ी दूर ही गया था हेलीकॉप्टर इनके हेलीकॉप्टर का नाम था गायरोप्लेन वन क्या नाम था गायरोप्लेन वन तो बीआरपी के वीडियो गेम और लुइस एंड जकास वेरी गुड भैया हेलीकॉप्टर बना दिया हो हाँ। भैया हेलीकॉप्टर बना दिया तो वहां से याद रख लेना चलिए बच्चा आगे आ जाते हैं प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटिंग नहीं पहले वैज्ञानिक का नाम गुटेनबर्ग सेमुअल गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग ने किसका आविष्कार किया मैं जा रहा हूं तो बच्चा एक बार जयकारा लगा देना आहू 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 का जयकारा कार्ल बेंज कार्ल बेंज, कार्ल बेंज कार्ल बेंज कार्ल बेंज, बेंज, बेंज। उसके बाद में बहुत अच्छे शानदार यह क्लास डेली नौ बजे होती है जो लोग डेली आते हैं वो लोग तो रिवीजन कर रहे हैं और आपको भी मैं याद करा रहा हूं जितने नए साथी हैं जितने भी नए साथी हैं उन क्लासेस में बहुत कुछ होता है बच्चा बहुत कुछ गुटेनबर्ग कार्ल बेंज इलेक्ट्रिसिटी अरे मैं तो पहले बता रहा हूं बेंजामिन फ्रेंकलिन बेंजामिन फ्रेंकलिन बेंजामिन फ्रैंकलिन बेंजामिन फ्रैंकलिन तुरंत बताइए बेंजामिन फ्रैंकलिन तो गुटका गुटेनबर्ग बर्ग गुटका बर्गर कहां दबा देते हो मुंह में दबा देते हो और कहीं भी लोग पिच कर देते हैं तो फिर मतलब गुटका दबा देना दबा देने का मतलब होता है प्रेस और कहीं भी कुछ प्रिंट लगा हो तो कहीं पर किसी का फोटो वोटो लगा हो या किसी कोचिंग का पोस्टर लोग गुटका दबा के क्या कर देते हैं तो प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटिंग प्रेस गुटका दबा देना प्रिंटिंग प्रेस प्रेस माने दबा देना प्रिंटिंग पर गुटका दबा देना गुटेन बर्ग राजदरबार या जो जु, बोलो जुवा केसरी वो वाला गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस और गुटेनबर्ग कार्ल बेंज कार्ल बेंज तो नाम से ही पता चल रहा है कार नाम से ही पता चल रहा है कार पेट्रोल से चलने वाली कार वर्ल्ड की पहली पेट्रोल से चलने वाली कार कार्ल बेंज मर्सिडीज बेंज नाम की कंपनी नहीं है मर्सिडीज बेंज तो वहीं से याद कर लेना बेंजामिन फ्रैंकलिन इलेक्ट्रिसिटी बेंजामिन फ्रैंकलिन विद्युत की ये जो आवाज आती है जो बादलों में बिजली कड़कती है वो बिजली होती है <coughs> बहन जमीन पर मत पड़ जाना कैसे याद करोगे कि जो बादलों में बिजली होती है बादलों में जो बिजली होती है वो बहन कभी कभी जमीन पे पड़ जाती है बहन जमीन पे मत पड़ जाना तो जो बादलों में बिजली होती है वो कभी कभी कहां पड़ जाती है जमीन पर पड़ जाती है जमीन जमीन इलेक्ट्रिसिटी विद्युत कहां पे पड़ जाती है जमीन पे पड़ जाती है तो प्रिंटिंग प्रेस से तो गुटकन बर्ग गुटेन बर्गर इन सबको याद कर लेना मुंह में दबा देते हैं कार्ल बेंज कार नाम भी आ गया मर्सिडीज बेंज भी आ गया और बैन जमीन पे मत आ जाना विद्युत कभी कभी बहन जमीन पर आ जाती है बहन जमीन पर आ जाती है आ जाती है ना बच्चा चलिए आगे आ जाता है आगे आ जाता है कभी कभी बहन जमीन पर आ जाती है मेरे दोस्त ऐसा नहीं है कि नहीं आती बहुत अच्छे आगे आ जाता है आगे आ जाता है जे जे लाउड पहला सिंपल फर्स्ट सिंपल फर्स्ट सिंपल बॉल पॉइंट पेन फर्स्ट सिंपल बॉल पॉइंट पेन बॉल पॉइंट पेन यदि आ जाए कि पहला प्रथम बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था तो आपका आंसर बताइए और यह जाए कि पहला कमर्शियल कमर्शियल सफल जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया बॉल पॉइंट पेन कौन सा था पहला सफल बॉल पॉइंट पेन पहला सफल बॉल पॉइंट पेन पहला सफल बॉल पॉइंट पेन बच्चा कम से कम पचास से ज्यादा आविष्कार करा दिए होंगे एक भी आविष्कार बताओ जिसमें ट्रिक फेल हुई हो एक भी आविष्कार बता दो जिसमें ट्रिक फेल हुई हो मगर तुम मोटिवेट रहो बच्चा हमें अपने मां बाप के सपने वो बूढ़े हो चुके हैं हम ही तो पूरे करेंगे नहीं तो तुम में से एक बता दो कि जिनके माता पिता ना कहते हो उनके समय में बाबू साधन नहीं थे उन पे दोष मत दो यदि तुम गरीब हो तुम्हें पढ़ाने लिखाने में तुम्हें मजबूत करने में कोई कमी नहीं आने दी आने दी हो तो बता दो जितना उनसे हो सकता है उससे बढ़ के किया होगा चाहे बीमार रहकर चाहे खुश रहकर या दुखी रहकर अरे तो तुम्हारा खून जवान है अब तुम परिवर्तन लाओ और परिवर्तन आएगा कलम से और जब बॉल पॉइंट पेन कलम तुम्हारे हाथ में आ जाए पहली बार तो जोर से बोलना लाउड सब लोग लाउड बोलो लाउड लाउड कलम से क्रांति कलम पेन क्या होता है कलम फिर ज्यादा सोच लिया पहले एक दिन मैं तुम्हारा सोच के रोल लूंगा बहुत ज्यादा डेली फिर ज्यादा नहीं सोचूंगा मन की बढ़ास निकल जाएगी हाँ जब तुम्हारे हाथ में पहली बार कलम उठाओ तो लाउड बोल के लिख देना कलम से क्रांति लाउड और तेज बोलो और तेज बोलो कलम से क्रांति और पहली सफलता और जब तुम्हें सफलता मिले सफलता की तरफ बढ़ो तो बढ़ाना कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जाए जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा तो मैं क्या कहूंगा बीर तुम बढ़े चलो सफलता की तरफ कलम उठा के बढ़े चलो बीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो हाथ में कलम हो तो लैस जलो बीरो लैस जलो बीरो बीर तुम बढ़े चलो लेस जिलो लेस जिलो बीरो तो पहला सफल पेन लैस जलो बीरो ने बनाया था किसने बनाया था लेस जिलो बीरो पहला सफल लेड्स लास्ट डेलो बीरो भी कहते हैं या लेस जिलो बीरो भी कहते हैं लेकिन पहली बार जब कलम आई पहला बॉल पेंट पेन तो जे एन लाउड 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 माने तेज और पहली सफलता बीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो हाथ में कलम हो दुनिया की हर एक चट्टान पर अपना नाम लिख दोगे तो याद रखिएगा पहला साधारण बॉल पॉइंट पेन तो जे एल लाउड जे एल लाउड और सफलता की ओर बढ़े चलो पहला सफल बॉल पॉइंट पेन वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो चलिए आगे आ जाता है बच्चा इलेक्ट्रिक सीलिंग फैन इलेक्ट्रिक सीलिंग फैन जो पंखा चलने वाला होता है छत का पंखा विद्युत से चलने वाला इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला छत का पंखा छत का पंखा छत का पंखा बताइए विद्युत से चलने वाला छत का पंखा छत का पंखा आगे आ गया जाती है इंसुलिन का आविष्कार किसने किया इंसुलिन का आविष्कार इंसुलिन का आविष्कार तो बच्चा याद रखिएगा आप देखते हो कि जो छत का पंखा होता है वो कौन सी कंपनी का आता है फिलिप कंपनी का आता है किसका आता है फिलिप कंपनी का तो फिलिप डेहल किस कंपनी का आता है बच्चा फिलिप डेहल कंपनी का आता है फिलिप कंपनी के आते हैं ना और आपके छत पे पंखा डेली चलता है छत पर पंखा चलता है नीचे बेबी सोती है सोते सोते भूख लगी खा बेटा मूंगफली किस ने सुनी है कविता अपने बच्चे बचपन में तुम सबने सुनी होगी और यदि अभी भी आपने शेयर नहीं किया तो आपका फर्ज कहता है आपकी ड्यूटी आपका कर्तव्य कहता है कि साथ रहो शेयर करो लाइक करो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना एग्जामपुर को सपोर्ट करना तुम्हें कभी निराशा नहीं मिलेगी तो विद्युत का पंखा फिलिप कंपनी का तो फिलिप कंपनी का डेली चलती है डेली बेबी नीचे सोती है सोते सोते भूख लगी खा ले बेटा मूंगफली मूंगफली में दाना नहीं हम तुम्हारे नाना नहीं नाना गए दिल्ली वहां से लाए दो बिल्ली एक बिल्ली कानी सब बच्चों की नानी नानी ने मारा पंजा नाना हो गया गंजा तुमने सुनी होगी ये कहानी मैंने बहुत ये कविताएं कहानियां सुनी है पूरी भी कर दी मैंने और ये पता है मैंने कब सुनी होगी जब मुझे रहट निकलती होगी मेरी उन जमानों की बात है तुम्हारे भी उन्हीं जमानों की बात होगी बेसा कब तुम कितने मलूक बनो पर उन जमानों में हमें कविताएं सुनाई जाती थी दादा दादी नाना नानी के जमाने में मम्मी लोग सुनाती थी काले बेटा मुंगफली मुंगफली में दाना नहीं दम तुम्हारे नाना नहीं नाना गए दिल्ली वहां से लाए दो बिल्ली एक बिल्ली कानी सौ बच्चों की नानी सब बच्चों की नानी नानी ने मारा पंजा नाना हो गया गंजा सुनिए ना बिल्कुल सही तो तुम मेरे भाई बहनों पर फिर चलिए एफ जी बैटिंग और देखो जब भाई साहब भरपूर ग्लूकोज भरपूर ग्लूकोज शरीर में होगा विराट कोहली के में तो वो क्या करेगा वो बेस्ट बेस्ट बैटिंग करेगा जो वो क्या करेगा वो बेस्ट बैटिंग करेगा क्या करेगा बेस्ट बैटिंग करेगा क्या करेगा बच्चा बेस्ट बैटिंग करेगा क्या करेगा बैटिंग करेगा जब इंसुलिन की मात्रा धांसु होगी इंसुलिन मतलब ग्लूकोज को कंट्रोल करता है और यदि ग्लूकोज कम हुआ मतलब इंसुलिन कम हुआ तो ग्लूकोज कंट्रोल नहीं होगा और जब ग्लूकोज कंट्रोल नहीं होगा विराट कोहली हो के तो वो क्या करेगा वो बेस्ट बैटिंग करेगा बेस्ट बेंटिंग करेगा तो इंसुलिन सी एच बेस्ट और एफ जी बेंटिंग सी एच बेस्ट और एफ जी बेंटिंग आगे आ जाता है आगे आ जाता है बच्चा पेनिसिलिन आगे क्या जाता है पेनिसिलिन आगे क्या जाता है पेनिसिलिन पेनिसिलिन का बता दीजिए किसका बता दीजिए पेंसिलिन का बता दीजिए पेंसिलिन ये सब बिल्कुल ट्रिक से बैठ रहा है अब बेशक आप लोग जानते हैं आप लोग खूब पेपर देते हो कि ये कितना महत्वपूर्ण है कितना महत्वपूर्ण नहीं है चलिए बहुत अच्छे तुरंत बता दीजिए बच्चा तुरंत बता दिए मेरे दोस्त आगे आ जाता है ईमेल का विष्कार इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल इलेक्ट्रॉनिक मैसेज इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक मैसेज पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पहली एंटीबायोटिक थी ये, जिसको किसी जीवित वस्तु से बनाया गया था फंगस से बनी हुई थी ये, फंगस पेंसिलिन एक फंगस से बनी हुई थी पेंसिलियम नोटेटम नाम की फंगस से तो इसको किसने खोजा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अब कैसे याद करोगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिलिन की खोज की थी किसकी खोज की थी पेंसिलिन अब कैसे याद करोगे पेंसिलिन मिन मिंग चाउ हाउ इस तरह की जो भाषाएं होती हैं लिन मिंग चाऊ हाऊ इस तरह की सारी की सारी जो आपको वो मिलेंगी प्रजातियां वो चीन में मिलेंगी चीन में मिलेंगी नहीं मिलेंगी चीन में तो वहीं से याद रख लेना पेंसी लिन फ्लेमिंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग चीन लिन मिंग चाऊ दूसरे तरीके से याद रख लेना एक पहले नाटक आता था जिसमें वो उसके हाथ में पेंसिल होती थी अरे एक नाटक नहीं आता था बचपन में तूने देखा गौरव अरे शकल बूम, बूम तुमने शकल का बूम बूम देखा था शकल अकाने बहुत देखा शकल बूम अरे शकल बूम में वो पेंसिल से किसी को फ्लाई करवा देता था क्या करवा देता था फ्लाई पेंसिल की मदद से वो उड़ जाता था पेंसिल की मदद से वो उड़ जाता था पेंसिल की मदद से उड़ जाता था ना तो वहीं से याद रख लेना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग चलिए ईमेल अब जब तुम रेलवे में लग जाओगे या यूपीएसआई ग्रुप डी बन जाओगे या सीजीएल सीपीओ तुम्हारी शादी हो जाएगी तुम्हारी बीबी बच्चे मान लो गांव में और तुम कहीं पर कहा नौकरी कर रहे हो तुम्हारी बीबी बच्चे गांव में तुम नौकरी कर रहे हो तो तुम्हारे तुम अब जैसे दिवाली का मौसम आ गया तुम्हारे बच्चों ने तुम अपने बच्चों से मिल, तो नहीं, मिल सकते, तो नहीं सकते तो तुम्हारे बच्चे फोन करके या कुछ करके क्या कहेंगे पापा यदि नहीं मिल सकते तुम्हारा सन क्या कहेगा पप्पा तो मिल नहीं सकते तो ईमेल कर दो टो तो मिल नहीं सकते तो ईमेल कर दो क्या कहेगा बच्चा जब हम किसी से मिल नहीं सकते तो हम क्या कर देते हैं ईमेल कर देते हैं या मिलने के लिए ईमेल पर हम क्या करते हैं ईमेल पे हम लोग वार्तालाप करते हैं ईमेल <coughs> पे हमेशा हम लोग क्या करते हैं वार्तालाप करते हैं ईमेल पे क्या करते हैं बच्चा वार्तालाप करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल रे टोमिलसन तो मिल नहीं सकते पप्पा तो ईमेल ही कर दो तो मिल नहीं सकते तो ईमेल ही कर दो चलिए आगे आ जाता है बच्चा इंस्टेंट कप नूडल्स आप यदि राजधानी आदि ट्रेन में आपने यात्रा की होगी या किसी ट्रेन में तो एक कपसा होता है क्या होता है कप और उस कप में क्या आता है वो गर्म पानी देके जाता है और आपको नूडल्स देके जाता है उस गर्म पानी को उस कप में डालते तो तुम्हें चाउमीन मिल जाती है मतलब मैगी मिल जाती है इंस्टेंट कप नूडल्स आप मैगी भी कह सकते हो इंस्टेंट कप नूडल्स मैगी को नूडल्स कहते हैं मैगी को क्या कहते हैं नूडल्स तो इसका आविष्कार किसने कहा किसने किया था इसका आविष्कार किसने किया था इसका आविष्कार किसने किया था तुरंत बताइए बच्चा इसका आविष्कार किसने किया था इसका आविष्कार किसने किया था हवाई जहाज का आविष्कार हवाई जहाज का आविष्कार एरोप्लेन का आविष्कार एरोप्लेन का आविष्कार तो जब तुम जल्दबाजी इंस्टेंट का मतलब होता है जल्दी में जब तुम जल्दी में गरम गरम नूडल्स खाते हो जब तुम जल्दी में गरम गरम नूडल्स खाते हो तो तुम्हारा मुँह फुक जाता है तुम्हारा मुँह फुक जाता है और जब तुम्हारा मुँह फुक जाता है तो तुम कैसे चलाते हो मोमो फुको मोमो फुको मोमो फुको मम्मी मुंह फुक गयो मोमो फुको एंडो क्या नाम है इसका इन आविष्कार का नाम है मोमो फूको एंडो क्या नाम है बच्चा इनका मोमो फूको एंडो इन अविष्कारक का नाम क्या है मोमो फूको एंडो मम्मी मुँह फूको मम्मी मुँह को फूक दियो फूक दिया मतलब गरम गरम हमारे गांव में फूक दिया मतलब आग लग गई गरम गरम मोमो फूको मोमोज गरम गरम होते नूडल्स मोमोज अचानक से मुँह में रखोगे ऐसे करते हो ना मम्मी मुंह फूको एंडो मम्मी मोमो फूको मोमो फूको फीलिंग लो तुरंत मोमो फूको एंडो अब आ रही है मोमो फूको एंडो मोमो फूको एंडो चलिए तो इंस्टेंट कप नूडल्स मोमो फूको एंडो एक भी अभी तक की इधर से उधर नहीं गई है एक भी इधर की उधर से नहीं गई है आप खुद देख रहे हो बाबू चलिए आगे आ जाते हैं बिल्कुल सही हवाई जहाज ओलिवर एंड ओलीवर एंड बिल्वर राइट ओलिवर एंड, एंड विल्वर राइट ओलीवर एंड विल्वर राइट बंधु राइट बंधुओं द्वारा ओलीवर एंड बिल्वर ओलिवर एंड बिलवर राइट तो देखो तो जब भी आपने सुना होगा कि बीरबल और ओलिवर बीरबल याद करना बिलबर बीरबल बिलबर से आप क्या याद करना बीरबल याद करना तो आप जानते हो अकबर और बीरबल के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध थे अकबर और बीरबल के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध हुआ करते थे एक बार अकबर ने पूछा बीरबल ओ बीरबल उसने कहा हाँ भाईजान एक बात बताओ बीरबल कि ये हवाई जहाज सही है ये जो ऊपर उड़ रहा है ये हवाई जहाज सही है उसने कहा हाँ जी तुमने बिल्कुल बात सही कही है तो अकबर ने पूछा ओ ओ मेरे जिगर के टुकड़े बीरबल भाई अकबर और बीरबल में गहरी दोस्ती थी लिवर का मतलब क्या होता है जिगर लिवर का मतलब क्या होता है जिगर ओ मेरे लिवर के टुकड़े कहते हो ना तुम अपने अच्छे दोस्त को कि तू मेरे जिगर का टुकड़ा है तू मेरे लिवर का टुकड़ा है ऐसे समझना ओ मेरे लिवर के टुकड़े मेरे मित्र बीरबल क्या मेरी बात सही है तो बीरबल क्या कहता था हाँ जी तुम्हारी बात सही है तो हवाई जहाज से याद कर लेना हवाई जहाज बेशक उसकी बात हवा में उड़ा देता था बीरबल उसकी बात हवा में उड़ा देता था फिर भी क्या कहता था हां ज्यादातर बेशक अकबर की बात हवा हवाई होती थी लेकिन बीरबल क्या कहता था हां ओ मेरे लिवर के टुकड़े हवाई हवा में उड़ गई बात लिवर का टुकड़ा क्या होता है ओ मेरे जिगर के टुकड़े हा 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 बिलबर तो ऐसे याद कर लेना ओलिवर एंड बिल्बर राइट ओलिवर एंड बिलबर राइट आगे आ जाती है पोलियो आगे आ गया जाती है पोलियो वैक्सीन 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस पोलियो वैक्सीन दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड पोलियो डे पोलियो दिवस की दिवस कह रहा हूं पोलियो वैक्सीन पोलियो वैक्सीन पोलियो वैक्सीन का बताइए किसका बताइए पोलियो वैक्सीन पोलियो वैक्सीन का बताइए बच्चा पोलियो वैक्सीन के बेटा इसको लेके आओ पोलियो वैक्सीन तुरंत बहुत अच्छे आगे आ गया जाता है मेरे दोस्त चॉकलेट बार चॉकलेट खाते हो ना आप चॉकलेट चॉकलेट बार ये चौखंटी चॉकलेट जो होती है कैडबरी वाली चॉकलेट बार चॉकलेट बार का आविष्कार किसने किया था चॉकलेट बार का आविष्कार किसने किया था तो पोलियो वैक्सीन जिससे हम वॉक नहीं कर सकते जिससे हम वॉक नहीं कर सकते जो हमारा नाश कर देती है ऐसी बीमारी जो नाश कर देती है जो नाश कर देती है जिसकी वजह से हम वॉक नहीं कर सकते जो नाश साख को आप क्या लिख सकते हो जो कर दे नाश और उसकी वजह से हम नहीं कर पाए वॉक साक वॉक लगभग मिलते जुलते हैं ना साक और वाक देखो बच्चा क्या ये मिलते जुलते नहीं है ऐसी बीमारी जिसकी वजह से हम वाक नहीं कर पाए जो हमारी बॉडी का नाश कर दे नाश कर दे नाश मतलब बर्बाद कर दे जो हमारी बॉडी का नाश कर दे अर्थात बर्बाद कर दे उस बीमारी का नाम क्या है पोलियो तो जो नाश कर दे पोलियो जो नाश कर दे पोलियो चलिए आगे जाते बच्चे पहला मैकेनिकल टीवी पहले चॉकलेट बार करता दो चॉकलेट बार जब आप चॉकलेट खाते हो तो आप याद रखते हो कि चॉकलेट जो बनती है पहले उसे फ्राई किया जाता होगा भाई चॉकलेट को ओवन में क्या किया जाता होगा फ्राई ओवन में फ्राई करने के बाद में वो पिघल जाती होगी तो आप क्या कहते हो आज तो मैं चोको फ्राई खाऊंगा क्या खाऊंगा चोको फ्राई तो जोजेफ फ्राई चॉकलेट बार जोजेफ फ्राई नाम के व्यक्ति ने इसका निर्माण किया था तो आप जोजेफ फ्राई अरे फ्राई फ्राई से याद रखना चॉकलेट बार चॉकलेट बार चॉकलेट फ्राई जैसे अंडा फ्राई नहीं होती जैसे दाल फ्राई होती है इसी तरह चॉकलेट फ्राई जैसे दाल फ्राई होती है इसी तरह चॉकलेट फ्राई आगे आ गया जाता है आगे आ गया जाता है बिच्चा बिल्कुल सही वर्ल्ड का पहला टीवी प्रथम टीवी मैकेनिकल टीवी था प्रथम टीवी और प्रथम इलेक्ट्रॉनिक टीवी, टीवी प्रथम इलेक्ट्रॉनिक टीवी प्रथम इलेक्ट्रॉनिक टीवी दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है चॉकलेट फ्राई चॉकलेट फ्राई चॉकलेट फ्राई फर्स्ट इलेक्ट्रिक टीवी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक टीवी। बहुत अच्छे बच्चा पहला टीवी जे एल बेयड पहला टीवी जे एल बेयड जे एल बेयड पहला टीवी वी जे एल बेयड और फर्स्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक टीवी फिलो फिलो फंस वर्थ फिलो फिलोफांस वर्थ तो जे एल बेयड जे एल बेयड तो कैसे याद रखोगे बेयड तो कैसे याद रखोगे बेयड आजकल दाढ़ी का चलन बहुत चल रहा है अब टीवी पर देखते हो कि बियर्ड दाढ़ी का चलन बहुत ज़्यादा चल रहा है लंबी लंबी दाढ़ी वहाँ से याद कर लेना और फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक टीवी आज तो अब दुनिया का कहीं का भी कोई प्रोग्राम देख लो फिलोफांस वर्थ फिलोफांस वर्थ वर्थ माने कि आज यदि आप टीवी देखो तो इलेक्ट्रॉनिक टीवी ही आपकी वर्थ का है वर्थ का मतलब होता है कि वो मूल्य जो इलेक्ट्रॉनिक टीवी है उसका मिल है बहुत ज़्यादा है और वो फ्रांस तक की चीज़ दिखा देता है फ्रांस मतलब फ्रांस तक की चीज़ दिखा देता है फ्रांस मतलब बच्चा फ्रांस तक की चीज़ दिखा देता है कहाँ तक की चीज़ दिखा देता है फ्रांस तक की चीज़ दिखा देता है फ्रांस तक की चीज़ अब आ जाती है वर्ल्ड का फर्स्ट टीवी जे एल बेर्ड और कहां तक की चीज़ दिखा देता है फ्रांस तक की चीज दिखा देता है अब आ जाते हैं गैसों के नाम गैसों के नाम हाइड्रोजन गैस की खोज हाइड्रोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है बच्चा जाना मत इसके बाद में वैज्ञानिक नाम करेंगे पांच छह हैं बस ये हाइड्रोजन उसके बाद में आ जाता है नाइट्रोजन की खोज नाइट्रोजन की खोज नाइट्रोजन की खोज, नाइट्रोजन की खोज।, नाइट्रोजन की खोज। नाइट्रोजन की खोज नाइट्रोजन के बाद में आ जाता है ऑक्सीजन की खोज ऑक्सीजन की खोज ऑक्सीजन की खोज ऑक्सीजन की खोज बताइए हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन बिल्कुल सही तो हाइड्रोजन की खोज की थी बच्चा हेनरी केवनडिश ने सबसे हेनरी कैन हेनरी हैंनरी हेनरी डिश केवन डिश, केवन डिश अब कैसे याद करोगे आप इसे याद कैसे करोगे ये तो आपने नाम देख लिया हेनरी केवन उधर क्या है हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो डिश डिश माने क्या होता है कोई भी सब्जी कोई भी सब्जी कोई भी सब्जी भाई डिश बनाते ना आज आपने क्या डिश बनाई है आज हमने आलू मटर पनीर बनाए आलू पनीर आलू मटर तो सुना था मटर पनीर सुना था आलू मटर पनीर कौन सी सब्जी होती है पर कोई बना देता है तीनों का स्वाद लेने के लिए सब्जी डिश वहां से याद कर लेना दूसरे तरीके से याद कर लेना सब्जी में क्या होता है पानी और पानी में क्या होती है हाइड्रोजन सब्जी में क्या होता है पानी और पानी में क्या होती है हाइड्रोजन आपका जो डिश एंटीना होता है आपका जो डिश एंटीना होता है वो बारिश में क्या हो जाता है बारिश में पानी बरसता है पानी में क्या होता है हाइड्रोजन पानी में क्या होता है हाइड्रोजन दूसरे तरीके से कैसे याद करोगे हाई हाई डरो हेनरी अब देखो कैसे याद हो गया हेनरी एक थी हेन, एक हेन, हेन माने क्या होती है मुर्गी हेन माने क्या होता है मुर्गी मुर्गी को जैसे आप करोगे हाय मुर्गी सोचेगी आज मेरा कलमा पढ़ेगा आज भाई साहब मेरा कलमा पढ़ा जाना है ला या मोहम्मद रसूल अल्लाह खटाक आज मेरा कलमा पढ़ा जाना है तो जो हेन होती है क्या होती है न, हेन को जैसे आप हाई करोगे ऐसे करोगे ना हाय हाय मुर्गी मुर्गी सोची आज तो कटी मुर्गी डर जाएगी तो बच्चा मुर्गी जो हैन होती है वो अपने बच्चों को क्या सिखाती है कि जब भी कोई आदमी आके तुम्हें हाय करे तो डर जाना नहीं तो दुनिया से तुम्हें बाय कर देगा वो तो हाय डरो हैन मुर्गी मुर्गी डरो दूसरी तरीके से याद कर सकते हो मुर्गी को काटने से डरो मुर्गी को काटने से डरो मुर्गी की क्या बनाई जाती है डिश बनाई जाती है हाइड्रो वहां से याद कर लेना ऐसे इंसान ने कहा हाय मुर्गी मर गई एकदम बोला आज तक तो कलमा पड़ देगा आज 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 पूरा लेग पीस दिखाएगा पूरा हाय डरो मुर्गी का डिश चलिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन डेनियल रदरफोर्ड नाइट्रोजन डेनियल रदरफोर्ड डेनियल रदरफोर्ड डेनियल रदरफोर्ड डेनियल रदरफोर्ड कैसे याद करोगे रबर फोर्ड बच्चा जो फोर्ड कार होती है कौन सी कार होती है फोर्ड कार फोर्ड के जो कार होती है कार के टायर किसके होते हैं रबर के होते हैं कार के टायर किसके होते हैं रबड़ के होते हैं कार के टायर किसके होते हैं रबड़ के होते हैं और टायर में कौन सी गैस भरी जाती है नाइट्रोजन गैस टायर में कौन सी गैस भरी जाती है नाइट्रोजन तो रदर की जगह रबड़ कर लेना रदर की जगह क्या कर लेना रबड़ कर लेना तो रदर फोड नाइट्रोजन गैस रदर नाइट्रोजन गैस वहां से याद कर लेना डेनियल रदरफोर्ड आगे आ जाती है ऑक्सीजन बच्चा कुछ लोग शैली शैली आंसर देंगे तो तुम भैया याद कर लो पहले जो खोज छपी थी वो जोसेफ प्रिस्टले की छपी थी इसलिए जोसेफ प्रिस्टले को कहा जाता है ऑक्सीजन का खोज करता जोसेफ प्रिस्टले तो जिसकी वजह से आप रहते हो सेफ यदि ऑक्सीजन की मात्रा घट गई तो जो भी सेफ नहीं रहेगा कोई भी कोई भी सेफ नहीं रहेगा और जो से प्रिस्टले ने किसका आविष्कार किया था कुछ दिनों पहले पुजारी कार्बोनेटेड वॉटर यदि ऑक्सीजन में यदि पानी में ऑक्सीजन है तो तो मछली जीवन रहती है मछली सेफ रहती है और मछली कार्बोनेटेड वॉटर आ गया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुल गई तो क्या हो जाती है प्रिस्टले पुजारी कार्बोनेटेड वॉटर हुक्का वाला पानी वाली ट्रिक उसी ने ऑक्सीजन की खोज की थी जोसेफ प्रिस्टले जबकि इसका नामकरण किया था लेवोसियर ने इसका ऑक्सीजन का भी नामकरण हाइड्रोजन का भी नामकरण लेवोसियर ने किया था जबकि नाइट्रोजन का चैप्टेल नाम के व्यक्ति ने किया था तो हाइड्रोजन हाय है हेनरी डरो हाय है हेनरी हेलो नाइट्रोजन, डेनियल रदर फोड रबड़ फोड कार के रबड़ के टायर में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है कार के टायर में भी नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन ऑक्सीजन यदि पानी में तो जो जो ऑक्सीजन पानी वाली में पानी में ऑक्सीजन वाले पानी में रहेंगे वो सेफ रहेंगे जो पुजारी वाले में रहेंगे वो मर जाएंगे जोसेफ प्रिस्टले आगे आ गया जाते हैं बच्चा नोबल गैसेस उत्कृष्ट गैस जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती इन्हें गैस भी कहते क्या कहते हैं गैस या इन्हें नोबल गैसेस भी कहते हैं क्या कहते हैं बच्चा नोबल गैसेस ये अभी की जो हमारी आवर्त सारणी होती है आवर्त सारणी के अठारवे कौन से समूह में पाए जाते हैं ये अठारवे समूह में पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल के एटींथ ग्रुप में पाए जाते हैं नोबल गैसेस की खोज बहुत अच्छे नियोन आर्गन क्रिप्टोन जिनोन तो विलियम राम से विलियम राम से विलियम राम से विलियम राम से इन्हें रेमजे भी कह देते हैं क्या कह देते हैं विलियम रेमजे भी कह देते हैं अब इसका नाम बताइए विलियम रेमजे भी कह देते हैं नोबल गैसेस जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती अब जैसे आपने देखा होगा यहां पर ग्रुप की बात कर लेते हैं ऐसी गैसेस जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती तो जब वो गैस क्रिया नहीं करेंगी तो ऐसे मान लो कि आपके ग्रुप में आपका कोई फ्रेंड है आपका कोई फ्रेंड है आपका कोई दोस्त है वो आपसे बोलता बहुत कम है या ग्रुप में बहुत कम है तो आप क्या कहते हो जब वो कहेगा तुम्हें चलना है वो कुछ नहीं बोलेगा तुम्हें घूमने चलना है तुम्हारा दोस्त चुप रहेगा और तुम्हारा दूसरा दोस्त आया उसने पूछा कि भाई ये चलने के लिए राजी हुआ ये क्या सोच रहा है राम जाने राम जाने यार ये कोई क्रिया क्यों नहीं कर रहा ये एक क्रिया सा क्यों बैठा है अनरिएक्टिव नन रिएक्टिव सा क्यों बैठा है तो तुम क्या कहोगे राम जाने राम जाने राम जाने रेम जे हमें नहीं पता भैया इतना एक्रिया कैसे बैठा है राम जाने रेम जे रेम जे राम जाने राम जाने तुम्हारा नाम कैसे पड़ा राम जाने राम जाने तो वहां से याद कर लोगे न्योन आर्गोन क्रिप्टोन जिनोन चलिए बहुत अच्छे आगे आ गया जाते बाइसाइकल बचपन में हम सबका हवाई जहाज साइकिल बाइसाइकिल, बचपन में हम सबका हवाई जहाज था ये। इस पर चढ़ के तो हम ओलीबर और बिल्बर राइट के फूफा समझते थे खुद को ओलिवर और बिल्बर राइट के ने जाने कितनी बार गिरे होंगे लेकिन उस गिरने का कभी गम नहीं हुआ क्योंकि हमने बाइसकल चलाना सीखा जब तुमने साइकिल से गिर गिर कर साइकिल चलानी सीख ली उस गिरने का गम नहीं हुआ तो जब आप एग्जाम देते हो और जब आप असफल हो जाते हो आप बार बार असफल होते हो तो फिर क्यों गम करते हो जिस तरह बार बार गिरकर और फिर से उठकर तुमने साइकिल चलाना जारी रखा और एक दिन तुम साइकिल चलाना सीख गए ठीक वैसे ही याद कर लेना इस बात को अपने गुरु की बात को कि तुम बार बार गिरते रहोगे लेकिन अगर तुम हिम्मत से उठते रहे ना तो जैसे तुमने साइकिल चलानी सीखी थी वैसे ही तुम नौकरी भी प्राप्त कर लोगे जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे तो जब तुमने जीवन में बचपन में जब तुम छोटे थे जब तुम साइकिल से हार नहीं मानी तो बड़े होकर एग्जाम से हार मान जाओगे लिखो आहू हा मैं कर सकता हूं हमें कर सकती हूं अहू हमें करूंगा हमें करूंगी अहू मुझे ही करना होगा मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता तीन बार आहू लिखो आहु, आहु, आहु। यदि ये बात आपको समझ में आ गई हो तो साइकिल वाली मोटिवेशन अचानक से बन गई कितनी धांसू बात है कि जिस प्रकार साइकिल चलाते चलाते हम सीख जाते हैं तो कैसे याद करोगे साइकिल के आविष्कारक को मेक मिलन मिल्क मैन से याद करना किससे याद करना मिल्क मैन से मिल्क मैन से याद करना किससे याद करना मिल्क मैन दूध वाला मेक मिलन मिल्क मैन ऐसा ही है ना कुछ मिल्क मैन मेक मिलन और आज तो तुम कार में मिलने जाते हो पहले साइकिल पे मिलने जाते थे ट्यूशन के बाहर ट्यूशन साइकिल पर याद नहीं है क्या तुम्हें वो दिन तो मेक मिलन मेक का मिलन कहा होता था साइकिल पे साइकिल पे और तब तो गाने भी हम वही देखते थे साइकिल पर बिठाने वाले साइकिल पर बिठाने वाले और आज के दिने की कार पर बिठाने में भी वो संतुष्टि नहीं होती तो मेरे दोस्त ऐसे जियो जैसे आपने अपने बचपन को जिया हो ये कठिनाइयां ये मुसीबत ये जरूरतें पूरी जिंदगी में आएंगी आज किसी और चीज की कठिनाई आए एग्जाम की कल घर की कोई और कठिनाई आएगी परसों बीमारी की कोई कठिनाई आएगी तो क्या डेली ऐसे ही हारते रहोगे बिल्कुल नहीं तुम्हें तो खड़ा होना होगा शेर की तरह दहाड़ लगानी होगी आहू शेर की तरह पीछे नहीं हटना होगा योद्धा की तरह डटकर मुकाबला करना होगा चलिए मेक मिलन आपको यह भी याद हो गया और बस लास्ट चल रहा है सिली कौन की खोज सिलिकॉन तुम्हारे कपड़े कौन सिलता है तुम्हारे कपड़े कौन सिलता है वहीं से ट्रिक बनेगी दर्जी के दर्जी के मेरा सील दे दर्जी के वो गाना होता है ना सिली सिली कौन सिली कौन आगे आ गया जाता है मेरे दोस्त जर्मे नियम जर्मे नियम जर्मे नियम जर्मे नियम चलिए फटाफट वड़ बताइए फास्फोरस, फॉस फोरस इसे फिलॉसफर स्टोन भी कहा जाता था पारस पत्थर फास्फोरस, बताइए वड़। फटाफट फोरस बहुत अच्छे सिलिकॉन, दर्जी के और दर्जी के दर्जी कपड़े सिलता है ना तो दर्जी कहेगा बर्जीलियस अब कौन कपड़े सिलता है अब बर्जीलियस कपड़े सिलता है दर्जी बर्जी तुरंत याद हो गई ना दर्जी बर्जी तुरंत याद हो गया दर्जी बर्जी सिलिकॉन बर्जीलियस सिलिकॉन बर्जीलियस जर्मेनियम जर्मेनियम का बताइए क्लीमेंस क्लीमेंस विंक्लर क्लीमेंस विंकलर क्लीमेंस विंकलर, विंकलर जर्मेनियम क्लिमेंस विंक्लर तो कैसे याद कर लेते हो आप जर नियम नियम तोड़ तोड़के नियम तोड़ के मेंस मेंस जो होते हैं मेंस माने इंसान पुरुष पुरुष क्या तोड़ते हैं नियम तोड़ते हैं जर्मे नियम जर्मे नियम जो पुरुष होते हैं वो नियम तोड़ते हैं दूसरे तरीके से जर्म माने क्या होते हैं कीटाणु कुछ कीटाणु किलर होते हैं कुछ कीटाणु क्या होते हैं किलर होते हैं विंग किलर जर्म किलीमेन्स किलर तो आप क्या याद कर लेना ट्रिक से जर्म किलर कुछ जो कीटाणु होते हैं वो किलर होते हैं और नियम तोड़ते हैं कौन पुरुष मेंस नियम तोड़ते हैं पुरुष क्या होते हैं नियम तोड़ते हैं जर्मेनियम जर्मेनियमेंस विंकलर विंकलर बच्चा आपकी ओरिजिनल ट्रिक से है कहीं से कॉपी नहीं है याद रखिएगा और यूट्यूब पे एक दूसरे का मारा और चुपका दिया अभी तुम देखना कुछ लोग तो दो तीन दिन से चालू कर देंगे स्टेटिक जीके की एक्सप्रेस या कुछ भी जिन्हें पता भी नहीं था जोसफ ब्लैक मैग्नेशियम का बताइए मैग्नेशियम मैग्ने मैग्नेशियम और लास्ट हो जाता है कैल्शियम बस अब करेंगे वैज्ञानिक नाम अब करेंगे बहुत सारी वस्तुओं के वैज्ञानिक नाम कैल्शियम का बताइए अब बहुत अच्छे बच्चा तो मैग्नीशियम का हो जाता है जोसेफ ब्लैक जोसेफ ब्लैक जोसेफ ब्लैक अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कैसे आया है अच्छे से याद करो ब्लैक माने काला ब्लैक माने काला मैग्नीशियम को जब भी आप खुले में छोड़ दोगे मैग्नीशियम को जब भी आप खुले में छोड़ दोगे तो वो काली पड़ जाएगी मैग्नीशियम सिल्वर कलर की होती है मैग्नीशियम चांदी के रंग जैसी होती है आप उसे जब भी खुला छोड़ दोगे ना बाबू मैग्नीशियम को वो जब भी कैसी पड़ जाएगी काली पड़ जाएगी जो सब ब्लैक पड़ जाएगी वो कैसी पड़ जाएगी ब्लैक। मैग्नीशियम वो तुरंत कैसी पड़ जाएगी ब्लैक पड़ जाएगी ठीक है दूसरे तरीके से कैसे याद करोगे मैग्नीशियम, कुछ मैगजीन जैसी बात नहीं आ रही गन की जो मैगजीन होती है और गन की जो मैगजीन रखते हैं काले कारनामे करते हैं चोर लोग मैगजीन रखते वहां से याद कर सकते हो मैग्नीशियम जो सब ब्लैक चलिए आगे आ जाते हैं कैल्शियम हमफरे डेवी डेवी कैल्शियम हमफ्रे डेवी इन्होंने ना सिर्फ कैल्शियम जबकि कैल्शियम सोडियम और पोटेशियम तीनों की हमफ्रे डेवी हमफ्रे डेवी तो कैसे याद करोगे यहां पर फ्रे फ्रे आ गया ना फ्रे 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 यहां से पढ़ोगे तो हम फ्राई हम फ्रे डेवी हम फ्राई कैल्शियम की बच्चा हड्डी होती है क्या होती है कैल्शियम की हड्डी तो देखा होगा लेग पीस खाते हैं ना लोग मुर्गे का लेग, लेग पीस खाते हैं। तो लेग पीस में हमे से बहुत सारे लोग मुर्गे का लेग पीस नहीं खाते क्या तो जो हड्डी होती है हड्डियों में कैल्सियम और ही होता है तो कैल्शियम से याद कर लीजिएगा हमफ्रे डेवी डेवी दूसरे तरीके से याद कर सकते हो कि डेवी से याद रखिएगा यहां पे आप डेवी नाम का कोई डॉग समझ लेना डेवी नाम का कोई डॉग तो वो कैल्शियम की हड्डी चबाता है वैसे याद कर लेना कैल्शियम सोडियम पोटेशियम तीनों के लिए हम फ्रे डेवी तो बोन्स हड्डियां फ्राई करके और वहां से याद कर लेना हड्डियों में कैल्शियम और फॉस्फोरस का हो जाता है दोस्त हेनिंग ब्रांड हेनिंग ब्रांड हैनिंग ब्रांड यह पहला मॉडर्न जमाने का पहला केमिकल था जिसे खोजा गया था फास्फोरस फोरस फोरस तो कैसे याद करोगे फास्फोरस ऐसे है ना ना फारस फोरस फारस तो आपका दोस्त कोई अरब या फारस जाता है क्या जाता है अरब या फारस जाता है वहां से कोई आपके लिए ब्रांडेड कपड़ा लेके आता है या घड़ी वगैरह लेकर आता होगा तो क्या कहता हूं फारस का ब्रांड है फारस या मान लेता हूं कि आप लोग कोई परफ्यूम लगाते हो तो आप क्या बताते हो फारस से आया है परफ्यूम परफ्यूम कहां से आया फारस फारसी ब्रांड है परफ्यूम कैसा ब्रांड है बच्चा फारसी है। ब्रांड है परफ्यूम कैसा ब्रांड है परफ्यूम फ्रांसी ब्रांड है कैसा ब्रांड है बच्चा परफ्यूम फारसी ब्रांड है अब आ जाती है वैज्ञानिक नाम अब क्या जाते हैं बच्चा वैज्ञानिक नाम क्या जाते हैं वैज्ञानिक नाम यहां तक मुझे सब लोग बताइए कि क्लास कैसी लगी सब लोग धांसू हर तरीके की कमेंट करके बताइए एकदम धुआं धुआं धुआ कमेंट कि यहां तक की क्लास कैसी लगी फिर हम लोग किस पर चल रहे हैं हम लोग वैज्ञानिक नाम पर चल रहे हैं बच्चा किस पर चल रहे हैं हम लोग बाबू वैज्ञानिक नाम पर आ गए हम लोग किस पर आते हैं तुरंत वैज्ञानिक नाम पर आते हैं किस पर आते हैं छोटे वैज्ञानिक नाम पर आते हैं किस पर आते हैं वैज्ञानिक नाम बहुत सारी चीजों के वैज्ञानिक नाम बाबू इस बार ही सीपीओ सीजीएल का पेपर उठा के देख लो सीएचएसएल का पेपर उठा के देख लो एमटीएस का वैज्ञानिक नाम ना हो और वही कंपनी सब पेपर कराती है अपने पुराने एनटीपीसी ग्रुप डी के उठा के देख लो ना हो तो बता दो अब मुझे यह बताओ कि मैंने आपको बहुत सारी ट्रिक कराई बहुत सारी ट्रिक आपको बच्चा वो ट्रिक कितने परसेंट दिल से बताना बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं ये विश्वास है टीचर का अपने स्टूडेंट के ऊपर और स्टूडेंट का अपने टीचर की कैपेबिलिटी के ऊपर तो बताओ कितना परसेंट आपको आया और यदि परसेंटेज नब्बे से प्लस रही हो कि नब्बे से प्लस आया तो गुरु दक्षिणा देकर जाना रात के सारे पौने ग्यारह बज रहे सब लोग शेयर करके कम से कम जितने देख रहे हो डबल कर दो और समझ लो तुम्हारे गुरु को तुमने दक्षिणा दे दी सभी लोग ये सारी जो क्लास है बच्चा जी के की एक सुबह साढ़े छह बजे की करंट अफेयर की सुबह साढ़े छह बजे सुबह बच्चा जगो अपने मां बाप के लिए अपनी जवानी को अपनी जवानी की रवानी दिखाने के लिए ना कि इसे फोन में और फालतू चीजों में बर्बाद करने के लिए वो कहते ना ये जवानी लौट के नहीं आएगी इसे रवानी बना दो दिखा दो दुनिया को कि तुम्हारे खून में वो ताकत है मेहनत मजदूरी की वो उस तरीके से तुम्हें सींचाए कि यदि सर चट्टान में मार दो तो सर को फाड़ दो चट्टान को तोड़ दो सर को नहीं फाड़ दो चट्टान को तोड़ दो सर तो फटेगा लेकिन चट्टान भी टूटेगी उल्टा हो गया नौ बजे ये स्टेटिक की क्लास होती है एक्सप्रेस विवेक एक्सप्रेस ये दो क्लास अपने जीवन की अभिन्न अंग बना लो अभिन्न अंग चलिए बहुत अच्छे शाबाश बहुत शानदार चट्टान को फाड़ दो ऐसा सर चट्टान में मैं बोला सर को फाड़ दो भावनाओं में आ गया था इसलिए चलिए अब आ जाते हैं बच्चा तो बहुत ही आता है अभी भी आते एग्जाम्स में बाइसन बाइसन होता है जंगली सांड कई सारे राज्यों का कई सारे राज्यों का ये वो भी होता है राजकीय पक्ष एनिमल बाइसन जंगली सांड जंगली सांड बाइसन का वैज्ञानिक नाम बताइए और अब मैं वैज्ञानिक नाम लिखूंगा आप मुझे उस जानवर का नाम बताओगे एलिफास मैक्सिमस, एलिफास मैक्सिमस आज जितने वैज्ञानिक नाम कराऊं सब तुम्हें क्लास में करा दूंगा उसके बाद में तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है एलिफास मैक्सिमस तो देखिए जो जंगली सांड होता है सांड की जो लेडी होती है उसे कहते हैं गौरस हमारे यहां गाय को क्या कहा जाता है गौरस गाय से जुड़ी किसी भी चीज को गौरस कहा जाता है गोबर्धन की भी पूजा होगी हम गोबर को भी बहुत ही सम्मान देते हैं इसलिए सम्मान देते हैं कि उससे ईंधन मिलता था पहले गोबर से कंडे बनते थे ईंधन मिलता था भगवान का यदि उसमें एंगल ना भी देखें जाहिर सी बात है गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था तो हमारा अध्यात्म तो है ही है परंतु यदि उसकी आर्थिक वस्तु भी देखें तो पहले गोबर ईंधन के काम आता था तो गोबर के कंडे बनते थे गोबर के गोसे बनते थे उपले बनते थे अब में से बहुत सी बहन ऐसी होंगी बहुत से भाई भी ऐसे होंगे जिन्होंने गोबर के कंडे पाथे होंगे अपने घर से गोबर के उपले पाथे होंगे उपले की बनी हुई चूल्हे में रोटी कितनी स्वाद लगती है साग की सब्जी कितनी स्वाद लगती है और मैंने तुम्हें कल बताई नहीं कल मम्मी ने मेरे लिए घर से साग भेजा भाई साहब कई महीनों बाद मैंने पांच रोटी खाई कल नहीं तो तीन चार या दो और स्वाद इतना स्वादिष्ट साग इतना स्वादिष्ट क्या बताऊं तो गौरस गौ माने गाय और गाय का बॉस सांड क्या होता है गाय का बॉस होता है बॉस गौरस बॉस गौरस अब किसी भी प्राणी का जो वैज्ञानिक नाम होता है किसी भी प्राणी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो दो नाम से मिलकर बनता है किससे मिलकर बनता है दो नाम से पहले को जीनस बोलते हैं वंश पहला जो नाम होता है उसके वंश का नाम है इच्छवाकु वंश के राजा श्री राम गोरस जो होता है ये उसकी प्रजाति का नाम है यह उसकी प्रजाति या स्पीसीस का नाम होता है ये हमेशा स्मॉल से शुरू होता है और यह इटैलिक में लिखे जाते हैं टेढ़े लिखे जाते हैं ये कैपिटल में वंश ये प्रजाति छोटे में लिखी जाती है स्मॉल गोरस और अब देख रहे हो कि किसी के भी दो नाम है किसी के भी दो नाम है और इसी को द्विनाम पद्धति कहते हैं क्या नाम देते हैं किसी भी जीव की दो नाम होते हैं वैज्ञानिक नाम में बाइनोमियल नोमन क्लेचर क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में बाइनोमियल नोमन क्लेचर और बच्चा ये जो द्विनाम पद्धति है इसके जनक माना जाता है कैरोलस लीनियस नाम के व्यक्ति को किसको माना जाता है कैरोलस लीनियस कैरोलस लीनियस कैरोलस लीनियस तो कैरोलस लीनियस इस नाम को बार बार याद कर लो द्वि नाम पद्धति कैरोलस लीनियस तो यस यस दो बार आया लीनियस कैरोलस लस यस दो बार आया ना बच्चा दो बार तो द्वि नाम पद्धति बाई नाम नाम में दो बार आया है कैरोलस लीनियस अब कभी नहीं भूलोगे चलिए बच्चा तो बॉस गोरस ये किसका नाम है जंगली सांड का एलिफास एलिफास इतना बड़ा सा टस्से मसनी होगा उसे खूब धक्का दे दो लेकिन वो टस्से मसनी होगा एलिफास किसका वैज्ञानिक नाम है हाथी मेरा साथी एलिफेंट हाथी तुम्हारा साथी टस्से मसनी होगा मैक्सी इतना बड़ा एलिफास यही से नाम पता चल गया एलिफेंट एलिफास एलिफेंट बहुत अच्छे हाथी का होता है और गौ का बॉस जंगली सांड गौस बोरस आगे बताओ एंटीलोप एंटीलोप सर्वी कैपरा एंटीलोप सर्वी कैपरा यह किसका वैज्ञानिक नाम है एंटीलोप सर्वी कैपरा 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 बहुत अच्छे बच्चा एंटीलोप सर्वी कैपरा आगे आ जाता है इक्वस कबेलस इक्वस कैबेलस कबीलस कैबिलस इक्वस कैबेलस भी कह सकते हो इक्वस कैबेलस एंटी माने उल्टा कहते ना हमारी एंटी पार्टी है उल्टी पार्टी है लोप माने गायब हो जाए गायब हो जाए कैप माने कैप कैप कहां पर पहनते हैं, सर पे पहनते हैं सर पे सर पे कैप कैप पड़ा ऐसे याद कर लीजिए हमें देखते ही गायब हो जाए जैसे सामने से आए हमें देखे डर जाए गायब हो जाए उल्टा गायब हो जाए सर पे क्या होते हैं सींग होते हैं सर पे कैप कैप तो ये होता है ब्लैक बक काला हिरन ब्रैक बक काला हिरन इसी को मारा था सलमान खान ने तब से बेचारा हिरन बहुत डरता है तुम्हें देखते ही एंटी माने उल्टा हो जाएगा उल्टा लोप माने गायब लोप का मतलब होता है गायब हो जाना तुम्हें देखते ही गायब हो जाएगा और पैर सर पे भागेगा पैर रख के एकदम सर कैप कैप माने सींग सर पे सींग तो काला हिरन ब्लैक बक इसी को मारा था और जब से बहुत डरता है बेचारा एंटीलोप हो जाता है तुम्हें देखते ही बेचारा भाग जाता है तुम्हें देखते ही बेचारा भाग जाता है देखते क्या करता है बेचारा भाग जाता है एंटीलोप सर्वी कैपरा ठीक है बच्चा चलिए इक्वस कैबिलस पुराने जमाने में कबीले वालों के पास क्या होता था पुराने जमाने में कबीले वालों के पास क्या होता था हॉर्स हॉर्स माने घोड़ा होता था हॉर्स माने घोड़ा कबीले वालों के पास क्या होता था घोड़ा होता था और घोड़ा इक्वल जब घोड़ा भागता है वो इक्वल इक्वल पैर रखकर भागता है इक्वल छलांग मारता है घोड़ा इक्वस कैबेलस हॉर्स या घोड़ा इक्वस कैबेलस हॉर्स या घोड़ा जबकि एंटीलोप सर्वी कैपरा काला हिरन जब से भाई साहब उसका एक भाई मारा है ना तब से भाई वो दिखता नहीं है अब बताओ हमारा और तुम्हारा सबका का, का, का।, का, का मुलता ये सबसे मस्त इसका और हमारा रिश्ता बहुत ही गहरा है और अब का रिश्ता नहीं है हजारों साल का रेट टूट जाएगी। हजारों साल का रिश्ता है हमारा और इसका हजारों साल का रिश्ता है कब का रिश्ता है हजारों साल का रिश्ता है, है हजारों साल का ये हमारा और तुम्हारा सबका काका हुआ करता था और आप जब हमने से काका का मानने से इनकार कर दिया तो इसने क्या देखो हमारा वंशज हमारे वंशज पूर्व जमाने में कौन थे बंदर थे कौन थे बच्चे बंदर मंकी, कौन थे बंदर और जब उन्होंने काका जैसा सम्मान देना बंद कर दिया तो आजकल वो हमारे लत्ता उठा के ले जाते हैं गांव में कपड़े को लत्ता कहते हैं गांव में कपड़े को क्या कहते हैं लत्ता कपड़ा तो आजकल ही हमारे कपड़े लेकर भाग जाते हैं और जब ही हमारे कपड़े लेकर भाग जाते हैं तो इनके साथ क्या लगाते हैं रेस लगाते हैं क्या लगाते हैं रेस तो इसीलिए हमने इसको नाम क्या दिया रीसस मंकी रीसस मंकी तो आजकल आप जानते हो जो बंदर होते वो लत्ते लेकर भाग जाते कपड़े लत्ते लेकर भाग जाते और हम उन्हें क्या काका रुक जा काका चचा रुक जा ओ चचा रिसस, हम उनके साथ रेस लगाते हैं तो नाम क्या हो जाएगा रेसस मंकी कभी जीवन में नहीं भूल सकते पैर बिल्कुल कब्र में होंगे ना 160 साल की उम्र में और दांत बिल्कुल खत्म हो चुके होंगे मसूड़े भी समतल हो चुके होंगे समतल तो ऐसे लगोगे तब भी किसी ने पूछा ये मकाका मुलत्ता वैज्ञानिक नाम है तो करते बता दोगे ही 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 हंस दिए पिंकी रिंकी आके पापा कि ये रीसस मंकी बड़ी रेस लगाई थी हमारे में बड़े मंकी हुआ करते थे चलिए तो क्या हो गया मारा काका लत्ता लेके भग गया अब जैसे छत पे लत्ता लेके भग गया तो अक्सर मम्मी लोग भी कहती हैं, है, है। you know अरे पकड़िए पकड़िए तुम पूछोगे तुम अपने फोन में लगे हो पबजी अरे मम्मी क्या हो गया अरे तेरा काका लत्ता लेके भाग गया उसे पकड़ के ला अक्सर मम्मी लोग ऐसे डायलॉग का इस्तेमाल करती हैं तेरा काका लत्ता लेके भाग गया पकड़ लो मामा कभी नहीं कहेंगी क्योंकि उनके मायके की बात है काका कहेंगे चाचा पापा लोगों को चढ़ाने के लिए मम्मी अक्सर लोग ऐसे डायलॉग का इंतजाम करके रखती हैं तुमने भी कभी ना कभी सुने होंगे तुम किसी काम में लग रहे हो मम्मी की आवाज आई अरे देखियो लत्ता लेके के गया विवेक हम सुनो तेरा काका लत्ता लेके गया उसे पकड़ के ला तो मका का तब से मुझे पता चला अच्छा ये हमारा काका आए है मका का मुलत्ता चलिए बहुत अच्छे आगे आ गया जाता है कैनिस ल्यूपस फेमिलेरिस कैनिस ल्यूपस फेमिलेरिस लेरिस फेमी लेरिस केनस ल्यूपस फेमी लेरिस कैनिस ल्यूपस फेमी लेरिस फेमी लेरिस फेमी इसका नाम बताइए उसके बाद में बताइए मुस मुस्कुलस मुस मुस्कुलस मुस मुस्कुलस मुस मुस्कुलस Musculus, मुस मुस्कुलस फटाफट बताइए बाबू बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग आप बता देना बोर हो जाओ तो मुझे खबर कर देना मुझे खबर कर देना और अभी तुम्हारे अंदर आग भरनी शुरू हुई हो अभी तो बुलेट चार्ज हुई है अभी तो मेरी बुलेट चार्ज हुई है, भाई साहब ऐसा समझ लो अभी तो सुबह तक तुम्हें शांत हो पाऊंगा ऐसे बुलेट चार्ज हो चुकी इंजन गर्म हुआ है अभी और यदि तुम्हारा भी इंजन गर्म हो चुका हो तो अहू 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 दोनों हाथ ऊपर खड़े करके दोनों हाथ ऊपर उठा के और इंजन तुम्हारा ठंडा ही रहता हो तो भाई तुम्हारे इंजन में खराबी है जांच करवा लो आगे जाके तुम्हारे इंजन की खराबी की वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ सकते हो तो तुम अपने इंजन के पिस्टन विस्टन ठीक करवा लो हमारा इंजन तो अभी चार्ज होना शुरू हुआ है चलिए मुस तो दांत दिख रहे हो फाड़ने के काम आते हैं लेकिन वो हमारी फैमिली में रहता है एकदम फैमिली जैसा एकदम पुसी कैट ल्यूपस पुसी पुसी और उसे कभी कभी हम कैट में समझ लेना और कैनिस ल्यूपस फेमिलेरिस जाम रहती है जिस तरह से हम खाना खाते हैं ऐसे उसे खाना देते हैं उसका खाना कैन में आता है पेडिग्री वगैरह कैन आती है पेडिग्री की उसका खाना पेडिग्री में आता है कौन होता है डॉग हमारा जो घरेलू कुत्ता होता है हमारा जो घरेलू कुत्ता होता है हमारा जो घरेलू कुत्ता होता है उसे ना पुचकार बाबू ओ सुल्तान सुल्तान और मेरा बाबू परेशान है बाबू मिस कर रहा मुझे हम तो ऐसे पुकारते हैं क्योंकि वो फैमिली का है लेरिस, परिवार का हिस्सा है कैन में उसे पेडिग्री का खाना देते हैं पर हमारे सुल्तान ने बेचारे ने कभी पेडिग्री का खाना ना खाया बचपन में तो वो बाबूआ तो उसे खाना खा दिया आजकल तो उसका खाना फेवरेट है कोई चूहा आ जाए उसके सामने तो भाई से उसकी लेग पीस खा ले उसका खाना ऐसा बढ़िया लगे उसे आजकल आजकल नॉनवेज खाना पसंद है उसे तो कैनिस ल्यूपस फेमिलारिस तुम्हें वो बहुत मिस करे बहुत परेशान करता था उन जमानों में जब भी रात की क्लास होती थी उसका भोंकना शुरू जब भी मैंने शुरू किया कुछ पढ़ाना तो भी भोंकना शुरू बड़ा परेशान उसने और एक मोहल्ले के कुत्तों ने मोहल्ले के कुत्ते तो भाई साहब बहुत ही खतरनाक थे उसी समय शाम के सात बजे क्लास शुरू होनी और उन्हें आकर टूट पड़ना वही समय मिलता था उन्हें तो कैनिसरिस वो क्या हो जाता है कुत्ता मुस Mus मुस्कुलस इसका बताइए इतने में आगे लिख देता हूं मुस मुस्कुलस मुस मुस्कुलस का बताइए आगे पासर्स डोमेस्टिका पासर्स डोमेस्टिका पासर्स डोमेस्टिका पासर्स पासर्स डोमेस्टिका वैसे मैं तुम्हें बोर होने ना दूंगा और मेरे होते तुम बोर हो जाओ फिर मेरा होना क्या मुस मुस्कुसा मूसा तुम्हारे घर में तुमने देखा होगा मूसा मूसा भाई साहब मुस, मुस से याद कर लेना मूसा जहां भी दिख जाए याद रख लेना हाउस रेट हाउस रेट घरेलू चूहा वो जो टोमेंट जेरी होता है टोमेंट जेरी वाला चूहा जेरी मुस्कुरा रहा होता है मुस मुस्कुलस जब तुम्हारा उसने कोई नुकसान कर दिया होता है तो जाके मुस्कुरा रहा होता है जेरी की तरह मुस मुस्कुलस घरेलू चूहा घरेलू चूहा मूसा से याद रख लेना मूसा मूसा हमारे यहां चूहे को मूसा भी कहते हैं मूसा मुस मुस्कुलस आगे आ जाता है मेरे दोस्त पासर्स डोमेस्टिका और आगे आ जाता है यू डायनेमिस यू डायनामिस स्कोलो यू डायनामिस स्कोलो यू डायनामिस यू डायनामिस स्कोलो स्कूलो पैकस स्कूलो पैकस <coughs> देखो पास एक चिड़िया होती है छोटी सी होती है आपने देखा होगा छोटी सी जिसे गौरैया बोलते हैं क्या बोलते हैं गौरैया हाउस स्पैरो बच्चा इसे हाउस स्पैरो बोलते हैं गौरैया बोलते हैं गौरैया का वैज्ञानिक नाम क्या है पासर्स डोमेस्टिका गौरैया का वैज्ञानिक नाम क्या है पासर्स डोमेस्टिका डोमेस्टिक माने होती है घरेलू डोमेस्टिक माने क्या होते हैं घरेलू तो गोरैया जो होती है वो घरेलू चिड़िया होती है और जब हम उसे कोई दाना वाना डालते हैं तो हमारे पास भी आ जाती है एक गौरैया ऐसी चिड़िया है जो हमारे पास आ जाती है गौरैया गौरैया तो गौरैया तो कैसे याद करोगे गौरैया गौरैया हमारे पास आ जाती है पासर्स डोमेस्टिका यदि दानावाना डालते हो तो गौरैया ऐसी चिड़िया है कि जो हमारे पास आ जाती है गौरैया कैसी चिड़िया है यह एक ऐसी चिड़िया है मेरे दोस्त जो हमारे पास आ जाती है और हम उस चिड़िया को क्या बोलते हैं हम उस चिड़िया को गौरैया बोलते हैं चलिए देख रहे हाथ आगे आ गया जाता है कौरवस कौरवस स्प्लेंडेंस, कौरवस स्प्लेंडेंस, कौरवस स्प्लेंडर स्प्लैंड डेंस चलिए अब मैं बताता हूं इसका नाम यू को स्कूल को 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 को, को 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 को. में जब तुम एकदम बैग पैक करके जाते थे तो तुम स्कूल से बहुत खतरनाक रहे हो तो वहां यदि कोई लड़की अच्छा गाती थी मिस मिस माने कोई अच्छा लड़की गाना गाती थी तो यू माने तुम तुम क्या कहते थे यू मिस स्कूल में बहुत ही अच्छा गाती थी यू मिस स्कूल में बहुत ही तुम्हारी दोस्त मिल गई कोई तुम्हें बाद में तो क्या कहते थे में बहुत ही अच्छा गाती थी कोयल सी कोयल सा गाती थी कैसी गाती थी कोयल सा गाती थी कु मैं अभी भी मिस करता हूं स्कूल में एकदम बहुत ही बढ़िया गाती थी तो यू स्कूल में गाती थी मिस करते हो तो स्कूल की वो बोली वो गाने मिस करते हो ना कोयल सी तेरी बोली को 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 अब अब देखो अब कोरव ये कौरव की तरह एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं ये कौरव की तरह एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं कौरव कौरव और जैसे स्प्लेंडर आवाज करती ना फटफटिया ये वैसे आवाज करते हैं इनकी संख्या ज्यादा होती है और इनकी आवाज कानों में चुभती तो so है इनकी आवाज कानों में चुभती है इनकी आवाज कानों में चुभती है और ये कैसे इकट्ठे हो जाते हैं जैसे कौरव इकट्ठे हो जाते हैं कौरव नहीं होते थे सौ सवा सो एक साथ तुरंत बताओ क्या होंगे सौ सवा सो एक साथ आगे आ जाते हैं कोलंबा कोलंबा लिविया क्या हो जाते बच्चा कोलंबा लिविया कोलंबा लीविया तुरंत बताइए कोलंबा लिविया कौरव की तरह खट्टे हो जाते हैं कौरव की तरह खट्टे हो जाते हैं और स्प्लेंडर फटफटिया की तरह जाते हैं गाते हैं क्या कहते हैं किरो कहते हैं क्या कहते हैं बच्चा इन्हें कौआ क्या कहते हैं कौआ काले काले कौआ कौरव कौरव कौआ तो काले काले कौवा, उड़ जा फिर हम क्या कहते हैं उन्हें उड़ जा काले कौवा, कोलंबा, लीविया, आगे आ जाता है ना जा न जा जा इस रास्ते से दूर वरना तुझे खाके तेरे सपनों को कर दूंगा चकना चोर ना जना जा इस रास्ते से दूर वरना तुझे काटकर खाके कर दूंगा तेरे सपनों को चकना चूर तुरंत बताइए ना जा ना जा ना जा ना जा इस रास्ते में मैं बैठा हूं इस रास्ते से ना जा बताओ तो अब देखो लिबिया माने कोई तुमसे दूर रह रहा है कोलंबा कोलंबो में दूर रह रहा है कोलंबो तो बहुत दूर है श्रीलंका में कोलंबो और जब तुमसे कोई पहले दूर रहता था लंबा तो तुम क्या भेजते थे तुम भेजते थे चिट्ठी चिट्ठी ना कोई संदेश तुम क्या भेजते थे चिट्ठी भेजते थे और चिट्ठी पहले किसके सहारे भेजी जाती थी चिट्ठी पहले कबूतर के सहारे भेजी जाती थी चिट्ठी पहले कबूतर के सहारे भेजी जाती थी और कबूतर से क्या कहा जाता था कबूतर जा जा, जा कबूतर जा 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 और कोलंबो में रहता कोलंबा देखो मैं कोई झूठ बोल रहा हूं ये नहीं रहा नाम कोलंबो लीबिया माने रहना अंग्रेजी में नहीं पढ़ा आई एम लिविंग इन दिल्ली सो आई एम लिविंग इन दिल्ली वेयर आर यू लिविंग यही तो सिखाते थे स्कूल में चाह नाम वट इज योर नेम आई नेम इज विवेक इन विच सेक्शन इन विच क्लास यू आर रीडिंग आई एम इन फिफ्थ क्लास Where do you live? I live in तो यही तो सिखाते थे हमें तीन सेंटेंस पूरी क्लास में हमने सीबीएसई पास कर दिया हम पे तीन ही सेंटेंस आए इनमें भी क्या गलत हो गया होगा तो जब हमसे कोई दूर रहता था कोलंबो में लिव करता था रहता था तो हम क्या भेजते थे चिट्ठी भेजते थे कबूतर से कबूतर जा 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 कबूतर जा 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 और यदि ये कबूतर भैया जिसको चिट्ठी भेजते तो उसके पापा के हाथ में नहीं पड़ता तो तो ठीक और यदि कबूतर उसके पापा के हाथ में पड़ जाता तो पापा भाई साहब लेग पीस बना के खा जाता पापा तुम्हारी चिट्ठी का चिट्ठी को तो दे देता आग में और उसी आग पर तुम्हारे कबूतर को पका के खा जाता तो फिर वो तुम्हारे वो कहते चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम लंबे रहने चले गए कोलंबा लीविया कोलंबा लीविया कबूतर और सोचो तुम्हारे रास्ते में कोबरा मिल गया क्या मिल गया तुम जा रहे थे एकदम एनटीपीसी में लग गया हूं या ऐसा ही बन गया हूं रास्ते से जा रहे थे रास्ते में आ गया कोबरा कोबरा बोला सुन ओ ब्रो, ओ ब्रो मेरी बात सुन रुक जा इस रास्ते से ना जा प्रो इस ना जा ना जा इस रास्ते से ना जा मैं बैठा हूं तुझे काट कर हो जा, हो जा इस रास्ते से दूर नहीं तो तुझे खाकर अभी कर दूंगा तेरे सपनों को चकना चूर तो ना जा ना जा भाई साहब जो तुम्हारे सांप सा रास्ते में कोबरा आ जाएगा तो तुम उस रास्ते से कोबरा कहेगा ऐसे ऐसे घूम घूम के ना जा ना जा इस रास्ते से दूर वरना तुझे काट कर तेरे सपनों को कर दूंगा चकना चूर एक बार ऐसे करेगा ना जा ना जा करता है ना कोबरा ना जा वो ऐसे कहता तुमसे ना जा ना जा ना जा ना जा तो ना जा ना जा कोबरा कोलम्बा लीविया कबूतर आई साफ प्राइस ही बना देगा उसका पप्पा पहले बता दे रहा हूं कोबरा पे कदी मेहरबानी करना इस पर कबूतर पे कबूतर पे मेहरबानी करना मेरी बात समझ लेना भैया बेचारा कबूतर से मेहरबानी कर देना कदि उसे अपनी उसमें कुर्बानी दे दो मोहब्बत के चक्कर में वाह विवेक वाह क्या बात है चलिए आगे, आगे आ जाता है आगे आ जाता है आगे आ जाता है इंडियन पैरट इंडियन पैरट नामे सिट्टा कुला करा मेरी कुला, सिट्टा कुला करा मेरी करा मेरी सिट्टाकूला करा मेरी सिट्टा कुला, कुला करा मेरी अब आपने किसी से यह कह दी कि आपका जो पैरट है इंडियन पैरट आपके यहां जो तोता है वो बोलता है अक्सर लोग कहते हैं लो ना मेरा तोता बोलता है अब आप भी बिल्कुल एग्जामपुर के स्टूडेंट थे आप भी एग्जामपुर के स्टूडेंट थे तो ट्रिक जोड़ो जल्दी सिट्टा कुला को तोते से जोड़ो इतने में आगे लिख रहा हूं जहां तोता होगी वह मैना भी होगी जहां तोता होगी वह मैना भी होगी तो एक्रीडोथेरस ट्रस्टिस एक्री थेरस ट्रस्टिस ट्रस्टिस थेरस। एक्रीडोथेरिस ट्रस्टिस एक्रीडोथेरिस थैरिस ट्रस्टिस ट्रसटिस एक्रीडोथेरिस ट्रस्टिस तुरंत बताइए अब देखो जब आपने ऐलान कर दिया कि मेरा तोता बोलता है तो तुम एग्जामपुर के स्टूडेंट थे एकदम खच्चड़ बोले खुल्लम खुल्ला बात करा मेरी यदि तेरा तोता बोलता है तो करा मेरी बात यदि तेरा तोता बोलता है करा मेरी बात करा सामने वाले ने कहा तोता बोलता है तुमने कहा यदि तोता बोलता है करा मेरी बात करा करा मेरी बात तो तोता बोला मुझे तुम पे ट्रस्ट ना है मुझे तुम पे ट्रस्ट ना है मैना ना मैना ना ना ट्रस्ट ना ट्रस्ट माने विश्वास तोता बोला मैना ना इंडियन मैना ना इंडियन मैना ना तो तोते में क्या आएगा करा मेरी सिट्टा कुला करा मेरी मेरी बात करा तोता क्या कहेगा मैना ना मै ना तो एक्रीडोथेरस ट्रस्टिस सिट्टा कुला करा मेरी पेरट और जब आ जाएगा ट्रस्टिस एक्रीडोथैरिस ट्रस्टिस मैं ना मुझे तो ट्रस्ट ना मैं ना चलिए बहुत अच्छे आगे आ जाता है बच्चा आगे आ जाता है बगुला क्या जाता है बगुला बगुला देखे ना बगुला भगत तो, एकदम एक पाम पे खड़ा रहेगा ऐसा बगुला होता है ना बगुला अरे गांव देहात में पाया जाता है बगुला बगुला इसको अब क्या बोलते हैं नहीं पता मुझे बगुला वो ऐसा खड़ा रहेगा पानी में एक टांग पे एक टांग ऊपर कर लेगा ऐसे ऐसा लगेगा पानी में तपस्या कर रहा हो और सफेद होता है तो उसे भगत बोलते हैं भगत माने बिल्कुल एकदम ये तो भगत आदमी है बला सीधा साधा और जैसे देखी नहीं कहा खोल कैसे मछली आ गई गप्पा भर लेता है मछली का तो बगुला भगत बगुला भगत का नाम बताओ बगुला भगत बहुत अच्छे बगुला भगत बहुत अच्छे बगुला भगत चलिए तो बगुला का भगत तो बुबुलस 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 इबिस बुबुलस इबिस बुबुलस इबिस तो तुरंत याद रखिएगा बस बुबुलस बगुला बुबुलस बगुला बुबुलस वहां से याद कर लेना बगुला बुबुलस वहां से याद कर लेना बगुला बुबुलस एक कैट का और बता दीजिए फेलिस डोमेस्टिका फेलिस डोमेस्टिका इसमें स्पेलिंग इस में कुछ हो जाए तो क्योंकि मैं दिमाग से तुरंत बता दे रहा हूं जितना मुझे याद है तो स्पेलिंग में परेशान मत होना तो देती है और दूध कौन फैला देती है बिल्ली फैला देती है कौन फैला देती है बिल्ली तो ये कैट की बात है किसकी बात है कैट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है फेलिस डोमेस्टिका फेलिस डोमेस्टिका नाम किसका होता है फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली का नाम होता है चलिए अब करते हैं बच्चा सब्जियों के नाम ओनियन 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 मतलब प्याज का वैज्ञानिक नाम प्याज का वैज्ञानिक नाम पोटैटो आलू का वैज्ञानिक नाम आलू का वैज्ञानिक नाम आलू का वैज्ञानिक नाम आलू का वैज्ञानिक नाम जब तक रहेगा पटेटो में आलू जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगी क्लास ये चालू वाह वाह जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगी क्लास ये चालू और तब तक पढ़ना पड़ेगा अंकित हो सीमा हो या हो कोई शालू सबको पढ़ना पड़ेगा तब तक मैंने ट्रिक बना दी एक तुम्हें सारे विद्यार्थियों को मैंने तीन नाम दे दिए और मैंने क्या कहा जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगी क्लास ये चालू और तब तक पढ़ना पड़ेगा तुम्हें अंकित हो या कोई सीमा हो या कोई सालू चलो तुरंत बताओ क्या है वैज्ञानिक क्या है वैज्ञानिक नाम आलू तुरंत बताइए चलिए तो आजकल इसने ऑल ऑल माने सब सबको दे रखे गम प्याज ने एलियम ऑल के गम सीपा खरीदने से पहले ही आंसू बह रहे हैं एलियम सीपा सबके भाई के एलियम सीपा भाई इतनी महंगी हो गई है प्याज एलियम सीपा एलियम सीपा एलियम सीपा एलियम, सीपा, एलियम सीपा ओनियन मतलब प्याज और एलियम सीपा एलियम सीपा ठीक है सबके आंखों में सीप से चल रहे हैं। सीप माने आंसू बहुत महंगी है आलू सोलेनम ट्यूबरसम सोलेनम ट्यूबर सम सम, नम ट्यूबर सम, सोलेनम, ट्यूबर सम अब देखो कि एक ऐसी डिजिट बनाओ एक ऐसी डिजिट बताओ जो सोलह नंबर में जोड़ी जाए सोलह नंबर में जोड़ी जाए जिसे सोलह नंबर से जोड़ा जाए और फिर भी आंसर सोलह नंबर आए एक ऐसी नंबर बताओ जिसे मैं सोलह से जोड़ू जिसे मैं सोलह से जोड़ू तो इसे आंसर क्या आए कि सोलह आए तो ऐसी नंबर कौन सी होगी आलू अंडा जोड़ दो अंडे जैसा क्या होता है आलू अंडा जोड़ दो आलू आलू जोड़ दो सोलह प्लस जीरो सोलह सोलह में क्या नंबर जोड़ू जो सम करके सोले आए जीरो जोड़ दो जीरो मतलब आलू सोलेनम ट्यूबर सम कभी नहीं भूलोगे सोलेनम ट्यूबर सम दूसरी तरीके से कैसे याद कर सकते हो क्या आजकल ऐसे सोलह सत्रह चैनल है जो तुम्हें यूट्यूब पे आलू की सब्जी बनाना सिखाते हैं ऐसे सोलह सत्रह चैनल है जो यूट्यूब पे आलू की सब्जी बनाना चाह बनाना सिखाते हैं तो वहां से भी याद कर सकते हो आगे आ जाता अगला मैंगो 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 माने आम आम का बताइए आम फेरी वाला लेके आता है ना मैंगी ले लो मैंगी फेरा फेरी वाला क्या कहता है मैंगी फेरा इंडिका मैंगी फेरा इंडिका तो फेरी वाला लेके आता है और मैंगो नाम से बता देता है मैंगो की पत्नी मैंगी मैंगो की पत्नी मैंगी महंगी लेके फेरा इंडिका मेंगो को महंगी कह देता है मेंगो की पत्नी महंगी लेके आया हूं महंगी फेरा इंडिका महंगी फेरा इंडिका वाला तो यदि कोई ऐसे आवाज लगाए महंगी फेरा इंडिका वाला समझ लेना आम लेके आया है क्या लेके आया आम मुझे सब्जी बेचने की पूरी नॉलेज है तो मैं पता है बहुत ही तगड़ी आवाज लगाता था मैं सब्जी ले लो सब्जी पर मैं ऐसे नहीं बेचता था हमारे पास आ जाते थे मतलब इज्जत पूरी बरकरार थी पटेटो सोलेनम ट्यूबरसम ट्यूबर ट्यूबरसम सोलेनम सम।, सोले सम भाई साहब तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे कुछ भाई बहनों ने एग्जाम्पल वालों ने आग लगा रखी है ऐसे आग किसी पे कितना पैसा पचास मिलियन सौ मिलियन पांच सौ आदमी दुनिया भर के किसी ने तो पूरा भैया वो कोई कोई तो किसी ने बिल्कुल सफाट चट्ट मैदान बैठा रखे यूट्यूब पे जितना गंद फैलाना फैला दो जितना गंद फैला सकते हो बच्चों को और शिक्षक शिक्षा बांट रहे हैं वो लालची कहीं के कोई तो बिल्कुल एकदम लॉर्ड किलविस एकदम एकदम कोपर वो क्या नाम था उसका कार्निवस लॉर्ड कैनिंग पर तुम खुश रहो कि गांव से निकले कुछ मत वालों ने कुछ हिम्मत वालों ने कुछ मेहनत वालों ने टांग दिया यूट्यूब को सबकी शक्ति को नीचे लाके धर दिया कोर्स भी निकालते तो हजार से ऊपर निकालने में दम निकलता है तुम परेशान मत होना तुम मेहनत मत छोड़ना चट्टान से भिड़ जाएंगे तूफान से लड़ जाएंगे लेकिन ना पीछे हटेंगे ना तुम्हें पीछे हटने देंगे बस तुम मजबूती से एक पकड़ लो एग्जामपुर को बस दूसरा कुछ नहीं तुम्हें इस बार सफलता दिला के रहेंगे इस बात को याद रखना और ये बात जो रिजल्ट दे बच्चे से पूछ लेना कि सच बता कहां से पढ़ा था दिल से ईमानदारी से बता देगा एग्जामपुर इस बार रिजल्ट दे रहा है कभी आरआरबी में पांचवे चौथे छठे नंबर पे हुआ करते आज आरआरबी में नंबर वन एग्जामपुर नंबर वन यूपीएसआई में नंबर वन की रेगुलर क्लास देने में नंबर एसएससी टेक्निकल बिहार पुलिस सी टेट यूपी टेट रेगुलर क्लास देने में नंबर वन डिफेंस एनडीए एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप डी में नंबर वन और पीसीएस की भी शुरू कर दी जितना हो सकता है ना सिर्फ अपने दम पर तुम्हारे लिए उतना करेंगे बस तुम सपोर्ट की तरह खड़े रहो दिल में फिर भी तुम बसते थे आज भी झूठ बोलते नहीं है कि उसमें नंबर आया उसमें ये सीना तान के कहते तुम्हारे लिए नौकरी छोड़ी है हर सपने को त्याग सकते हैं सिर्फ तुम्हारे सपने आंखों में बसे आज सीना तान के झूठ बोल के नहीं कि मैं ये है और मैं ये हूं ये एग्जाम दूंगा और ये एग्जाम निकालूंगा सीना तान के नौकरी छोड़ी तब तुम्हारे पीछे मैंगी फेरा इंडिका ज्यादा हो गया थोड़ा चलो तो कम करता हूं पायरस मेलस पायरस मेलस इसे खाओगे तो तुम्हारे शरीर में कभी मैल नहीं आएगा और तुम्हारे शरीर पर कोई वायरस अटैक नहीं करेगा डॉक्टर भी कहता है कि तुम्हारे शरीर में कोई मैल नहीं घुसेगा और तुम्हारे शरीर पर कोई वायरस अटैक नहीं करेगा तुम्हारे शरीर पर कोई वायरस अटैक नहीं करेगा इस चीज को तुम डेली खाया करो इसको तुम डेली खाया करो तुम्हें कोई बीमारी नहीं लगेगी तुम्हारे शरीर पर कोई वायरस अटैक नहीं करेगा तो यह तो हो गया मैंगो और पायरस मेलस तुम्हारे शरीर पर कोई वायरस नहीं लगेगा यदि तुम डेली एक एप्पल खाओगे यदि तुम डेली एक सेब खाओगे क्या खाओगे सेब यदि तुम डेली एक सेब खाते हो तो कोई वायरस नहीं लगेगा पायरस और वायरस एक जैसा है शरीर में कोई मेल नहीं आएगा शरीर गंदा नहीं होगा मतलब अस्वस्थ नहीं होगा आगे आ जाता लिखूंगा वैज्ञानिक नाम तुरंत तो बता देना सिट्रस लिमोनियम सिट्रस लिमोनियम सिट्रस लिमोनियम सिट्रस, लिमोनियम। सिट्रस लिमोनियम। लिमोनियम तुरंत बताइए सिट्रस लिमोनियम आगे आ गया जाता है बच्चा कुकुमिस सटाइवस कुकुमिस सटाइवस कुकुमिस कुकुमिस सटाइवस कुकुमिस सटाइवस और बच्चा एक बार बस कहूंगा कि यदि अभी भी आपने हमारा तीन चार कोर्स चल रही एनटीपीसी ग्रुप डी का भी चल रहा है पर उसके अलावा एस एस जेई का स्टार्ट हुआ है दो हजार बीस के लिए और बच्चा एक यूपीएसआई का इंडिया का सबसे मोस्ट वांटेड कोर्स है ये और लक्ष्य एस एस सी दो हजार बीस सीपीओ सीजीएल सीएचएसएल के लिए यदि अभी तक आपने एक बार इनकी डेमो क्लास नहीं ली तो जरूर लीजिए एक बार इनका कंटेंट चेक कीजिए आपको ऐसा तो हो ही नहीं सकता है पसंद ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है पसंद ना आए चलिए बच्चा सिट्रस लिमोनियम कुकोमिस सेटिवस तो सिट्रस लेमन नाम में पता चल रहा है लेमन तो इसका नाम क्या हो जाएगा लेमन लेमन माने नींबू नाम क्या हो जाएगा लेमन या नींबू कुकुमिस सेटिबस सभी लोग सब्सक्राइब भी कर लेना आज रात में तुम्हें 2.5 मिलियन करके देने एग्जाम्पुर को ये तो मैं भूल ही जाता हूं तुम जिसे कुकुमिस करते हो यदि खाने में तुम्हें वो ना मिले तुम्हारा खाना पूरा सेट तब होता है जब तुम्हारे खाने में खीरा भी सलाद में शामिल होता है खीरा भी सलाद में शामिल होता है कुकुमिस कुकुम्बर खीरा यदि वो खीरा तुम्हारे उसमें ना हो सलाद में तो तुम मिस करते हो और खाना सेट नहीं लगता जब खीरे का सलाद आ जाता है तब तो तुम्हें लगता है मेरा पूरा खाना सेट है तब तो तुम बढ़िया से खाना खाते हो तो कुकुमिसकुमिस आगे आ गया जाता है बच्चा आगे आ गया जाता है मूसा पेरिडिसिकम मूसा पेरीडिसिकम पेरा डिसिकम, मूसा पेराडिसिकम पेरा पेराडिसिकम प्रसाद लिए बिना मत जाना मूसा पेरिडिसिकम, साइडियम गुआवा साइडियम गुआवा साइडियम गुआवा साइडियम गुआवा, गुआवाडियम गुआवा, चलिए मूसा पेराडिसिकम, याद रखिएगा मूसा माने बच्चा मूसा किसका यहां तो पूरा नाम है याद रखना पे मुस था, तब हमें चूहा बोला था यहां पे पूरा नाम है चूहा किसका वाहन होता है चूहा गणेश जी का वाहन होता है गणेश जी और यदि तुम्हें स्वर्ग जाना है पैराडाइज का मतलब क्या होता है स्वर्ग जाना है तो गणेश जी की पूजा करनी होगी गणेश जी की पूजा करनी होगी पूजा पाठ जब भी हमारे घर में होता है तो केले के पत्ते मंगाए जाते हैं ना केला के पत्ता याद करो जब भी हमारे घर में पैराडाइज का सा माहौल होता है हमें मूसा अर्थात हमें गणेश भगवान की पूजा करनी होती है विष्णु भगवान की पूजा होती है पैराडाइज में जाने के लिए मोक्ष में जाने के लिए पैराडाइज का मतलब होता है मोक्ष स्वर्ग में जाने के लिए तो हम पूजा पाठ करते हैं पूजा पाठ में किसके पत्ते मंगाते हैं केले के पत्ते मंगाते हैं किसके पत्ते, किस पत्ते मंगाते हैं केले के पत्ते और ये तो अमरूद है नाम में अमरूद आ गया गुआवा इसके तो नाम में अमरूद आ गया गुआवा इसके तो नाम में अमरूद आ गया बच्चा गुआवा नाम में क्या गया गुआवा चलिए बहुत अच्छे तो मूसा पेराडि कम यदि तुम्हें मोक्ष से कम कुछ भी नहीं चाहिए तो भैया मूसे भगवान की चूहो मतलब पूजा करो चूहे भगवान की पूजा करो स्वर्ग जाओगे पेराडाइस से कम कहीं नहीं मिलोगे सीधे मोक्ष स्वर्ग में जाओगे आगे आ गया जाता है मेरे दोस्त आगे आ गया जाता है सोलेनम लाइको सोलेनम हिंदी में लिख देता हूं पहले सोलेनम नम लाइको परसी, लाइको परसी एस्कुलेंटम लाइको एक नाम से बता दो इतनी बड़ी तो लिखने की जरूरत भी नहीं है सोलेनम सोलेनम नम लाइको लाइको परसिकॉम एस्क्यूलैंटम एस्क्यूलैंटम आप जानते हो एक ऐसा फल एक ऐसी सब्जी जिसका लाल रंग लाइकोपीन की वजह से होता है उसका जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है लाइकोपीन की वजह से होता है लाल रंग किसकी वजह से होता है भाईजान लाल रंग लाइकोपीन की वजह से होता है अलाइकोपीन सोले नंबर वो भी गोल होता है सोले नंबर जैसा पर सम नहीं आता उसमें सम नहीं करते क्योंकि वो लाइकोपीन पहले ही बता रहा है लाइकोपीन की वजह से मेरा रंग है आगे आ गया जाता है डॉकस कैरोटा डॉकस कैरोटा डॉकस कैरोटा डॉकस कैरोटा तुरंत बताइए बच्चा डॉकस कैरोटा डॉकस कैरोटा का बताइए एक बार फेसबुक व्हाट्सएप पे आगसी लगा दो बच्चा एक बार पेट्रोल सा छिड़क दो आहू आहू लिख के आ जाओ हर जगह अहू 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 लाइकोपिन में होता है टमाटर में होता है टोमेटो में होता है किस में होता है टोमेटो टमाटर डॉकस कैरोटा नाम सब्जी का ही फल सब्जी का नाम छुपा हुआ है डॉकस कैरोटा कैरोन जेना सोले नम मिलोन जेना सोले नम मिलोगे मिलो ना याद आया मिलोन जेना हम सुबह नौ बजे बहुत ही फनी होके पढ़ते हैं पूरे दिन की थकान नहीं होती यदि सुबह हंस लेता है आदमी तो सुबह साढ़े छह बजे और नौ बजे ऐसे समझ लो ये जीवन बूटी लेने आना है डेली डोकस कैरोटा सोले नम मिलोगे ना सोले नम मिलोगे ना मिलोगे ना मिलोगे ना।, मिलो ना देखो ऐसे याद कर लो मिलोगे ना जी ई ए को याद कर लो सोलेनम मिलोगे ना क्या नहीं मिलेगा आलू से बैंगन पूछ रहा है आलू से बैंगन पूछ रहा है क्या पूछ रहा है बैंगन सोलेनम मिलोगे ना आलू से बैंगन पूछ रहा है सोलेनम मिलोगे ना क्योंकि बैंगन को अकेले की सब्जी अच्छी नहीं लगती बैंगन आलू से पूछ रहा है सोलेनम मिलोगे ना क्योंकि सोलेनम ट्यूबरसम आपको याद है आलू होता है सोले में सम किया जीरो का सोले आ गया तो सोले नम से पूछ रहा है मिलोगे ना बैंगन एग प्लांट मिलोगे ना कैरोटा कैरोटा मतलब कैरट कैरोटा मतलब गाजर अरे गाजर को इंग्लिश में कैरट कहते हैं सी से कैट सी से कैरट गाजर को कैरट कहते हैं क्या कहते हैं और भाई साहब ऐसे तुमने कह दिन मिलोगे ना सोले ना मिलोगे ना भाई साहब मिल जाएगा आलू आलू हो या लालू मिल जाएगा एक बार बोल के देखना ऐसे इतनी प्यार से इतनी भावनाओं से सोले ना मिलोगे ना तुरंत दौड़ा दौड़ा मिलेगा दौड़ा दौड़ा मिलेगा चलिए तो सोले ना मिलोगे ना बैंगन डॉकस करोटा गाजर डोकस करेटो गाजर और अब तुम्हारा फेवरेट जागरण में बैठे हो यह पहले शर्त होती है कि जागरण में कुछ तुम आवाज नहीं करोगे सिर्फ मुंह से आवाज करोगे या तालियों से आवाज करोगे उसके अलावा तुम्हें ना आवाज करनी है ना कोई फुसफुसाहट करनी है क्योंकि मुझे तुम्हें पता है कि तुम्हारी नस नस में तुम्हारी नस नस में रेफा नुस भरा हुआ है रेफानुसाई बस और तुमसे तुमसे भाई साहब क्लास का मास्टर भी इतना परेशान था तुमसे क्या कहता था ओ मानुस रेफानुस सेटी बस ओ मानुस बस ओ मानुस बस रेफानुस सेटी बस 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 ना वो मत करना रेफिनस क्योंकि जब जब तुम मूली के परांठे खा लेते हो जब तुम मूली के परांठे खा के आते हो एकदम क्या आज तो पूरा जागरण मूली मूली कर दूंगा तो तुम्हारी नस नस में भर जाती है गैस फिर तुम कांड करते हो तो भाई साहब ये पहले से बता रहा हूं जागरण का ही नियम है अलिखित नियम कि मूली के खा के नहीं आना चाहिए नहीं तो रेफानुस और जागरण करने वाले कहने वाला बस ओ भाई रुक जा हमें पता है पूरा भरा है तेरे अंदर डायनामाइट का भी मिक्सचर उसी में भाई हम डर गए हमें माफ कर दे तो रेफानुस से रेफानुस वस रेफानुस से चलिए आगे आ जाता है बसेला एल्बा ओहो हो बसेला एल्बा याद आया कुछ बसेला एल्बा मेरे दिल में क्या बसेला तुम्हें पता है मेरे दिल में कौन सी सब्जी बसेला एल्बा तुझे तो दिल में पाल रखा है तू तो दिल में बसेला च्या माइला एल्बा तू तो दिल में बसेला बसेला का बता दो तुम्हें मैंने बहुत धांसू धांसू ट्रिक्स याद कराई हैं एल्बा तुझे तो दिल में पाल रखा है दिल में बसेला एल्बा तुरंत बता दो बसेला जिया मेज जिया मेज जिया धड़क धड़क जब तुम वो पिक्चर देखने जाते हो तो तुम साथ में क्या खाते हो जिया धड़क धड़क जिया मेज जिया मेज जब तुम वो पिक्चर देखने जाते हो जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क हाई तो वो कौन साहब फिल्म का टिकट साढ़े तीन सौ रुपए का और उसमें गिन के दो सौ दाने नहीं आते भाई सौ सवा सौ दाने आते होंगे और मक्का का दाना भाई वो सौ दाने एक दाना पांच रुपए का पड़ता है और पिक्चर में मक्के के दाने को पॉपकॉर्न नाम से खा लेते हैं बहुत भारी पड़ता है वो जिया जिया मेज, मेज, बसेला मैंने तो पाल रखा है पालक 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 को इंग्लिश में जो कहते हो तुम समझ लेना हमारी तरफ से क्या है पालक दिल में बसेला ए माइला एल्बा दिल में पाल रखा दिल में बसेला माइला, वो महाराष्ट्र में जैसे कहते हैं ना वो लोफर लोग जो कहते हैं जी मेज और जब भैया तुम जिया मेज मक्का खाते हो इसे मक्का कहते हैं क्या कहते हैं मक्का पॉपकॉर्न मेज इंग्लिश में एम आई जेड ए जब तुम जिया पिक्चर देखते हुए जिया धड़क धड़क मजे ले रहे थे ना जिया मेज मजे ले रहे थे भाई साहब मक्के के दाने थे जिनसे तुम मजे ले रहे थे उसे तुम पॉपकॉर्न समझ रहे थे पर वो सच्चे में मक्का का दाना कुकड़ी हमारे यहां से कुकड़ी पांच सौ रुपए की कुकड़ी खा गए एक कुकड़ी पांच रुपए की भी नहीं आती तुम उसे पांच सौ रुपए में खा गए मजे मजे के चक्कर में जिया जिया धड़क धड़क देखने के चक्कर में थोड़ा भाई साहब कोर्स लेने की बात कर दी ना मैंने नौ सौ निन्यानवे की तो एकदम ऐसे लगेगा जैसे कहते तो ब्रह्मास्त्र तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया अब ना बचोगे और भाई साहब जिया के चक्कर में जी वो जिया धड़क धड़क के चक्कर में पूरे पांच सौ रुपए के मजे ले आओगे साढ़े तीन सौ रुपए साढ़े तीन सौ दोनों के सात सौ पांच सौ बारह सौ रुपए आने जाने का खर्चा अलग और वो भी उधार मांग के चलिए आगे आ जाता है ओरिजा सेटिवा ओरी जा मम्मी भूख लग रही है ओरी जा सेटी वा, जा ओरी जा बहुत भूख लग रही है नहीं कहते कभी कभी घर में निर्मल ओरी मम्मी जा चावल लेके आ भूख लग रही है क्या लेकर आ चावल लेकर आ ओरी बहन ओरी छोरी जा सेटी वा, टीवी के में बैठी है या भूख लग रही है टीवी देख रही है भूख लग रही है ओरिजा चावल लेके आ राइस राइस की जो सबसे ज्यादा क्वालिटी भारत में उगाई जाती है ओरिजा सटाइवा ओरिजा सटाइवा चलिए ओरिजा सटाइवा और ओलिजा ग्लेबेसिमा करके है तो हम ओरिजा सटाइवा याद कर लेते हैं चावल ओरिजा ओ बहन टीवी से हट जा जा चावल ले बहुत भूख लगे बहन ऐसे कहते हैं ना अपनी सिस्टर से जब वो टीवी देख रही होती है हमें भूख लग रही होती है बहन तब तो वो हमें साक्षात देवी का रूप हो जाती है जब हमें कुछ काम कराना होता है बहन लोगों से बहन और बहन और जाना और ही जा। टीवी मत देखें बहन टीवी के आगे हाथ खड़े हो जाएंगे चावल लेके नहीं आएंगे उसे आधा घंटा लग जाए वो टीवी छोड़ने में मगर भाई साहब चावल उसी के हाथ के खाने ऐसे होते हैं बहन भाई का प्यार चलिए ट्रिटिकम एचटीवम आज मैं तुम्हें बहुत ज्ञान नहीं दे रहा पढ़ाते पढ़ाते ट्रिटिकम एचटीवम ट्रिटिकम एचटीवम ट्रिटिकम एचटीवम बताइए फटाफट ट्रिटिकम एस्टी वम ट्रीटिकम एस्टिवम आगे आ जाता है करकुमा करकुमा लौंगा करकुमा लौंगा करकुमा करकुमा लौंगा करकुमा कुमा लौंगा करकुमा लौंगा ओरिजा सटाईवा चावल करकुमा लौंगा ट्रिटिकम एस्टिवम ट्रिटिकम एस्टिवम बहुत अच्छे एलियम सेटिवम एलियम सीपा वो होता है वहां प्याज सीता सिपा सीता मैया बहुत रोती थी ना ऐसे याद। एलियम सेटिवम एलियम सेटिवम यहां पे भी एलियम आ गया एलियम सेटीवम चलिए ट्रिटिकम एक बार हमारे यहां पर जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था हरित क्रांति तब गेहूं खाने की कमी पड़ गई थी तो हमने एक अमेरिका से ट्रीटी की ट्रीटी माने क्या होती है संधि और तब हमने अमेरिका से गेहूं मंगाई तो ट्रीटी माने संधि करके हमारे यहां पर कम पड़ गए गे थे गेहूं तो ट्रीटी कम पड़ गए गे थे गेहूं तो हमने कहां से मंगवाए अमेरिका से एस वम तो ये क्या हो गया वीट इसे मैक्सिकन ड्वार्फ वीट भी बोलते हैं जिसे भारत में मैक्सिकन ड्वार्फ वीट जिसे डॉक्टर नॉर्मन बार्लो लेकर आए थे पूरी दुनिया में हरित क्रांति के जनक याद है ना डॉक्टर नॉर्मन बोर्लो इसी को लेकर आए थे अपने यहां से डॉक्टर नॉर्मन बार्लो कौन सा मैक्सिकम मैक्सिकन छोटा पौधा वीट का बोना मैक्सिकन वीट तो जब हमारे पर गेहूं कम पड़ गया अमेरिका से संधि करी ट्रीटी कम पड़ने पर ट्रीटी तब बम हुआ तब क्या आया गेहूं आया तब क्या बच्चा गेहूं वीट ट्रीटिकम एस्टिबम करकुमा आपको पता है मेरे दोस्त कि जो हल्दी होती है उसे करक्यूमिन बोलते हैं क्या बोलते हैं हल्दी को अरे मुझे आपको एक सरप्राइज भी देना बता देना हल्दी के अंदर एक करक्यूमिन नाम का कंपाउंड होता है जिसकी वजह से आप जानते हो कि हल्दी का दूध पीने से आयु लंबी हो जाती है कहते ना हाई हल्दी का दूध पियोगे तो लंबे टिकोगे हल्दी का दूध पियोगे तो लंबे टिकोगे दुनिया में ज्यादा दिन तक बोझ बनकर रहोगे हल्दी का दूध पियोगे दुनिया में ज्यादा दिन तक बोझ बनकर रहोगे लंबे टिकोगे तो कर कुमा किसी को चोट लग जाए कोमा में चला जाए फिर वो जागे उसको हल्दी का दूध पिलाओ जल्दी ठीक हो जाएगा कर कुमा लोंगा, इसका नाम क्या हो जाएगा हल्दी ओ हल्दी क्या नाम हो जाएगा उसका हल्दी करक्यूमा लौंगा क्या नाम हो जाएगा बच्चा इसका हल्दी चलिए एलियम सेटिवम इसके बिना सब्जी सेट नहीं होती ज्यादातर सब्जी में डलता है एलियम सीपा तो प्याज हो गया और प्याज के अलावा एक और चीज क्या होती है लहसन क्या होता है लहसुन गार्लिक गार्लिक एलियम सेटिवम एलियम सेटी वन चलिए आगे आ जाता है मेरे दोस्त पाइपर निग्रुम क्या जाता है पाइपर नीग्रूम क्या जाता है पाइपर नीग्रूम पाइपर निग्रूम पाइपर निग्रूम चलिए बताइए नीग्रुम पाइपर निग्रूम आगे आ जाता है सर्जियम एरोमेटिकम सर्जियम एरोमेटिकम सर्जियम बेटा 20 क्लास का याद कर रहे हो जो मैंने 20 घंटे में कराया है थोड़ा तो टाइम लगेगा ना सर्जियम और इसके अलावा आपको एक मिनट देने की जरूरत नहीं है और कभी खुद से करके देखना 10 घंटे में भी याद नहीं होंगे भूलते रहोगे अब नहीं भूलोगे सर्जियम एरोमेटिकम सर्जियम एरोमेटिकम तुरंत बताइए बच्चा सर्जियम एरोमेटिकम तो लसन हो गया एलियम सेटिवम एलियम सीपा प्याज और एलियम सेटिवम लसन पाइपर नीगुरुम ब्लैक पेपर भी बोलते हैं इसको काली मिर्च ब्लैक पीपर विदेशों में पहले से यवन प्रिय बोला जाता था रोम में बहुत प्लेयर प्रिय होती थी रोमन एंपायर में ब्लैक पीपर या काली मिर्च ब्लैक पेपर या काली मिर्च पेपर ब्लैक पेपर यहां से याद हो सकते हो नीग्रूम बहुत ही ज्यादा गर्म होती है किसी ने आपको ब्लैक पीपर बोले काली मिर्च खाओ तो आप आपके नी 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 बहुत ही गर्म होती है नी मैं नहीं खाऊंगा नी गर्म बहुत गर्म होती है ब्लैक पेपर काली मिर्च क्या होती है बच्चा बहुत ही ज्यादा गर्म होती है गर्म होती है चलिए आगे आ जाते सर्जियम एरोमेटिकम सर्जियम एरोमेटिकम ये होता है बच्चा लौंग क्या होता है लौंग, होता है? लौंग। किलोव जिसे लौंग भी बोलते हैं लौंग नहीं होते लौंग सरजियम लौंग और एरोमेटिकम तो लौंग से खुशबू आती है ना एरोमेट का मतलब होता है खुशबू एरोमा और सर जी गम सर जी को गमे है। क्या है सर जी को एक लंबा गमे लोंग समय से गमे एक बात याद रखिएगा बच्चा एक बात याद रखिएगा अभी मैंने आपको एक छोटे दि, थोड़ी देर पहले एक दूसरा वैज्ञानिक नाम याद कराया था करकुमा लौंगा कन्फ्यूजन मत होना करकुमा तो करक्यूमिन होता है हल्दी में हल्दी में क्या होता है लंबे समय तक कोई व्यक्ति कोमा में चला गया हो बाहर निकाल देता है तुम्हें धरती पर लंबे समय तक टिकने में मदद करेगी हर काम में लंबे समय तक हल्दी वाला दूध पिया करो अक्सर तुमने हल्दी वाला दूध जो एक्सीडेंट uh, वगैरह के मरीज होते हैं उन्हें लेता देखा होगा और क्लोब में तो नाम इसका लॉन्ग लौंग है लौंगा नहीं है लॉन्ग। तो जब तुम्हें लॉन्ग समय से क्या होता है सर्जी को बहुत लंबे समय से गम है सर्जी को बहुत लंबे लॉन्ग समय से लॉन्ग लंबे समय से गम है सर्जियम, सर जी सर चलिए सरजियम तो बहुत लंबे समय तक सर्जी को क्या है आगे है आगे आ जाता है कोरिएंड्रम सेटिवम कोरिएंड्रम 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 सेटिवम कोरिएंड्रम बच्चा सेटिवम कोरिएंड्रम सेटिवम कोरिएंड्रम सेटिवम तुरंत बताइए कोरिएंड्रम सेटिवम नाम में ही छुपा हुआ है मसाले का नाम नाम में ब्रेसिका ओले रेशिया ब्रेसिका ओले रेशिया ओलेरेसिया ब्रेसिका ओले रेशिया ब्रेसिका ओले ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका ओलेरेसिया। चलिए तुरंत बोली आहू 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 आधी रात होने वाली है और बता दो आधी रात के अंधेरे को किसी के लिए आधी रात हो रही है और किसी के लिए अगले दिन की सुबह क्योंकि रात 12 बजे से अगला दिन भी सुबह होता है याद है ना आपको रात 12 बजे से अगले दिन की सुबह भी होती है तो कोरिएंडर माने क्या होता है धनिया कोरिएंडरम सब्जी सेट करने के लिए क्या मिलाया जाता है धनिया मिलाया जाता है कोरिएंडर मिलाया जाता है धनिया क्या मिलाया जाता है धनिया क्या मिलाया जाता है धनिया और ब्रेसिका ओलेरेसिया भाई मेरी फेवरेट सब्जी क्या है तुम जानते हो मेरी फेवरेट सब्जी आलू गोभी मेरी फेवरेट सब्जी क्या फूल गोभी आलू फूल गोभी कॉलीफ्लावर और जब मैंने रेस मारी होगी पिछले साल मैंने रेस की तैयारी की थी और यदि तुम रेस मारोगे रेस मार क्या हो तो मम्मी तुम्हारे लिए क्या बनाएंगी तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनाएंगी आपकी मम्मी आपके लिए क्या बनाएंगी सोचो आपकी मम्मी आपके लिए क्या मिलाएंगी तुरंत बताओ आपकी मम्मी आपके लिए क्या बनाएंगी आपकी फेवरेट सब्जी जैसे मेरी सब्जी क्या थी मेरी सब्जी थी फूल गोभी तो जब मैं रेस मार के आया ओले ओले मैंने मार दी रेस ओले ओले तो मम्मी ने क्या बनाई गोभी बना के खिलाई आलू गोभी कि बेटा ने रेस मार दी ओले रेसिया ब्रेसी का ओले रेसिया जबकि मैं में से सबसे कमजोर हो सकता हूं शरीर के मुकाबले लेकिन मैंने रेस मारी सिर्फ हौसले के बल पर सोच लिया था दिल तो फटेगा लेकिन रेस ना मारने पर जो फटता उससे ज्यादा रेस मारते हुए फटने में कोई गम नहीं है पैर को रुकने नहीं दिया पंद्रह दिन की तैयारी में मात्र पांच किलोमीटर की दो तो मैं तुमसे कहता हूं एक दिन की तैयारी में भी मार सकते हो अरे दिल फट जाएगा फट जाने दो जब तुम इस एटीट्यूड से भिड़ जाते हो ना जो होगा देखा जाएगा कोई तुम्हें पीछे नहीं खींच सकता भगवान भी नहीं याद रखिएगा ब्रेसिका ओलेरेसिया एक तुम्हारी ऑफिस में चाय रह गई जिंजर जिंजर अर्थात अदरक जिंजर अर्थात अदरक जिंजर अर्थात अदरक तो देखिए जब तुम आते हो कहा ऑफिस तो ऑफिसी नाले ऑफिसी नाले जिंजी बार जिंजी बार ऑफिसी नाले अब देखो ऑफिस ही नाले अब मैं तुम्हें कैसे याद करा रहा हूं मान लो कि तुम ऑफिस बहुत जाते हो ऑफिस ही ऑफिस रहते हो अब तुम्हारी बीवी है घर पे वो तुम्हें अब तुम ऑफिस ज्यादा बिजी रहने लगे उसने उसने तुम्हें जिंजर जिंजी यहां से याद कर लोगे तुम्हें अदरक वाली चाय देना बंद कर दिया तुम्हें चाय देना ही बंद कर दिया अब मान लो तुम्हारी बीबी की बहन और आ गई तो बोली तुम्हारी बीबी ने तुम्हारे उस अपनी बहन से चर्चा की तो वो तो माहौल ही कुछ अलग बन जाता है तुम्हारे लिए जैसे मैंने सुना है ऐसा कुछ होता है तो जब तुमसे चर्चा की तो तुमसे उसने बीबी ने कहा बहुत बाहर रहते हैं बहुत ज्यादा बाहर रहते हैं ऑफिस ऑफिस का बहाना बनाते तो उसने क्या सलाह जी 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 वो छोटी बहन बड़ी को जी जी बोलती है ना जी जी बाहर रहते हैं तो चाय भी कह दो ऑफिस में पी लिया करें जी जी बाहर रहते हैं ना तो चाय अदरक वाली चाय ऑफिस में पी लिया करें जी जी बाहर रहते हैं तो अदरक वाली चाय ऑफिस में पी लिया करें छोटी बहन ने बड़ी बहन को ज्ञान दिया तो जिंजर जिंजी जिंजी जी जी अगर हिंदी बहन आए तो जी जी रात का लेना जी जी ऑफिस में ही ऑफिस बाहर रहते हैं ना पूरे दिन ऑफिस और जी, जी तो पूरे दिन ऑफिस बाहर रहे जी जी तो आते ही ना ऐसे करके याद रख लेना जिन जी भर ऑफिस ना ले देखो कैसे एकदम बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब ट्रेन में सफार हो सफर हो गया बिल्कुल ऐसे सोच लिया आज तो ऐसा ही एन बन गया अब तो कुछ है ही ना अब तो जी 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 जा, सब बनना है मुझे सुन लो नौकरी लगा लो तभी होगा ये सब ये पहले कंडीशन अप्लाइड है पहले याद रख लेना झिझीवर ऑफिस नाले ऑफिस नाले चलिए आगे आ जाता है बच्चा आगे आ जाता है ओसीमम टेन्यू फ्लोरम ओसीमम ओसीमम टेन्यू फ्लोरम टेन्यू फिलोरम ते, घर वाले कहेंगे पागल हो गया लड़का लड़की और ये मास्टर कोई सुन रहे होंगे ना घर वाले तो मुझे बहुत बोले ऐसे मास्टर से पढ़ता है तो मैं क्या शिक्षा देता है पर वो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए अंकल आंटी ऐसा करना पड़ता है ये तुम्हारी जो संतान है ये बहुत ही खतरनाक लेवल की संतान है इन्हें इन्हें तो बाबू भैया पढ़ाने के लिए भी इने मक्खन से तलना पड़ता है अगर इन्हें बचपन से आप धो देते इन पे कोहनी और घुटनों से इनकी हड्डियों को पानी बना देते तो ये सब मुझे ना करना पड़ता तो जो आपने ना किया वो मैं कर रहा हूं अब मैं मार तो सकता नहीं हूं तो मैंने ऐसे बाबू भैया ऐसे ही ने वो कर करके मनाऊंगा क्या करूंगा तभी तो ये पढ़ेंगे पर काम में तुम्हारे कर रहा हूं जो आप लोग बचपन में कर देते कि जब ये स्कूल के बहाने बाहर जाते थे इनकी गिराके और, और लड़कों को तो ऐसे गिराके और कोहनियों से और लड़कियों के पकड़ते बालर, दो बार खोपड़ी सर में मारते छोरी पढ़ ले पुलिस वाली बनना तुझे तो भाई साहब ये सब मुझे थोड़ी ना करना पड़ता मैं तो आप ही का काम कर रहा हूं ओसी मम एक ऐसा पौधा जिसे मम्मी कहा जाता है माता हे hey, माता मुझे कुछ नहीं आता फिर भी मुझे फिर भी मैं चाहता कि मैं एनटीपीसी में जाना चाहता माता मुझे कुछ नहीं आता माता पे फ्लोवर लग रहे हैं फ्लॉवर मतलब वो कोई प्लांट है फ्लोरी मम मम ओरी माता ओसी माता ओसी माता मुझे कुछ नहीं आता फिर भी मैं एनटीपीसी में जाना चाहता ऐसी आप प्रेयर करोगे ऐसी आप प्रार्थना करोगे तो एक ही माता है जो तुम्हारी ये प्रार्थना सुनेंगी तुलसी माता कौन सा पौधा है तुलसी माता ओसी मम तेन फ्लोरम ओसी माता तेनु तेनु प्रसाद प्रसाद चढ़ा दूंगा लेट लेट क्या होगा बस ओसी माता मैं एनटीपीसी में जाना चाहता पर मुझे कुछ ना आता तो भाई साहब इस माता के सामने तुम प्रार्थना कर लो तुम्हारी प्रार्थना पूरी हो जाएगी ओसीम टेनोरम यो एक ही ऐसा पौधा है जिसमें मम्मी लगा हुआ है माता वाह विवेक वाह वाह का काबिल आदमी है वाह 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 वा विवेक वाह धुआं धुआं वाह <laughs> क्या शिक्षा दे रहा हूं मैं तुम्हें क्या शिक्षा दे रहा हूं चलो चलो बच्चा तो इस तरीके से आपको ये बहुत ज्यादा तो ये तो बहुत ही जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण थे यह तो आपको याद हो गए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण तो याद हो गए अब दिन कर ले अब यदि तुम चाहो तो दिन कर ले बताओ फटाफट भड़। यदि तुम दिन कर ले दिन कर लें दिन तुरंत बताओ दिन बारह बज गए पहले तो सब लोग जोर से आहू आहू कर दो आहू 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 सब लिखोगे आहू 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 सब लिख के बताओ आहू 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 और थोड़ा सा पानी और पी लेते पानी दूसरा देखाल कैसे ठंडा हो आप ऐसे लग रहे हैं जैसे भाई साहब मारुति एट हंड्रेड टम्पू होता है ना टम्पू तुमने वो टम्पू देखा है वो उसका आगे को मुंह ऐसा लगा रहता दो और दो पैर उसके ऐसे होते हैं ऐसे और इतना लंबा सा मुंह होता है उसका पूरी बस के बराबर सवारी बैठ जाती है ऐसे होता उसका मुंह है दो पैर इधर होते हैं आगे इधर होता खड़ 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 कर चल के चल उसकी सफाई करी आहु कर दो तुरंत तभी फिर मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा भगवान करे तुम्हारा ब्याह हो जाए भगवान करे तुम्हारा ब्याह हो जाए बढ़िया से और बढ़िया से तुम लोग बढ़िया से तुम लोग कुछ धांसू कर रहे हो बहुत बहुत और आज अनुसर का हमारे प्रिय अनुसर का बर्थडे भी है उन्हें बर्थडे भी विश कर दो हैप्पी बर्थडे अनुसर हैप्पी बर्थडे टू यू अनुसर हैप्पी बर्थडे टू यू मेनी मोर फ्रेंड्स टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू चलिए स्टार्ट करते दिन जनवरी के दिन एक बार जनवरी से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मुझे रोने वाले हो तो मुझे दिख रहा है मई पांच महीने के दिवस और याद कर लेते हैं पांच महीने के दिवस और याद कर लेते हैं ये नौ बजे क्लास होती है डेली अमृत क्लास है ये अमृत जीवन अमृत क्लास संजीवनी बूटी क्लास विवेक एक्सप्रेस साढ़े छह बजे करंट बहुत तुमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म करे होंगे तो क्लास तुम जरूर लोगे और यदि तुमने पिछले जन्म में भी बुरे करे तो इस क्लास को छोड़कर तुम इस जन्म में भी बुरे कर्म कर रहे हो बुरे कर्म का फल बुरा होता है याद है ना जोसेफ ब्रह्मा जोसेफ ब्रह्मा ने हमें क्या दिया था जोसेफ ब्रह्मा ने हमें दिया था हाइड्रोलिक प्रेस हम पे प्रेशर रहता है कि हम अच्छे कर्म करें तो जैसा तुमने पिछले जन्म में करा कोई बात नहीं इस जन्म में कुछ अच्छे काम कर लो एग्जामपुर से पढ़ लो भाई साहब चलिए आगे आ गया जाता बच्चा जनवरी के इंपॉर्टेंट दिवस जनवरी के इंपॉर्टेंट दिवस जनवरी के इंपॉर्टेंट दिवस तुरंत तुरंत बताओ चार जनवरी चार जनवरी नौ जनवरी दस जनवरी बारह जनवरी पंद्रह जनवरी नौ जनवरी दस जनवरी चार जनवरी नौ जनवरी दस जनवरी बारह जनवरी फटाफट से बताना बहुत अच्छे चौबीस जनवरी पच्चीस जनवरी 24 जनवरी 25 जनवरी 27 जनवरी 24 जनवरी 25 जनवरी 27 जनवरी 24 जनवरी 25 जनवरी 27 जनवरी ब्रेल दिवस ब्रेल दिवस लुईस ब्रेल फ्रांस के थे लुइस ब्रेल साहब कहां के थे फ्रांस के याद रखिएगा जो इन्होंने इन्होंने ब्लाइंड लोगों के लिए ब्लाइंड लोगों के लिए ब्रेल लिपि का विस्कार किया था जिस जो छह डॉट से मिलकर बनी है कितने डॉट से डॉट से मिलकर बनी है शाबाश। नौ जनवरी को गांधी जी अफ्रीका से लौटे प्रवासी भारतीय दिवस इस बार की थीम थी नया भारत बनाने में प्रवासियों का योगदान नया भारत बनाने में प्रवासियों का योगदान गांधी जी कहां से लौटे थे गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे किसके बुलावे पर यह आप बताओगे और इस बार 2019 में कहां पे मनाया गया था वाराणसी हर दो साल बाद मनाया जाता है और मॉरिसस के प्रधानमंत्री प्रवेंद्र जगुनाथ इसमें चीफ गेस्ट थे 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस वर्ल्ड हिंदी डे वर्ल्ड हिंदी डे विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे आज ही के दिन 1975 में पहली अंतरराष्ट्रीय हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी चार जनवरी ब्रेल नौ जनवरी देखो ब्रेल दिवस चारों तरफ कुछ भी याद नहीं रहता कुछ भी दिखाई नहीं देता ब्रेल ब्लाइंड लोगों के लिए ब्रेल लिपि नौ जनवरी प्रवासी भारतीय दस जनवरी विश्व हिंदी बारह जनवरी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद जिनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था इनके जन्म तिथि के याद में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है क्या मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस पंद्रह जनवरी आर्मी डे पंद्रह जनवरी थल सेना दिवस आज ही के दिन जनरल बुचर से भारतीय सेना की कमान पहले भारतीय आर्मी चीफ जनरल बताइए पहले भारतीय आर्मी चीफ क्या था इनका नाम के एम करियप्पा जनरल के एम करियप्पा आज ही के दिन 15 जनवरी उन्नीस को पहले भारतीय थल सेना चीफ बने थे जनरल के एम करियप्पा और 2019 में जो आर्मी की परेड हुई है उसका नेतृत्व भावना कस्तूरी ने किया है किसने किया है भावना कस्तूरी 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे राष्ट्रीय बालिका दिवस देखिए 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है जबकि 11 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस होता है 11 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस 25 जनवरी वोटर्स डे मतदाता दिवस मतदाता दिवस मत इसी दिन 25 जनवरी इसी दिन 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ था और सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने थे सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने थे जबकि पहली महिला चुनाव आयुक्त प्रथम महिला चुनाव आयुक्त वी एस रामा देवी वी एस रामा देवी क्वेश्चन अभी तीस और एक तारीख को पेपर हुआ था यूपी ट्रिपल एस चकबंदी अधिकारी बहुत बड़ी पोस्ट होती है बहुत बड़ी पोस्ट उसमें आया था होलो कास्ट रिमेम्बरेंस डे पूछा था होलो कास्ट किन किस देश के संबंध में आता है तो होलो कास्ट होती है कि जो जर्मनी की नाजी सेना ने जर्मनी की नाजी सेना ने यहूदियों का कत्लेआम किया था यहूदियों का कत्लेआम तो होलो कास्ट डे उसमें मनाते बच्चा किसका कत्लेआम किया था यहूदियों का कत्लेआम 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी होता है अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी होता है अंतरराष्ट्रीय तो बेटी शिक्षा लेके अगली साल देखना एक्साइज इंस्पेक्टर बनेगी अगली साल मतलब अगले महीने 24 फरवरी को देखना अभी तुम तो, एक्साइज इंस्पेक्टर बनेगी तो ये जनवरी के क्लियर हो गए जनवरी के क्लियर हो गए एक बार फिर से बता दो जनवरी के क्लियर हो गए हो तो चलिए बच्चा अब आ जाते हैं फरवरी क्या जाता है फरवरी चार फरवरी पहले क्या बताइए चार फरवरी बहुत अच्छे पहले क्या बताइए चार फरवरी उसके बाद में आ जाता है बच्चा दस फरवरी ग्यारह फरवरी तेरह फरवरी दस फरवरी ग्यारह फरवरी तेरह फरवरी दस फरवरी ग्यारह फरवरी तेरह फरवरी बहुत अच्छे वेरी गुड शाबाश एक फरवरी दो फरवरी भी कर लेना एक फरवरी दो फरवरी बारह फरवरी अब चलते हैं एक फरवरी जब भी कोई आतंकवादी समुद्र से भारत पर हमला करता है तो पहली जिम्मेदारी कोस्ट गार्ड की होती है तो कोस्ट गार्ड डे यह कौन सा दिवस होता है कोस्ट गार्ड डे कौन सा दिवस होता है बच्चा कोस्ट गार्ड डे कोस्ट गार्ड यह हमारी तटरक्षक बल होता है इसको तटरक्षक बल भी कहते हैं दो फरवरी उन्नीस के दिन ईरान में एक जगह है रामसर वहां पे आर्द्र भूमियों की सुरक्षा के लिए एक सम्मेलन हुआ था उसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं तो आर्द्र भूमि दिवस दो फरवरी क्या होता है वेटलैंड्स डे या आर्द्र भूमि दिवस वो 2019 की थीम है 2019 की थीम है बच्चा बहुत अच्छे क्लाइमेट एंड क्लाइमेट एंड वेटलैंड्स जलवायु एवं आर्द्र भूमि जलवायु एवं आर्द्र भूमि देखा कितना चढ़ गया एलर्जी करती है बहुत ज्यादा चार फरवरी कैंसर डे बच्चा चार जनवरी को क्या होता है ब्रेल और चार फरवरी को कैंसर कैंसर डे इस बार की थीम थी आई एम एंड आई विल कैंसर की स्टडी को ऑंकोलॉजी कहा जाता है मैं सब करवाता चलता हूं दस जनवरी को विश्व हिंदी और विश्व हिंदी में खाते हैं हिंद में भारत में खाते हैं दाल विश्व दलहन दिवस एक और एक ग्यारह महिला और बच्चियां विज्ञान के क्षेत्र में यूनाइटेड नेशंस का अंतरराष्ट्रीय दिवस होता है महिला एवं बालिका विज्ञान के क्षेत्र में एक और एक मतलब साथ साथ वूमेन एंड गर्ल वूमेन एंड गर्ल इन साइंस वुमेन एंड गर्ल इन साइंस वुमेन एंड गर्ल इन साइंस तेरह फरवरी तेरी मेरी कहानी फरवरी से हो गई शुरू वो तो गाना आया था ना तेरी मेरी कहानी तो रेडियो डे रेडियो दिवस रेडियो दिवस रेडियो दिवस बहुत ही शानदार रेडियो दिवस 12 फरवरी को चार्ल्स डार्विन का बर्थडे चार्ल्स डार्विन, जिसने किताब लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज क्या किताब लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की किताब लिखी थी जिसमें बताया था एवोल्यूशन के बारे में तो एक फरवरी कोस्ट गार्ड दो फरवरी आद्र चार फरवरी हो जाता है कैंसर दस फरवरी दलहन ग्यारह फरवरी महिला एवं विज्ञान विज्ञान महिला एवं बालिका विज्ञान में तेरह फरवरी रेडियो बारह फरवरी हो जाता है चार्ज का बर्थडे तेरह फरवरी रेडियो की थीम बताओ रेडियो डे की थीम रेडियो डे की थीम बताइए चलिए उसके बाद में आ जाता है तेरह फरवरी के बाद में कुछ नहीं होता तो इक्कीस फरवरी फिर आ जाता आपका बाईस चौबीस सत्ताईस बाईस फरवरी चौबीस फरवरी में बेटी एक्साइज इंस्पेक्टर बनेगी सत्ताईस फरवरी इक्कीस बाईस चौबीस सत्ताईस अट्ठाईस फरवरी बहुत से आप लोग भूल गए होंगे, डेली डेली ने एक एक बार लिख के देखना इक्कीस बाईस चौबीस सत्ताईस अट्ठाईस बिल्कुल सही एक बीस फरवरी भी है एक बीस फरवरी भी है बीस फरवरी तो बीस फरवरी को होती है सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय दिवस सोशल जस्टिस डे और इस बार की थीम थी इफ यू वांट पीस एंड डेवलपमेंट वर्क फॉर सोशल जस्टिस यदि आप शांति और विकास चाहते हैं, तो सामाजिक न्याय के लिए काम करें 21 फरवरी हमारे संविधान 22 मान भाषाओं को मान्यता देता है एक कम कर लीजिए इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस अंतरराष्ट्रीय इंडीजीनियस लैंग्वेज डे इंडीजीनियस लैंग्वेज डे मातृभाषा दिवस इस बार की थीम थी मातृभाषा एवं शांति समझौते के महत्वपूर्ण तो है समझौते के लिए महत्वपूर्ण तो है 22 फरवरी वर्ल्ड स्काउट डे जैसे एनसीसी होता है ऐसे स्काउट होता है वर्ल्ड स्काउट डे वर्ल्ड स्काउट डे 24 फरवरी राष्ट्रीय एक्साइज दिवस इंडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय एक्साइज दिवस नेशनल एक्साइज डे नेशनल एक्साइज डे 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे 1928 में इसी दिन 28 फरवरी को रमन इफेक्ट की खोज हुई थी और रमन स्केटरिंग के लिए सीवी रमन को 1930 में नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स का तो 20 फरवरी सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय 21 को मातृभाषा 22 को स्काउट 24 को नेशनल एक्साइज देखो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस था 24 जनवरी को और बच्ची को यदि आपने सहारा दिया तो वो एक्साइज इंस्पेक्टर बनेगी अगले महीने 24 फरवरी में ऐसे याद कर लेना 27 फरवरी विश्व सतत ऊर्जा दिवस वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी डे विश्व सतत ऊर्जा दिवस वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी डे वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी डे वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी डे बहुत अच्छे वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी डे वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी डे चलिए बच्चा फरवरी के हो गए आ जाती हैं मार्च पर एक मार्च जब हम सब लोग एक साथ मार्च करते हैं जब हम कोई रैली करते हैं तो क्या हमें कोई भेदभाव होता है एक मार्च हमारी नंबर वन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए एक साथ मार्च करते हुए बिल्कुल सही तुरंत कर लोगे तीन मार्च चार मार्च आठ मार्च तीन मार्च अब तो कुछ कुछ याद रहेगा आपको चार मार्च चार मार्च आठ मार्च एट मार्च तो कभी भूल ही नहीं सकते एट मार्च तो कभी आप भूल ही नहीं सकते बहुत अच्छे दस मार्च दस मार्च मार्च का सेकंड, मार्च का दस मार्च मार्च का सेकंड वेडनेसडे, सेकंड बुधवार जब तुम्हें स्मोकिंग से सुधबुद नहीं रहती और मार्च का मार्च का दूसरा गुरुवार जब तुम्हारे गुरुजी ने क्या वारदी तुम पे मार्च का दूसरा गुरुवार याद सेकंड थर्सडे एक मार्च को होता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन जीरो डिस्क्रिमिनेशन शून्य भेदभाव दिवस शून्य भेदभाव दिवस सब लोग बराबर हैं धर्म जाति लिंग उद्भव के किसी भी तरीके का कोई भेदभाव मत करो सब एक साथ रैली में मार्च करते कोई भेदभाव नहीं होता जीरो डिस्क्रिमिनेशन एक मार्च को नेशनल नेशनल सिविल वर्ल्ड सिविल सेफ्टी वर्ल्ड सिविल सेफ्टी डे सिविल सेफ्टी डे मतलब सिविल सुरक्षा दिवस सिविल सुरक्षा दिवस यह पुलिस के अलावा जो सुरक्षा होती है और इसकी थीम थी चिल्ड्रन सेफ्टी अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की सेफ्टी हमारी नंबर वन जिम्मेदारी होनी चाहिए तीन मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे विश्व वाइल्ड लाइफ दिवस चार मार्च यहां पे सिविल सेफ्टी है अंतरराष्ट्रीय यहां पे नेशनल सेफ्टी है नेशनल सेफ्टी काउंसिल खुली थी राष्ट्रीय सुरक्षा जो कि मजदूर मंत्रालय के अंदर काम करती है चार जनवरी को आपने ब्रेल दिवस मनाया चार फरवरी को आपने क्या मंगना मनाया कैंसर चार मार्च से इन दोनों से सुरक्षा चार मार्च को इन दोनों से सुरक्षा आठ मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे दस मार्च सी आई एस एफ डे दस मार्च अठारह उन्नीस सौ उनहत्तर में सी आई एस एफ बनी थी सी आई एस एफ सी आई एस एफ बनी थी जिसके की डीजीपी कौन है राजेश रंजन मार्च का सेकंड बुधवार तो जब सेकंड बुधवार आता है तो आपको पीने पर कोई होश नहीं रहता स्मोकिंग मार्च का सेकंड बुधवार जो होता है बच्चा तो मार्च का सेकंड बुधवार आता है मेरे दोस्त नो स्मोकिंग डे नो स्मोकिंग डे वरना स्मोक करोगे सुद बुद्ध भूल जाओगे नो स्मोकिंग डे नो स्मोकिंग डे गुरुजी ने क्या दे दी दोनों दूसरी दोनों गुरुजी ने दोनों किडनी वार दी दोनों किडनी वार दी दोनों क्या दे दी किडनी दे दी किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर विश्व किडनी दिवस वर्ल्ड किडनी डे जो कि नेफ्रॉन ने से बनी होती है गुरुजी ने दोनों किडनी बार दी तुम्हारे ऊपर चौदह मार्च चौदह मार्च चौदह मार्च पंद्रह मार्च सोलह मार्च पंद्रह मार्च सोलह मार्च पंद्रह मार्च सोलह मार्च बहुत अच्छे बहुत अच्छे पंद्रह मार्च सोलह मार्च बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस सत्ताईस इक्कीस मार्च घबराना मत बच्चा बार बार करने से याद हो जाएगा बीस मार्च इक्कीस मार्च बाईस मार्च तेईस मार्च चौबीस मार्च सत्ताईस मार्च अब याद करते हैं पाई डे थ्री पॉइंट वन फोर वैल्यू होती है ना पाई डे पाई दिवस पंद्रह मार्च हो जाता है बच्चा नेशनल कंज्यूमर्स डे नेशनल कंज्यूमर डे नेशनल नहीं इंटरनेशनल दिवस। दिवस। ग्राहक दिवस इंटरनेशनल ग्राहक दिवस विश्व ग्राहक दिवस विश्व ग्राहक दिवस और इस बार की थीम थी ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट करके विश्व ग्राहक दिवस 16 मार्च राष्ट्रीय पोलियो डे राष्ट्रीय पोलियो डे 20 मार्च को जाहिर सी बात है दी सोशल जस्टिस 20 फरवरी में तो 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे होगा विश्व खुशी दिवस 21 मार्च को विश्व पोइट्री डे और जो पोइट्री वाले होते हैं ना वो 21 अप्रैल में जाकर बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं विश्व कविता दिवस विश्व कविता दिवस 21 को कई दिन होते हैं डाउन सिंड्रेम भी होता है इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री डे भी होता है और यदि फॉरेस्ट यहां पे होगा तो जाहिर सी बात है बाईस मार्च को क्या होगा जल दिवस नो वन टू लीव बिहाइंड इंटरनेशनल वॉटर डे नो वन टू लीव बिहाइंड सॉरी लिविंग नो वन बिहाइंड जल दिवस की थीम क्या थी लिविंग नो वन बिहाइंड लिविंग द नो वन बिहाइंड और इसकी इंटरनेशनल हैप्पीनेस की थीम क्या थी इसकी थीम थी शेयर हैप्पीनेस एंड बी आ पार्ट ऑफ समथिंग अमेजिंग तेईस मार्च को पहुंचते तो भैया फॉरेस्ट जल देखकर क्या लगाएगा मौसम विज्ञान दिवस अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस बहुत महत्वपूर्ण तो है 21 मार्च डाउन सिंड्रोम डे फॉरेस्ट्री डे ठीक है बच्चा पोइट्री डे बीस मार्च हैप्पीनेस जब यहां पे फॉरेस्ट्री तो बाईस को जल दिवस तेईस को मौसम विज्ञान दिवस चौबीस को होता है बच्चा टीवी दिवस चौबीस को क्या होता है टीबी डे इसी दिन उन्नीस में बैक्टीरिया को खोजा था टीवी टीबी के लिए वर्ल्ड छह रोग दिवस वर्ल्ड छह रोग दिवस रॉबर्ट कोच नाम के वैज्ञानिक ने सत्ताईस मार्च विश्व थिएटर दिवस वर्ल्ड थिएटर डे वर्ल्ड थिएटर डे डे थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस अभी भी आपको बहुत कुछ याद होगा मुझे पता है यदि डेली रिवीजन करने की आदत होगी थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस और याद रखना बिना सरप्राइज का पस वो प्रसाद लिए बिना मत जाना विश्व थिएटर प्राइज बहुत बेहतरीन विवेक अरे वाह विवेक के बच्चे बहुत अच्छे बाबू आगे आ चाहता है अप्रैल दो अप्रैल हम तुम दोनों जान ले दो अप्रैल अप्रैल सात अप्रैल दो छत बहुत अच्छे बारह अप्रैल बारह अप्रैल बारह अप्रैल बहुत अच्छे बच्चा इक्कीस को पोइट्री और पोइट्री इक्कीस मार्च को तो इक्कीस अप्रैल को पोइट्री कौन लोग करते हैं जो क्रिएटिव होते हैं इक्कीस अप्रैल इक्कीस अप्रैल बाईस तेईस पच्चीस पच्चीस छब्बीस बाईस अप्रैल तेईस अप्रैल पच्चीस के दो दिन छब्बीस के दो दिन पच्चीस अप्रैल पच्चीस अप्रैल छब्बीस अप्रैल छब्बीस अप्रैल बहुत अच्छे अट्ठाईस अप्रैल 28 अप्रैल दो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कैसे याद करोगे एक अप्रैल को सब फूल बना देते हैं तो सबको ऑटिज्म जागरूक करो दो को सबको जागरूक करो जिससे कोई फूल ना बने ऑटिज्म अवेयरनेस स्पीस एंड डेवलपमेंट शांति विकास के लिए खेल शांति विकास दोनों खेल खेलते हैं और छक्का मारती ना खेल में स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट सात अप्रैल अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस इंटरनेशनल डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ डे स्वास्थ्य सभी के लिए हर जगह हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर थीम बारह अप्रैल अंतरिक्ष में यूरी गागरिन की पहली उड़ान स्पेस फ्लाइट डे अंतरिक्ष में यूरी गागरिन की पहली 1961, मानव उड़ान 12 अप्रैल 1961 प्रथम मानव उड़ान जब ये हाथों पे इतना जम रहा है तो जाहिर सी बात है मेरे गले में भी उतना ही जा रहा होगा अब मुझे समझ में आ रही है कि चीजें इतना नुकसान क्यों कर रही हैं ये गले में भी तो जा रहा होगा जब हाथों पे जम रहा है ये भी हाथों पे जम रहा है जाहिर सी बात है गले में भी जा रहा होगा चलो इसका भी सुधारेंगे विश्व नवाचार इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी डे इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी डे इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी डे 21 अप्रैल 21 अप्रैल अब 22 को याद करो 22 मार्च पानी तो 22 अप्रैल क्या होगा धरती दिवस 22 अप्रैल को क्या होगा बच्चा प्रोटेक्ट अवर स्पीशीज वर्ल्ड अर्थ डे प्रोटेक्ट अवर स्पीशीज वर्ल्ड अर्थ डे अर्थ पे क्या होती है किताबें ही किताबें होती हैं वर्ल्ड बुक पुस्तक दिवस वर्ल्ड बुक किताबें ही किताबें होती हैं वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 25 को मलेरिया और मलेरिया की देनी होती है जानकारी मलेरिया की क्या देनी होती है जानकारी और मलेरिया दिन 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे मलावी में पहली वैक्सीन लॉन्च की गई है और 25 को होता है महिला वूमेन एंड गर्ल वुमेन एंड गर्ल इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मलेरिया की जानकारी याद कर लेना पच्चीस कोई वुमेन एंड गर्ल और तुम्हें पता है कि मलेरिया मादा मच्छर काटता है पच्चीस अप्रैल मादा मच्छर काटता है छब्बीस अप्रैल को चरनोबिल हादसा और चरनोबिल बौद्धिक संपदा परमाणु बम किससे बनाया है व्यक्ति ने बौद्धिक संपदा से तो इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे और 26 के हुआ चरनोबिल हादसा यूक्रेन में पड़ती है वो जगह इस पर बहुत बड़ा चरनोबिल में परमाणु हादसा हुआ था यहां पे बहुत बड़ा भी एक इसकी रेडिएशन विकिरण को रोकने के लिए डोम बनाया गया है एक बहुत बड़ा से इसे ढका गया है अट्ठाईस अप्रैल कार्य पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का यह इस बीमारी को सिलिकोसिस कहते हैं कार्य की बीमारी है जो ये जो ये गले से अस्थमा वगैरह होने लगे तो किसी को कई सारी चीजें सीखोगे आप 28 अप्रैल सेफ्टी एंड सेफ्टी एंड हेल्थ एंड दी फ्यूचर ऑफ वर्क कार्य पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का दिवस 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 सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का दिवस 28 अप्रैल इसमें भी दो तीन और रह गए इन्हें और कर लेना बच्चा दस ग्यारह बारह तेरह चौदह सत्रह अठारह इक्कीस चौबीस अट्ठाईस दस अप्रैल ये थोड़े से और रह गए अंतरराष्ट्रीय थे अब राष्ट्रीय कर लीजिए अप्रैल में बहुत सारे दिवस होते हैं दस अप्रैल ग्यारह अप्रैल मातृ और शिशु दोनों सुरक्षित रहे तेरह अप्रैल जलियावाला बाग चौदह अप्रैल बाबा साहब की जयंती सत्रह अप्रैल बताइए सत्रह अप्रैल अठारह अप्रैल अठारह अप्रैल इक्कीस अप्रैल चौबीस अप्रैल अट्ठाईस अप्रैल इक्कीस चौबीस अट्ठाईस अप्रैल तो यहां पे वर्ल्ड होम्योपैथी डे वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेमुअल हानिमन ने सत्रह सो छियानवे में आविष्कार किया था इसका होम्योपैथी डे होम्योपैथी डे ग्यारह अप्रैल सुरक्षित मातृत्व एक सुमन नाम की योजना चलाई है ना सरकार ने एक दो दिन पहले सुरक्षित मातृत्व सेफ मदरहुड तेरह अप्रैल जलियावाला बाग बाबा साहब की जयंती सत्रह अप्रैल वर्ल्ड हीमोफेलिया डे हीमोफीलिया वर्ल्ड हीमो हीमोफीलिया डे वर्ल्ड हीमोफीलिया, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे इसमें भी रक्त का थक्का नहीं जमता 18 अप्रैल विश्व विरासत डे वर्ल्ड हेरिटेज डे विश्व विरासत सिविल सर्विस डे सिविल सर्विस 21 साल की उम्र में सिविल सर्विस ऐसे याद कर लेना 24 अप्रैल उन्नीस से हत्तरवा संविधान संशोधन लागू हुआ था जिससे भारत में पंचायती राज आया था वो 24 अप्रैल उन्नीस में, में लागू हुआ था पास बानवे में हुआ था पास में हुआ था 28 अप्रैल वर्ल्ड वेटरीनरी डे वर्ल्ड वेटरीनरी डे अर्थात जानवरों वाले जो डॉक्टर दिवस होता है वेटरनरी डे 28 को अंतरराष्ट्रीय कार्य पर सुरक्षा दिवस भी होता है जबकि 18 अप्रैल विश्व विरासत और 12 12 अप्रैल का क्या होता है हीमोफिलिया चलिए यह तो याद ही होगा एक मई का बताइए एक मई एक मई एक मई का बता दें तो तीन चार चार मई तीन मई और चार मई के दो दिवस बताइए चार मई एक मई तीन मई चार मई एक मई तीन मई चार मई मई का प्रथम रविवार मई का प्रथम मंगलवार मई का फर्स्ट संडे अर्थात रविवार और मई का प्रथम ट्यूजडे अर्थात मंगलवार संडे तो पता ही है रविवार कहते हैं इसे हिंदी में भी लिख देता हूं ट्यूजडे दे को मंगलवार कहते हैं ट्यूजडे को मंगलवार सात मई सात मई सात के बाद में क्या हो जाते हैं बच्चा आठ मई को दो दिन होते सात मई आठ मई आठ सात मई आठ मई आठ मई को दो होते हैं इस दिन भी बहुत है ग्यारह बारह पंद्रह सत्रह ग्यारह मई बारह मई बारह मई सत्रह मई चलिए एक मई मजदूर दिवस इंटरनेशनल लेबर डे एक मई महाराष्ट्र दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कोल माइनर्स डे कोल माइनर्स फायर फाइटर्स जब कोल में आग लग जाती है तो आग बुझाने वाले आते हैं ना तो चार को दोनों ही होते हैं कोल माइनर्स फायर फाइटर्स मई के पहले संडे को लाफ्टर एल ए यूजी एस टी आर मई के फर्स्ट ट्यूसडे को अस्थमा सात मई को एथलेटिक आठ मई को रेड क्रॉस सोसाइटी खून लाल होता है एथलीट्स का एथलीट्स का खून क्या होता है लाल होता है आठ ही मई को क्या होता है नाम की बीमारी हो जाती है जिसमें हमारी आरबीसी नुकीली हो जाती है और नस वगैरह को फाड़ देती है आरबीसी नुकीली हो जाती है ग्यारह मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे हमने पोखरण किया था बारह मई को नर्स दिवस सत्रह मई को फैमिलीज अगर फैमिलीज से आप लोग बात ना करें सत्रह को आप सभी लोग अपनी फैमिली से बात ना करें तो उन्हें हाइपर हो जाती है उनका उच्च रक्तचाप हो जाता है क्या हो जाता है बच्चा हाइपर हो जाती है या उच्च रक्तचाप हो जाता है हाइपर टेंशन या उच्च रक्तचाप हो जाता है हो जाता है ना चलिए अठारह अठारह मई को बताइए अठारह मई का बताइए बीस मई का बताइए अठारह मई बीस मई इक्कीस मई इक्कीस मई इक्कीस मई बाईस मई बाईस मई 29 और इकतीस बाईस मई उनतीस मई व इकतीस मई उनतीस मई व इकतीस मई उन्तीस मई व इकतीस मई उन्तीस मई व इकतीस मई उन्तीस मई व इकतीस मई बताइए शाबाश, अठारह मई अठारह मई बीस मई वर्ल्ड बी डे वर्ल्ड बी डे मधुमक्खी दिवस एपीकल्चर अठारह मई को हो जाता है एड्स वैक्सीन डे एड्स वैक्सीन अठारह को हो जाता है ये जो म्यूजियम म्यूजियम अजायब घर दिवस वर्ल्ड म्यूजियम डे इक्कीस को हो जाता है नेशनल आतंकवाद दिवस राष्ट्रीय आतंकवाद दिवस कल्चरल डायवर्सिटी डे बाईस को हो जाता है बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता 29 को यूएन शांति दूत यूएन शांति दूत उनतीस को यूएन शांति दूत और इकतीस को वर्ल्ड नो टोबैको डे वर्ल्ड नो टोबैको डे वर्ल्ड नो टोबैको डे वर्ल्ड नो टोबैको डे दिन में जब तुम बार बार लिखकर याद करते रहोगे आपको मेरे साथ ही कभी कंफ्यूजन नहीं होगा नहीं तो देख लो मैं कुछ बता रहा हूं आपको 20 फरवरी बता दो 20 मार्च बता दो 21 मार्च बता दीजिए इक्कीस अप्रैल बता दीजिए इक्कीस अप्रैल बता दीजिए बाईस मार्च बाईस अप्रैल बाईस मार्च बाईस अप्रैल चौबीस जनवरी चौबीस फरवरी चौबीस मार्च चौबीस मार्च चौबीस अप्रैल चौबीस अप्रैल बताइए फटाफट फड़, ये अब टेस्ट सा ले रहा हूं मैं अब थोड़ा सा टेस्ट ले रहा हूं बहुत अच्छे बीस फरवरी सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय होगा तो लोग खूब हैप्पीनेस होंगे हैप्पीनेस लोग खूब खुश होंगे इक्कीस मार्च को जाहिर सी बात है पोइट्री करोगे या फॉरेस्ट्री या डाउन सिंड्रोम डे फॉरेस्ट से क्या होता है बारिश होती है जल बारिश से पृथ्वी बहुत ही बढ़िया लगेगी अर्थ डे पोइट्री कौन करते हैं जो बहुत ज्यादा वो मान लो क्रिएटिव होते क्रिएटिव होते होते हैं, हैं, हैं ना क्रिएटिव चौबीस जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस राष्ट्रीय की बात कर रहा हूं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे नेशनल गर्ल चाइल्ड डे अगले महीने बेटी एक्साइज इंस्पेक्टर बनेगी टीवी और चौबीस अप्रैल को क्या हो जाएगा पंचायती राज पंचायती राज इस तरीके से आप मोड़ कर करना चाहो तो भी याद कर सकते हो तो ये हो जाते हैं आपके दिन अभी हमने क्या क्या कर लिया हमने वैज्ञानिक नाम अच्छे से याद कर लिए जो भी हमें याद है हमने दिन याद कर लिए जो हमें याद है हमने वैज्ञानिक अविष्कार कुछ नए भी किए आज याद है ना आपको हमने कुछ आज नए वैज्ञानिक आविष्कार भी याद किए हमने कुछ नए वैज्ञानिक आविष्कार भी याद किए एक बार देख लेते हैं वी आर ये किसकी किताब है वी आर डिस्प्लेस्ड ये किसकी किताब है वी आर डिस्प्लेस्ड यह किसकी किताब है अनफिनिश्ड 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 यह किसकी किताब है द प्रोस्पेक्ट ऑफ मिरेकल्स द प्रोस्पेक्ट ऑफ मिरेकल माने होता है चमत्कार जब मैं ट्रिक बनाता हूं तो उसकी हिंदी भी लिख लिया करो इंग्लिश में ट्रिक नहीं होती हिंदी में होती है द प्रोस्पेक्ट लेकिन किताबों के नाम इंग्लिश में ही आएंगे चमत्कार तो जब आपको अपनी जगह से हटा दिया जाता है डिस्प्लेस कर दिया जाता है तो आपके दिल में एक मलाल रह जाता है जैसे कश्मीरी पंडितों के दिल में एक मलाल है उन्हें उनके जगह से हटा दिया गया तो किसकी किताब है ये 2014 नोबल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफ जई की किताब है मलाला यूसुफ जई की किताब है मलाला यूसुफ जई अनफिनिश्ड अभी अनफिनिश्ड उनका काम फिनिश नहीं हुआ है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा प्रियंका चोपड़ा कैसे अनफिनिश नहीं हुआ अभी तो काम ऐसे ही चौपट पड़ा है अभी तो काम ऐसे ही चौपट पड़ा है क्या पड़ा है चौपट तो नाम क्या हो गया प्रियंका चोपड़ा नाम क्या प्रियंका चोपड़ा प्रोस्पेक्ट ऑफ मेरेकल्स चमत्कार तो जो मिस्त्री होते ना मिस्त्री बुर्ज खलीफा जैसी कितनी शानदार बिल्डिंग बनाते हैं तो चमत्कारी बिल्डिंग बनाते हैं सायरस मिस्त्री साइरस और वैसे भी सर्कस में क्या होते हैं बहुत सारे चमत्कार होते हैं सर्कस में क्या होते हैं बहुत सारे चमत्कार होते हैं सर्कस में क्या होते हैं बहुत सारे चमत्कार होते हैं गन आइलैंड, गन आइलैंड किसकी पुस्तक है गन आइलैंड किसकी पुस्तक है गन आइलैंड किसकी पुस्तक है गन आइलैंड किसकी पुस्तक है, है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र नेशनल राइस याद हो गया ना काम चौपट पड़ा है प्रियंका भी तो काम चौपट पड़ा भी कहां फिनिश हो गया अनफिनिश्ड पड़ा है फिनिश माने खत्म अभी तो अनफिनिश्ड पड़ा है प्रोस्पेक्ट ऑफ मेरेकल्स चमत्कारी चमत्कार कहां होते हैं सर्कस में होते हैं सायरस सर्कस मिस्त्री चमत्कारी बिल्डिंग बनाता है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट राइस को क्या करते हैं घटक जाते है, वहीं से सोचो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस या सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कुछ करके इसका नाम है सेंट्रल आलू शोध संस्थान तो गन आइलैंड पर जाके कौन गन चलाता था वो देखी थी कांचा वो जो पुरानी पिक्चर आई थी किसकी अमिताभ बच्चन की वृक्ष हो भले खड़े हो घने हो बड़े तनिक पत्र छाओ भी मांग मत मांग मत मांग मत तूने थमेगा कभी तो ने रुकेगा कभी कर शपथ कर शपथ कर शपथ अग्निपथ 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 तो अग्निपथ पिक्चर में अमिताभ बच्चन ने नहीं चलाई थी अमिताभ घोष अमिताभ घोष जिन्हें पिछले साल सरस्वती पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र चावल घटक चावल घटक कहा कटक कटक उड़ीसा में चावल घटक कटक उड़ीसा में चावल घटक भाषा शोध संस्थान तो भाषा में सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं सॉरी किस में बोल रहा हूं भाषा में बोल रहा हूं ना मैं सॉरी भाषा में और मेरे सुर भी में निकलते हैं किसी ना किसी भाषा में निकलते हैं में सॉरी अर्थात ये कुछ राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज लैंग्वेज माने भाषा और जब मैं किसी से सॉरी बोलता हूं तो अपनी भाषा में बोलता हूं क्षमा चाहता हूं मुझे माफ कर दे तो मैं सॉरी या मेरे सुर तो मेरे सुर भाषा में होते हैं केंद्रीय आलू शोध संस्थान केंद्रीय आलू शोध संस्थान ये डेली सुबह नौ बजे होती है विवेक एक्सप्रेस परसों से, से और धांसू बना रहा हूं इसमें डांस भी याद करते हैं राज्यों के सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट और अब हर संडे को रात आठ बजे की क्लास बना लेते हैं एक जरूर ऐसा ही जागरण किया करेंगे जिससे रिवाइज होता चले चले अगली बार बहुत सारे ये याद कर लिए सीईओ वगैरह, डांस ऐसी चीजें हो गई क्योंकि अभी आप कभी नहीं भूलोगे किताब ये जो वैज्ञानिक नाम और वैज्ञानिक आविष्कार कभी नहीं भूलोगे सेंट्रल पटेटो रिसर्च इंस्टीट्यूट तो पटेटो माने आलू आलू के साथ क्या मिलाते हैं आलू के साथ क्या मिला शिमला तो शिमला हिमाचल प्रदेश में शिमला हिमाचल प्रदेश में अरे तुम्हें नींद आ रही है, है? तुमने ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से तुम नींद ले रहे हो जितने तुम नींद की बात कर रहे हो तुम एक काम बताओ कि आज तुमने नींद के लायक किया हो तुम्हें शर्म नहीं आती घर वाले माता पिता कितने कष्ट में नींद ले रहे होंगे तुम्हें नींद आ रही है राजकुमार राजकुमार यो तुम हैं प्रिंस और प्रिंसेस हो नो लुलू के राजकुमार हो तुम खोपड़ा पटक के दोनों मारूंगा एक लड़के का एक लड़की का ऐसे गट्टा खुल जाएगा तरबूज सा नींद आ रही है तो कई दिन तक नींद उड़ जाएगी सुबह दूंगा तुम्हें यही हमेशा के लिए नींद आ रही है तुम्हें ऐसा तुमने पता ना क्या कर लिया है तुम्हें नींद आ रही है सो जा सो बेटा बेटी सो तेरे नींद के लिए कत आज हिमालय को उठा के चीन की ओर को रख दिया है सो जा कई जान के सानी करी होगी बहुत पहाड़ तोड़े हैं सो जा सो जा बेटा सो जा अरे जगके क्या मिलेगा सो जा और यदि तुम ऐसा सोचो कि तुम सो रहे हो तो दुनिया सो रही है तो गंभीर भ्रम में हो मेरे दोस्त भ्रम में हो दुनिया जाग रही है जीवन बनाने के लिए आधा जनता रही होगी जीवन बनाने के लिए छह जाऊं जाऊं। इसे दो तीन घूसे दू तुम्हारे भाई साहब ये ऐसे करके जो मास्टर मारता था ऐसे करोगे कई दिन तक नींद उड़ा दू कोहनियों से तुम्हारी सेवा कर दू मेरा मन तो ऐसा करे नींद आ रही है घर वाला को ख्याल भाड़ में जाओ तुम तुम्हारे लगते क्या है उन्हें कितने कष्ट हो तुम क्यों करोगे उनके लिए घर वाले मां बाप तुम्हारे कुछ लगते हैं बड़े हो गए तुम पाल पोस करके तुम्हें बड़ा कर दिया है, तो तुम्हारा कोई फर्ज थोड़ी ना है किसी के लिए अरे अभी वो बाबू भैया कह दे बेबी कह दे तो तीन दिन जाग जाओगे तीन दिन और रोड पे, पे खड़े होके कह देना रोड पे खड़े होके जागेगा वहीं खड़े होके जाग जाओगे अपनी जिंदगी बनाने के लिए ना जागा जा रहा तुम पे हम पागल हैं रहे हैं तुम्हारे लिए डेढ़ किलो सुबह से खा गए होंगे मारकर की काली इंक को घर बैठे हो ना चैन से आराम से नींद आ रही है सो जाओ कोई बात ना किसी ने रोका तुम्हें सोने वाले को किसी ने रोका तुरंत रोक जाओ सो जाओ अभी जा बेटा जा सो जा मेरे बाबू सो जा आज तो तुमने वो रिकॉर्ड तोड़ काम किया सोचा मैंने भाई खच्चर सिंह खच्चर सिंह दलहन शोध संस्थान दलहन शोध संस्थान दलहन शोध संस्थान, संस्थान पल्सिस रिसर्च रिस, रिसर्च इंस्टीट्यूट मुझसे मत पूछा करो और सोने का मन करे तो एक काम करो हमेशा के लिए सो जाओ जहर वह ले आओ, खाओ और सो जाओ क्यों धरती पर बोझ बने पड़े हो तुम हमेशा के लिए सो जाओ लंबी नींद सो जाओ सोने को देख लो इनके कते ही बिल्कुल इन्हीं, इन्हीं उसमें वांटेड पिक्चर में सलमान खान ने जगा के रख रखा प्रकाश राज की तरह दलहन शोध संस्थान तुम्हारी नहीं हुई बचपन से कुटाई तुमने तुम्हें लड़कियों को तो मिला नाखून रचाने का पूरा मौका और लड़कों को मिला बाल सवारने का पूरा क्रिस्टू बनने का मौका तुम्हारे खोपड़े में वो मारा जाता ना दीवार में से दे दे के तो तुम आदमी बन जाते तुम अभी जो गुड्डा गुड़िया बनने हो ना तुम आदमी बन जाते तुम्हें ये गलत गलती कर दी ये गलती क्यों कर दी ये मेरी समझ से बाहर है ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ड्रग शोध संस्थान अग्नि पूरी चीज ट्रिक से कराइए पूरी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंट्रल केंद्रीय ड्रग शोध संस्थान जब ड्रग ले लेता आदमी ड्रग को दवाई गोली भी कहते हैं बीमारी में लाखों रुपए लगते हैं कितने रुपए लगते हैं लाखों रुपए लगते हैं और दलहन दाल पी पी के प्रोटीन आ जाएगा प्रोटीन बन के बॉडी बनेगी तो फिर जो भी तुम्हारे सामने आएगा क्या कहोगे उसे कान पे धर दूंगा तो जब दाल पी के तुम्हारी बॉडी बन जाएगी प्रोटीन खाओगे कोई दाल में प्रोटीन होते हैं तो तुम्हारी बॉडी बन जाएगी ये बॉडी बनाने के लिए लोग प्रोटीन खाते हैं ना फिर तुम सबके कान पे धरा करोगे कान पे धरा करोगे चलो तो क्या हो जाएगा बच्चा दलहन शोध संस्थान कानपुर मैं भी कोई आज पूरे रात का जागरण नहीं करवा रहा था तो तुमसे होता तो वो मैराथन होती फिर मैं तो सोचा कि एक बार रिवाइज करवा देता हूं महत्व महत्वपूर्ण चीज है और बता देता हूं काम एक दिन मत किया करो ये डेली आया करो क्लास में अब मेरी बात सुन लो एक सरप्राइज दे रहा हूं सुन लीजिए बच्चा कंटेंट के मामले में किसी से कंपेरिजन कर लेना और आप जो दो तीन बार पेपर दे चुके हो आप लोगों को अच्छे से पता है कि क्या कंटेंट आता है सात दिन दुनिया के किसी चैनल ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी सब्जेक्ट का अच्छे से तय कर लो कंपेयर कर लो अभी भी समय है दो से तीन महीने का हर एक एग्जाम एक में अभी भी एग्जामपुर को ज्वाइन कर लीजिए जितने साथी नहीं हो जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने ऐप ऐप लॉन्च नहीं नहीं की अभी डाउनलोड की ऐप कर लीजिए ऐप पर भी बहुत ही बेसिक से शानदार से कोर्स चल रहे हैं और कुल नौ सौ निन्यानवे रुपए की कोर्स की फीस होती है किताबें भी नहीं आती एग्जाम्पुर का मतलब है किसी से भी आप बताओ नो बुक्स स्टडी सिर्फ अपने रजिस्टर लो नोट्स बनाओ कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है नोट्स नहीं बनाओगे कभी नौकरी नहीं लगनी किताब खरीदोगे तो भी नहीं लगनी अब तो ऐसा जमाना आ गया क्योंकि बिल्कुल चेंज हो गया पैटर्न नो बुक्स स्टडी कीजिए पहली बात तो और खुद देख के चुनिए कि कुछ दम है या नहीं है नहीं तो कोई बात नहीं उसके अलावा हर एक सब्जेक्ट की क्लास चलती है हर एक कोर्स की बिल्कुल प्रॉपर क्लास चलती है जैसे ऑफलाइन ऑफलाइन में कोई तीन घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ाता दो घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ाता नौ नौ घंटे की क्लास चलती है इसलिए नहीं कि हमें ज्यादा पढ़ाने का शौक है हमें यह शौक है कि आपका सिलेक्शन दे और यूपी ट्रिपल एससी का पेपर हुआ था अभी तीस और एक तारीख को अस्सी नब्बे परसेंट पेपर फंसाया इंडिया को चैलेंज दिया था कोचिंग को ऑनलाइन ऑफलाइन कोई गलत साबित कर दे डिक्टो क्वेश्चन आए डिक्टो यदि कराया क्वेश्चन की सोलह सौ से चौबीस सौ कैलोरी चाहिए एक कामगार एक्रिय व्यक्ति को तो सेम ही क्वेश्चन आया भी डी भी और ऐसे एक नहीं अस्सी नब्बे परसेंट तो कोई राजी नहीं हुआ पांच लाख का चैलेंज लेने के लिए कोई तो होता है इसमें इतने सारे और कोई देख के देख ले हम तुरंत राजी हो जाएंगे तुरंत राजी हो जाएंगे अभी भी तो इस समय आपके ये परम कर्तव्य बनता है एग्जाम्पल को सपोर्ट करना यदि ये थोड़ा सा भी गया ना बच्चा समझ लेना ऐसी बाढ़ आएगी लालचियों की को रोक नहीं पाएगा बस इंतजार कर रहे हैं पूरा ध्यान दीजिए मेहनत कीजिए आपको रिजल्ट भी देना है रिजल्ट ही हमारा सब कुछ है पहली बात दूसरी बात ये दो क्लासेस सुबह साढ़े छह बजे करंट अफेयर दुनिया में कहीं मत पढ़ो इन्हें तो जरूरी पढ़ो इस करंट के साथ में पूरा स्टेटिक कवर करवा देता हूं साढ़े छ से सात तक मैं आपको डेली के वन लाइनर दिया करूंगा तीस तो जो वन लाइनर के शौकीन है वो वन लाइनर उसके बाद में डिस्क्राइब किया करूंगा एक घंटे एक ही क्लास में और कोशिश करूंगा अब आपको इमेज वगैरह बहुत और एक क्लास का मैं अगली बार को क्या लेकर आ रहा हूं वो अगली बार बताऊंगा अगले संडे को बहुत धांसू क्लास और नौ बजे स्टैटिक जीके की है दुनिया में कौन कहा पहले क्या था किसने क्या किया कहा कौन सा इंस्टीट्यूट है कहा कौन सा संस्था है कहां कौन सी चीज है सब कुछ मैं कराता हूं ये आपको हमेशा याद रहने वाली क्लास है तो आज की क्लास बताइए कि आज की क्लास को आप कितने नंबर देंगे आज की क्लास को में से नंबर दीजिए अभी तक की कोई इस जागरण की क्लास को फिर सबसे बड़ी बात कि, कि इसमें जो मैंने चीजें कराई हैं, क्या वो आपको पसंद आई है पहली बात बाबू ठीक है में से नंबर दीजिए और वादा कीजिए कि सब लोग ऑफलाइन कमेंट ज... अभी मैं सरप्राइज दूंगा जाना मत ऑफलाइन कमेंट्स जरूर करोगे कि भैया हमें क्लास ऐसी लगी और पूरे मन से कमेंट करोगे गलत हो गलत लगी हो गलत सही लगी हो सही आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से शुक्रिया आप आई भी आपको ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहता प्री रात के लिए वो समय और होता है उसकी इज्जत को वहां तक बरकरार रखना चाहिए यू ही नहीं कि कुछ भी करा दिया वो सब नहीं एक आज तो ये हो गई अब बारह बज के एक गया अगला दिन शुरू हो गया आज तेरह अक्टूबर को अभी सुबह सात बजे मैं नहीं थकूंगा इसलिए मैं पूरी रात नहीं ले रहा क्योंकि मुझे सात बजे वन लाइनर करंट अफेयर का रिवीजन, रिवीजन आधे महीने का पूरा रिवीजन फिर रात आठ बजे कल यूपीएसआई सबके लिए इंपॉर्टेंट एक क्लास है सुप्रीम कोर्ट के दस महत्वपूर्ण फैसले यदि मैं पूछ लू आपसे कि एक धारा तीन के ऊपर जो गे राइट्स है जो लोगों गे, गे लोगों को उनके राइट्स दे दिए गए क्या वो आपस में संबंध रख सकते हैं और वो क्राइम नहीं है ये किसका फैसला था कौन से केस में फैसला हुआ था तो आप नहीं बता पाओगे जबकि ये महत्वपूर्ण तो है तो कल रात आठ बजे तो दो क्लास याद हो गई एक सुबह सात बजे की एक रात आठ बजे की दिन में एक मंजी सर की मैथ की क्लास है वो भी मैराथन था तो ये तो हो गए कल का कंटेंट वाइज चेक करो आग से फैला दो आप ही के ऊपर आप ही तो मेरा सब कुछ आप ही को तो कमाया है मैंने दुनिया में और कुछ तो नहीं कमाया तुम्हारे सामने हूं दो साल से तो कितना ज्यादा कर सको दो लोगों को बता सको और रिजल्ट लाके जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा जब तो वो जुड़ेंगे ही तुमसे पूछ के तो जितने भी सिपाही या कहीं भी कोई भी रेलवे ग्रुप डी कहीं भी लगाए एग्जामपुर से तो सब लोग आज तो आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे होंगे ये शनिवार को मैंने रखी इसलिए क्या शनिवार को डेली हर शनिवार को रात आठ बजे आया करेगी जिससे जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं वो कुछ बेहतरीन कर सके आप लोगों से भी बहुत उम्मीद है तो पूरी जान लगा दीजिए इस बार रिजल्ट में रिजल्ट ला के दिखाइए आप ही को पर कोर्स तो कोशिश कीजिए यदि आप ले सकते हैं तो या टेस्टरी जैसे भी आपका बजट बनता है और सौ नंबरों में से नंबरों का ऑफलाइन कमेंट करके पूरी दिल की बात बताना कि मेहनत में कोई कमी रही हो हमारी तरफ से और कोई कमी रही हो तो वो भी मुझे पूरी बताना आज कोशिश करना 2.5 मिलियन हो जाए नहीं हुए तो भी कोई बात नहीं ठीक है दूसरी बात यहां तक तो सारी होगी अब सरप्राइज ले लीजिए आपको याद है कि पिछले वर्ष हमारे यहां पर एक सक्सेस स्टोरी हुई थी एग्जामपुर की पहली सक्सेस स्टोरी एग्जामपुर बनने के बाद में सुनील जी की याद है किसी की कि सुनील जी सुनील जी कौन थे बताओ अगर आप पिछले साल से जुड़े हैं तो बहुत ही मोटिवेटेड कहानी है बहुत ही मोटिवेटेड तुम तो आंखों के होते हुए हाथ सही सलामत होते हुए तुम रोते हो यार मुझे तो बहुत बुरा लगता है ये ब्लाइंड थे देख नहीं सकते थे लेकिन कभी मेहनत में कमी नहीं आने दी जब मैं पढ़ाता था, था पहले से ये वीडियो सुनते थे इनके इसमें सॉफ्टवेयर होता है हर एक चीज को सुना देता है अब मैसेज करोगे तो नाम आ जाएगा विवेक सर ने मैसेज किया है और उसी के थ्रू ये जवाब दे देंगे इस बंदे ने एनवीएस निकाला नवोदय विद्यालय निकाला और आज असम में बढ़िया क्लर्क की जॉब कर रहे हैं अभी उससे आए थे फ्लाइट से मुझे बड़ा अच्छा लगा इनके बड़े इनको कुछ जैसे होती ना माता पिता से जो बीमारी आ जाती है आंखों की कुछ ऐसी बीमारी है जिसमें रोशनी चली जाती है इनके भाई बीस इक्कीस साल तक बिल्कुल ठीक थे बड़े भाई उनका नाम है अनिल जी उनका नाम है अनिल जी वो भी आंखों से ब्लाइंड हो गए प्रॉपर उन्हें भी कुछ दिखाई नहीं देता था लेकिन पढ़ने में बहुत होशियार है अनिल जी शायद अभी भी वीडियो देख रहे हो अपने गांव है प्रतापगढ़ी आजमगढ़ उनका गांव है अनिल जी बहुत मेहनत करते थे सॉफ्टवेयर मतलब बहुत अच्छे से लेकिन कहीं कामयाब नहीं हो पा रहे थे सुनील जी से प्रेरणा ली मेहनत की एक बार इनका एग्जाम मैंने दिया था नवोदय का लेकिन इन्होंने बहुत पढ़ाई की थी इनका भी पूरा योगदान है कहता हूं ना आज एग्जाम्पुर क्यों पहुंचा यहां तक क्यों आप सभी लोग साथ हैं तो इनकी दुआएं मैंने आज सच में यह देवीय शक्ति महसूस की है कि मैं कितना बुरा सही दुनिया में कोई कितना बुरा सही किसी ने मेरे साथ कितना बुरा सही किया हो इनकी जो प्योर दुआ है ना बस उन दुआओं की बदौलत है कि हर मुसीबत में ईश्वर निकाल के ले जाता है हर मुसीबत में ना पैसे होते हुए भी कोई समस्या नहीं आने देता अनिल जी मेहनत की और आपको जानकर खुशी होगी अनिल जी का भी ग्रुप डी में हो गया रेलवे ग्रुप डी अलाहाबाद वो मिला इन्हें अलाहाबाद डिवीजन मिली है प्रयागराज डिवीजन कह सकते हो अभी भी इनकी जल्दी और देखो पिछले साल पांच नवंबर 2018 को इनकी सक्सेस स्टोरी की थी और इस बार कोशिश है कि पांच नवंबर 2019 को इनकी सक्सेस स्टोरी करें इनका पेपर मैंने दिया था और इनका पेपर अपने अंकुर ने दिया था अंकुर है ना मेरा भाई उसने अंकुर ने इनका भी निकल गया ये है दुआएं पूरी तरीके से ब्लाइंड है और मुझसे ज्यादा खुशी मुझसे ज्यादा खुश इस दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं हो सकता अब अगर मैं मर भी जाऊं ना तो मैंने इस 25-26 साल की उम्र में वो पा लिया जिसे दुनिया जिसे अंबानी से बड़े बड़े लोग पूरी जिंदगी कमा कर नहीं पाते मैंने दो ब्लाइंड लोगों को उनकी जगह सेट कर दिया वो जीवन में सशक्त होकर जिएंगे। ये है आपका एग्जांपल, जो एम्पावरमेंट की बात करता है कोई भी व्यक्ति हो उसके एम्पावरमेंट की तो साथियों ऐसी ही दुआएं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपके लिए कभी कुछ नहीं करते सिर्फ आपके माता पिता को सोचकर करते हैं अभी भी खड़ा हूं तो यही सोचकर कि उनको बहुत कष्ट होता है तुम नहीं समझोगे तुम्हारे अंदर दिल ही नहीं है इसके लिए इतना बड़ा जिगर चाहिए समझने के लिए तुम्हारे माता पिता की भावनाओं को तुम कि संतान हो के नहीं समझ सकते बट मैं यहां पर कोई तुम्हारा खूनी रिश्ता कुछ नहीं है पर पता नहीं कौन सा रिश्ता है जो उनके लिए सोचने के लिए मजबूर कर देता है तो क्लासों में आया करो चाहे कुछ भी हो जाए लाइव आने की कोशिश किया करो हर काम को हटा के क्लास में जरूर आया करो काम करते हुए क्लास किया करो तुम्हें दुनिया की वो हंसी जो तुमको देखकर और तुम्हारी नाकामी पर तुम्हारे माता पिता को देखकर दुनिया हंसती है बाबू वो तुम्हें हंसी को तुम्हें बदल देना है तुम्हें जब भी निकले ना माता पिता सीना चौड़ा करके तुम उनकी संतानों तुम जवानों तुम्हारे ऊपर उनकी सारी सारे सपने टिके जब तुम्हें नींद आ रही हो ना तो अपना सर दीवार में मारता थूकना अपने ऊपर कि तुम क्या हो तुम्हारे अंदर क्या शक्ति है तुम पहचान नहीं पा रहे हो तुम सो रहे हो पांच छह घंटे की नींद ले लोगे ना काफी है जीवन में एक दिन में पांच छह घंटे की नींद काफी है और चौबीस घंटे में से बाकी अट्ठारह घंटे बचते हैं चार पांच दिन में एक दिन भी नहाओगे ना तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी जीवन बर्बाद हो गया मैं दो तारीख से आज तेरह तारीख बारह तारीख में नहाया तो मैं मरा नहीं मैं उस समय को बचाकर आपको या कहीं और दे पाया तो खूब अच्छे से पढ़िए जीवन लगा दीजिए सोचो ये ब्लाइंड होकर आंखें ना होकर अपने जीवन पे पथ पर कभी नहीं हार मानी बहुत ही गरीब घर से है सच में ने नौकरी नहीं मिलती ना हे ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तूने एक जरिया बनाया कोई बात नहीं पर तूने इनको सेट कर दिया वरना सोचो कितने परेशान हैं तुम्हें कुछ प्रेरणा लीजिए इनसे और कुछ करके दिखाइए बाकी एग्जाम्पल का कंटेंट आपके साथ है और मेहनत की जरूरत होगी ना आप क्लासों में तो आओ जब आप आओगे ना तो और मेहनत करने का मन करता है और कसके मेहनत करने का मन करता है बट आपको तो दुनिया में पता ही नहीं है कि आपके लिए अच्छी चीज क्या है किसी ने क्वेश्चन दे दिए तो क्वेश्चन अच्छे हो गए किसी ने कुछ दे दिया रट लो पीसीएस में मैंने देखा एक रटा रहा है क्वेश्चन को रे एक क्वेश्चन नहीं आया उसके प्लस सी में एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन आया हो ना चैलेंज है और तुम्हारा एक भी भार आया हो तो चैलेंज है बट तुम पहचानो दुआएं लो मां बाप की आशीर्वाद लो और ऐसी मेहनत करो कि चाय लाकर कहें सर पर ऐसे हाथ रख कर कहें बेटा अब सोचा तेरी आंख खराब हो जाएंगी बेटी अब सोचा थको मत डरो मत बढ़ते चलो अनंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर पिघलनी चाहिए साथ साथ बोलना इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं मेरी कोशिश सूरत बदलनी चाहिए मेरे सीने सही, तेरे सीने में सही। मेरे सीने 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 में 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 सही 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 तेरे तेरे लगी आग कहीं भी ये आग लगनी चाहिए हम सब की मिलकर कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए ऑफलाइन कमेंट्स का वेट करूंगा क्लास कैसी लगी नंबर देके जाना जब ने गुरु जी को किस क्लास फोन का नंबर नहीं क्लास को कितने नंबर दे रहे हो हिंद जय भारत तीन बार आहु आहु आहू हिंद आहू, आहू। जय भारत जय कर गुजर एग्जामपुर कर विजय एग्जाम अब जूनियर इंजीनियर बनने का सपना होगा साकार क्योंकि एग्जामपुर परिवार आपके लिए ला रहा है एसएससी जेई 2019 कंप्लीट कोर्स जिसमें आपके लिए अवेलेबल होंगी टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल क्वालिटी क्लासेस विद आवर एक्सपर्ट्स प्रैक्टिस सेशन डाउट सेशन डेली क्विज कंटेंट विद पीडीएफ और टेस्ट सीरीज 7 डेज फ्री डेमो क्लासेस आर अवेलेबल ऑन आवर एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप तो देर मत कीजिए आज ही डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एग्जामपुर थैंक यू